Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for UPSC civil service preparation, that is the Let's Crack UPSC CSE channel brought to you by an academy. Namaskar dosto, mera naam Pratik Nayak hai aur aap mein se bahut sare students ke saath hum log discuss kar chuke hai various topics regarding history. Usi ke hi continuation mein, based on that continuation of topics, let us once again start on the marathon session on medieval India. हम लोग आज का जो session लेने वाले हैं, आज का हमारा जो session होने वाला है, वो marathon session रहेगा medieval India के अंदर. इसके पहले already मैंने medieval India का एक marathon session लिया हुआ है, जो था early medieval India, जो 750 से लेके 1200 CE तक का जो history का period है. कौन सा period है? The period from 750 to 1200, the period from 750 to 1200, उसको discuss कर रहा है. आज मैं जो सेशन लेके आ रहा हूँ वहाँ पे मैं डिस्कस कराने आ रहा हूँ द पीरियड फ्रॉम 1200 टू 1500 सी, जहाँ पे दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में बात करेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सुल्तान्स एंड विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट द प्रोविंशियल किंगडम्स. प्रोविंशियल किंगडम्स का मतलब होता है कि उस दौरान बहुत सारे छोटे बड़े साम्राज्य उभर के आ रहे थे, तो वही छोटे बड़े साम्राज्यों के अंदर जो प्रोविंशियल अलग 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 जो किंगडम्स बन गए, उनमें से विजयनगर करके एक एम्पायर आता है. विजयनगर का कैसे डेवलपमेंट हुआ उसको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो बने रहेगा मेरे साथ. दो स्टूडेंट्स जस्ट ज्वाइंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मैं उनका स्वागत करता हूँ. थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ. पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. आई हैव गाइडेड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स एज वेल. और मेरा एक्सपीरियंस मेनली हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, आईआर जैसे सब्जेक्ट्स में है, जो इनसाइड आउट मैं कराता हूँ. ठीक है, यूज टू वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट. मैं गुजरात गवर्नमेंट के साथ मैंने काम भी किया हुआ है. आई क्लियर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन बेस्ड इन गुजरात एज वेल, बट बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन टीचिंग ओनली आई फोकस्ड मेनली ऑन द एकेडमिक साइड. ठीक है, तो मैं आप लोग को वेलकम करूंगा. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बनाने बोलने जा रहा हूँ, वो है अन अकेडमिक प्लस के बारे में. आप लोग को पता ही होगा ऑलरेडी अन अकेडमिक प्लस के रिगार्डिंग कि वो एक पेड प्लेटफॉर्म है, बट वो पेड प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही आपको एडवांटेजेस मिलते हैं. मैं वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज करा पाता हूँ, यहाँ पे भी आपके साथ जुड़ा ही हूँ, पूरा का पूरा कंप्लीट कराता ही हूँ जो हम लोग टॉपिक्स लेके बैठे हैं. बट वहाँ पे क्या है कि फुर्सत से हम लोग कर सकते हैं. मैं मिडिवल इंडिया का कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, ऑलरेडी लॉन्च अ कोर्स ऑन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, जहाँ पे मैंने बहुत सारे सेशंस यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी किए हुए हैं. तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आई वेलकम यू. आप आइए, पी एन लाइव इज द कोड, पी एन लाइव इज माई कोड फॉर द पेड प्लेटफॉर्म ऑन द मिडिवल इंडिया, अगर आप जुड़ना चाहोगे. ठीक है, मैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर भी लेके आ रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द कोर्स एंड फाइनली इसके ऊपर भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग आर्ट एंड कल्चर के कोर्स के ऊपर भी जुड़ सकते हो मेरे साथ, आपके लिए बहुत एडवांटेजेस रहेगा. ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है कि बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स विल रीड ऑन द आर्ट एंड कल्चर, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट एबल टू रिकॉल सर्टेन टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, तो टीचर्स की खासियत ये होती है कि टीचर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, पर्टिकुलरली एक पीडेगोगी के साथ. ठीक है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो. अन अकेडमी प्लस इट्स अ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म और बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे. लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलते हैं, अनलिमिटेड क्लासेस आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, ठीक है, टेस्ट देख सकते हो. ठीक है, और बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, तो यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द कोर्सेज. वहाँ पे आपको हिस्ट्री के भी बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, पॉलिटी भी मिलेंगे, तो आप जुड़िए, आपको डेफिनेटली एडवांटेज रहेगा. और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है, ऐसा नहीं है कि अन अकेडमी के किसी को भी पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है. ठीक है, सो वी फाइंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स एंड यू कैन आस्क द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड द प्लस सब्सक्रिप्शन कि उनके लिए कैसा फील हो रहा है. ठीक है, तो आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, मैं वेलकम करता हूँ आपको ज्वाइन करने के लिए. इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन, यू कैन एटमोस्ट टेक द 24 मंथ्स कोर्स. आप 24 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले लो, वन सब्सक्रिप्शन है, अभी भी फिर से कहता हूँ एक ही सब्सक्रिप्शन है, बट यू विल बी एबल टू रीड ऑल द सब्जेक्ट्स. आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी कोचिंग ले सकते हो टिल द टाइम आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है. मतलब अगर आपने 24 मंथ्स तक सब्सक्रिप्शन लिया है, दैट इज़ 2 ईयर्स, देन यू विल बी एबल टू सी द क्लासेज फॉर 2 ईयर्स. मतलब वो लाइव क्लासेस, जो भी नई बैचेस होगी वो, इंक्लूडिंग रिकॉर्डेड क्लासेस, जो भी पुरानी बैचेस होगी वो. समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये एडवांटेजेस बहुत रहेगा आपके लिए. लाइव रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको मिल जाएंगे, आप कभी भी देख सकते हो 2 साल के अंदर. Whenever you are thinking of joining, please use my code PNLive. It's a referral code. आपको 10% discount मिलेगा. ठीक है, तो आप 1 year या 2 year का करिए. 1 year का 48,000 है, 2 year का 1 year का 40,000 है, 2 year का 48,000 है. I'll suggest कि you take a 2 years course.
क्योंकि 48,000 है उसमें भी अगर आपने पीएन लाइव यूज किया है तो 43,200 में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन थिंक अबाउट ज्वाइनिंग दिस कोर्स, लेट अस प्रोसीड फर्दर और लेट अस सी हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। अब अगर आपको प्रीवियस क्लास याद होगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू प्लीज वॉच द प्रीवियस सेशन, आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर से मिल जाएगा। मिडिवल इंडिया का, अर्ली मिडिवल इंडिया का एक सेशन है जहाँ पे हमने ये पॉइंट को पढ़ा था, द पीरियड बिटवीन 750 to 1000, इस दौरान इंडिया के अंदर कन्नौज के लिए स्ट्रगल चल रही थी। कौन कौन फाइट कर रहा था? गुर्जर प्रतिहार वर फाइटिंग, ऑन द अदर साइड द पाल डायनेस्टी वॉज फाइटिंग, ऑन द अदर साइड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी वॉज फाइटिंग। हमने प्रीवियस क्लास में ये तीनों के तीनों टॉपिक को पढ़ा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दी ऑल द थ्री टॉपिक्स, सो आई एम नॉट गोइंग इन टू द डिटेल्स। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इंडिया के ऊपर आक्रमण हुआ, फॉरेन इन्वेजन हुआ। सबसे पहला फॉरेन इन्वेजन होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। हु वॉज मोहम्मद बिन कासिम? ही वॉज एन अरब गाय, पर्टिकुलरली जो अरब इन्वेजन करेगा, कहाँ पे करेगा? सिंध के ऊपर करेगा। कहाँ पे करेगा? सिंध के ऊपर करेगा। और सिंध में जो राजा दाहिर हुआ करते थे, किंग दाहिर ऑफ द सिंध, ही वॉज डिफीटेड एट द बैटल और उसके बाद फाइनली इनका डिक्लाइन होता है, ठीक है, सिंध का। उसके बाद दूसरा इन्वेजन गजनी का होता है। गजनी आता है, मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 CE में। गजनी जो है गजनी की कहानी ये है कि ये 1000 से लेके 1026 तक का, मतलब ऑलमोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 26 ईयर्स कंसेक्यूटिव इंडिया के ऊपर अटैक रहेगा। 17 टाइम्स ये इंसान अटैक करेगा इंडिया के ऊपर, और कहते हैं कि उसने बहुत बार आके लूटफाट करके चला गया। ये दौरान इंडिया के अंदर राजपूत किंगडम्स उभर के आ रहे थे, द राजपूत किंगडम्स वर इमर्जिंग, एंड पर्टिकुलरली जब गजनी गया 1000 के आसपास, तब तक बेसिकली अगर आप देखेगा तो राजपूत किंगडम्स बन चुके थे। तो इंडिया के अलग अलग रीजन्स में राजपूत किंगडम्स उभर के आए थे, जो खास करके नॉर्थ इंडिया में थे। ये जो राजपूत किंगडम्स की डायनेस्टीज थी, ऑल द राजपूत किंगडम्स की जो डायनेस्टीज थी वो कौन सी थी? तो अगर आपको याद होगा तो गढ़वाल डायनेस्टी थी, उसके बाद दूसरे तोमर डायनेस्टी थी, तोमर के बाद चौहान डायनेस्टी थी, चौहान के बाद परमार डायनेस्टी थी, फिर आपको सोलंकी डायनेस्टी मिलेगी, और इस तरह से मेनली ये जो चार पांच जो मेन किंगडम्स है, इस तरह से इनकी शुरुआत होगी। एंड पर्टिकुलरली वी फाइंड इनका डिक्लाइन होता है धीरे धीरे धीरे। क्यों डिक्लाइन होगा? क्योंकि 1192 के आसपास आपको मोहम्मद गोरी मिलेगा। कौन मिलेगा? मोहम्मद गोरी। गोरी विल बी इन्वेडिंग इन इंडिया वन मोर टाइम, एंड द थर्ड इन्वेजन ऑन फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया विल टेक प्लेस। इंडिया के ऊपर थर्ड फॉरेन इन्वेजन होता है, और ये जो थर्ड फॉरेन इन्वेजन हुआ इसके बाद इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री चेंज हो जाएगा। क्योंकि कि घोरी यहाँ पे इंडिया के अंदर अपने गुलामों को छोड़ के जाएगा। ये गुलाम जो थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक फाइनली यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेगा, एंड वी फाइंड न्यू डायनेस्टी कमिंग इन टू द पावर बिटवीन द पीरियड ऑफ 1206 to 1526, ठीक है। तो इतना पॉइंट हम लोग आज के क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बी विथ मी, आज का क्लास का जो शेड्यूल है वो मैंने आपको समझाया है, अब इसको अब फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर 750 to 1000 तक का टॉपिक को पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कन्नौज के लिए फाइट चल रही है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था वाई कन्नौज। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर ये भी बताया था कि कन्नौज का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों कन्नौज के लिए फाइट हो रही थी, ठीक है। इंक्लूडिंग वी हैड ऑल्सो डिस्कस द साउथ इंडियन हिस्ट्री, और साउथ इंडियन हिस्ट्री के अंदर मैंने इंपीरियल चोलास के बारे में बताया था। ये वो चोला डायनेस्टी थी जो पर्टिकुलरली साउथ इंडिया को छोड़ो, पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, वहाँ पे भी उसने अपना दबदबा एस्टैब्लिश किया था। तो यू कैन इमेजिन कि सो पावरफुल डायनेस्टीज इन इंडिया वर देयर वंस अपॉन अ टाइम इन एंटिक्विटी, ठीक है। तो आज हमारा जो सेशन रहेगा वहाँ पे हम लोग 1000 से आगे चलेंगे, और करीबन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे 1200 तक का टाइम क्या रहा था, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने अर्ली मिडिवल इंडिया के जो किंगडम्स है उसको ऑलरेडी पढ़ लिया है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप, तो उसके ऊपर कर रहे थे। दूसरा हमने चोलास के बारे में पढ़ा था, इंपीरियल चोलास क्या इंपॉर्टेंस है, द्रविड आर्किटेक्चर, साउथ ईस्ट एशिया में एक कल्चर डेवलप हुआ इंडिया का, और नेवल सुप्रीमसी। क्यों? क्योंकि चोलास में जो किंग हुआ करते थे, एक का नाम था राजा राजा, याद आया कि नहीं आया, और दूसरा उनके बेटे हुआ करते थे राजेंद्र। ये दोनों के दोनों किंग्स का इंपॉर्टेंस ये है कि इन्होंने अपनी बहुत ही पावरफुल नेवी बना दी थी, और ये नेवी बनाने के बाद इन्होंने बे ऑफ बंगाल, ये वाला जो रीजन है बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है, उसको तो अपनी वो है ना लेक की तरह यूज किया था। किंग राजेंद्र, अगर आपको याद होगा, उन्होंने बे ऑफ बंगाल को अपने लेक की तरह यूज किया था, वो भी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था। हमने आपको कासिम के बारे में भी बता दिया था, वी हैड डिस्कस्ड इन द कासिम, और कासिम जब सिंध के अंदर लड़ाई करेगा तो कौन सी लड़ाई होगी? दैट इज नोन एज द बैटल ऑफ आरोर। याद रखेगा, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर जो सिंध के राजा हुआ करते थे, इन सब के बीच में जब लड़ाई होगी
तो वो अरोर की लड़ाई होती है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग के अंदर ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज नोन एज द बैटल ऑफ अरोर, तो आपको पता होना चाहिए द बैटल ऑफ अरोर इज द बैटल दैट वॉज फॉट बिटवीन द सिंध एंड द मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था गजनी के आक्रमण। अब गजनी ने तो बहुत सारे आक्रमण किए इंडिया के अंदर, तो मैंने आपको बताया था 17 टाइम्स अटैक करता है, अलग अलग टाइम के अंदर आएगा। 1025 में सबसे लैंडमार्क अटैक था क्योंकि उसने सोमनाथ के ऊपर अटैक किया था। कहाँ पे किया था? सोमनाथ के ऊपर अटैक किया था। और जब सोमनाथ के ऊपर अटैक किया तो गुजरात में सोलंकी डायनेस्टी हुआ करती थी। ये सोलंकी डायनेस्टी से किंग हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, तो उनका नाम था भीमदेव वन। क्या नाम था? भीमदेव वन। भीमदेव वन के साथ वो फाइट भी करेंगे, उसके बाद वो चला जाएगा। गजनी के इन्वेजन के बारे में हमको किसी ने बताया है, उनका नाम है अल बिरूनी। अल बिरूनी मूलभूत रूप से गजनी के कोर्ट में बैठा करता था और उन्होंने किताब लिखी थी किताबुल हिंद। उन्होंने ये इसके अंदर इन्वेजन्स के बारे में और इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में भी हमको जानकारी दी है। ठीक है, तो वी फाइंड द सोशियो इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल कंडीशंस आर मेंशन्ड इन टू गजनीज अटैक। ठीक है, अब गजनी के बाद हमने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया कि जब गजनी आया था तो नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको चौहान डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, फिर गढ़वाल डायनेस्टी, तोमर डायनेस्टी, चंडेल डायनेस्टी, ये पांचों के पांचों डायनेस्टीज मिलेंगी। वी फाइंड द फाइव राजपूत डायनेस्टीज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और जब गजनी आएगा उसके उसके बाद ये डायनेस्टीज और ग्रो होती है। तो हमको है ना ये चार पांच डायनेस्टीज जो है वो आपको काफ़ी ग्रोथ करने वाली मिलेगी। एंड इसी दौरान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये डायनेस्टीज डेवलप कर रही थी, जब ये डायनेस्टीज डेवलप कर रही थी उसके बाद अराउंड 1090s के आसपास गजनी का इन्वेजन जब हुआ, उसके 1090s के आसपास, मतलब 1190s के आसपास अगर आप देखोगे तो घोरी का आक्रमण होगा। ठीक है, तो आज हमारा जो सेशन शुरू होगा हम लोग घोरी से ही देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे दिल्ली के सुल्तनत की स्थापना होती है, हाउ घोरीज इन्वेजन विल बी एस्टैब्लिशिंग द दिल्ली सल्तनत। तो पूरा मिडिवल इंडिया है, मिडिवल इंडिया को हम लोग तीन चार पार्ट के अंदर पढ़ सकते हैं। मेनली अगर आप देखेगा तो हमने प्रीवियस मैराथन सेशन में ये टॉपिक को कवर किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली के सुल्तान्स को कि ये कैसे बना दिल्ली के सल्तनत। और उसी दौरान इंडिया के अंदर प्रोविंशियल किंगडम्स भी बनते हैं। प्रोविंशियल मतलब छोटे मोटे आपके एम्पायर्स भी बनेंगे। विजयनगर वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स इन द साउथ इंडिया दैट डेवलप्ड कंटेम्प्रेरी टू द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली का सुल्तनत जब डेवलप हो रहा था तब विजयनगर भी बना। वी ऑल्सो फाइंड गुजरात, मालवा, बंगाल गेटिंग इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसका भी डेवलपमेंट होगा। ये वही पीरियड है जब इंडिया के अंदर भक्ति सूफी मूवमेंट का भी डेवलपमेंट होता है, पर भक्ति सूफी मूवमेंट को अभी हम लोग नहीं करेंगे, कभी बाद में उसके ऊपर एक आध मैराथन सेशन लेंगे। उसके बाद मुगल डायनेस्टी आई पावर के ऊपर 1526 के अंदर, क्योंकि दिल्ली के सुल्तनत का डिक्लाइन हुआ। व्हेन द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत टुक प्लेस, जब दिल्ली के सुल्तान हार जाते हैं, उनका पराजय होता है, किसका होता है? तो लोधी करके जो किंग हुआ करता था, कौन किंग था? इब्राहिम लोधी करके जो किंग था, ही गॉट डिफीटेड एट द हैंड ऑफ द मुगल्स। मुगल्स में किसके साथ लड़ाई होती है? तो लोधी और बाबर की लड़ाई होगी, लोधी और बाबर की लड़ाई होगी। इन दिस बैटल दैट इज नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये जो पहली पानीपत की जब लड़ाई कंक्लूड होती है उसके बाद इतिहास बदल जाएगा एंड मुगल्स पावर के ऊपर आएंगे। ये मुगल्स काफी लंबे टाइम तक रूल करते हैं। जब मुगल्स रूल कर रहे थे तो मराठास पावर के ऊपर आए। मराठास के बाद इवेंचुअली यू विल फाइंड इंडिया के अंदर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ। तब तक यूरोपियंस आ चुके थे और यूरोपियंस का जब आगमन हो चुका था तो उसके बाद फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया करेगी, जहां पे इंडिया के अंदर जो भी छोटे मोटे रीजनल किंगडम्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, उनको एक एक करके खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा मैराथन सेशन है, वहां पे हम लोग घोरी से शुरू करेंगे। विल स्टार्ट विद द घोरीज इन्वेजन ऑन इंडिया और उसके बाद आगे चलेंगे। ग्रेजुअली विल ट्राई टू डिस्कस द अदर टॉपिक्स कि व्हाट थिंग्स विल प्रोसीड फॉरवर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, घोरी का आक्रमण जब हुआ तो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन क्या हुआ करती थी? इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन को अगर आप देखोगे, इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो क्या हुआ करता था, तो उसको समझा देता हूँ मैं। घोरीज इन्वेजन, घोरी का आक्रमण होता है तब इंडिया की कंडीशन क्या हुआ करती थी, उसको मैं थोड़ा बहुत मैपिंग के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। इंडिया के अंदर जब हम लोग घोरी के आक्रमण के समय कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल कंडीशंस देखे तो हमको जानकारी मिली, वी केम टू नो दैट दी पॉलिटिकल कंडीशंस इन इंडिया वर क्वाइट फ्रेगमेंटेड। व्हाई फ्रेगमेंटेशन? क्योंकि अगर आप देखिए तो इंडिया में कोई बड़ा एम्पायर नहीं था, देयर वॉज नॉट मच बिग एम्पायर एंड वी फाइंड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन विच वर रूल्ड इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा यहाँ गुजरात के अंदर आपको सोलंकी डायनेस्टी मिलेगी। किसकी डायनेस्टी मिलेगी? सोलंकी डायनेस्टी मिलेगी, वही सोलंकी डायनेस्टी जिसने गजनी के साथ भी फाइट किया था।
फिर यहाँ अगर आप देखेगा पर्टिकुलरली इन दिस रीजन ऑफ मालवा, अगर आप मालवा के रीजन में देखोगे तो आपको परमार डायनेस्टी मिल जाएगी। किसकी डायनेस्टी मिल जाएगी? परमार डायनेस्टी, वही राजा मिहिर भोज वाले। उसके बाद आप थोड़े ऊपर चले जाओ तो आपको चंडेल डायनेस्टी मिलेगी जो बुंदेलखंड के अंदर थे। द चंडेल डायनेस्टी वॉज रूलिंग इन द बुंदेलखंड रीजन इंक्लूडिंग, अगर आप दिल्ली और अजमेर वाले रीजन को पकड़ोगे, इफ यू कंट्रोल द रीजन ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, तो आपको चौहान डायनेस्टी मिलेगी। चौहान डायनेस्टी मिलेगी, यही चौहान डायनेस्टी से पृथ्वीराज चौहान भी लीड किया करते थे। एंड इन द गढ़वाल और आई वुड से द कन्नौज रीजन, ये जो कन्नौज वाला जो अपना रीजन है वहाँ पे आपको गढ़वाल डायनेस्टी मिल जाती है, वहाँ पे आपको गढ़वाल डायनेस्टी मिल जाएगी। एंड इस तरह से गोरी का जब आक्रमण होता है, जब गोरी का आक्रमण हुआ तो इंडिया के अंदर छोटे छोटे आपको पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन मिलेंगे। यह बंगाल के अंदर पाल डायनेस्टी का डिक्लाइन हो रहा था, पाल डायनेस्टी का डिक्लाइन हो रहा था और उनकी जगह सेना डायनेस्टी पावर के ऊपर आई थी। द सेना डायनेस्टी विल बी कमिंग टू पावर ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली। ठीक है, अब गोरी कहाँ से आता है? गोरी कहाँ से आता है? गोरी केम फ्रॉम अफगानिस्तान। अब मन की आंखों से देखो दोस्त, ये अफगानिस्तान है। कहाँ से आता है? ही केम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड एज अफगानिस्तान, दिस इज अफगानिस्तान पर्टिकुलरली। अब ये मोहम्मद गोरी जो है, इसका गुर नाम था, ये ही बिलोंग टू द गुरिड फैमिली, ये गुरिड डायनेस्टी से बिलोंग किया करते थे। और इनकी इनकी फैमिली की भी स्टोरी यही है जैसे गजनी के अंदर था। मैंने आपको गजनी के अंदर बताया था कि गजनी के जो फैमिली मेंबर्स थे, दे वर द वसाल स्टेट्स ऑफ द पर्शियंस वंस अपॉन अ टाइम इन एंटीक्विटी। गोरीज के अंदर भी यही हुआ करता था कि इनिशियली इनका एक छोटा सा किंगडम था, बट गोरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया की तरफ आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको भी इंडिया के रिचनेस के बारे में पता था। ही वॉज अवेयर अबाउट कि इंडिया कितना एक एक है ना अमीर प्रदेश था, वहाँ पे बहुत सारी पैसे है, बहुत सारी इंडिया के अंदर है ना कहूँगा कि वेल्थ है, मंदिरों के पास बहुत पैसा है। ठीक है, तो गजनी जैसे आया था सोमनाथ बोमनाथ को लूट के गया था, वही स्ट्रेटेजी के साथ गोरी भी आएगा। देखो गोरी का आक्रमण जब इंडिया के अंदर हुआ, जब गोरी का आक्रमण इंडिया के अंदर होता है तो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशंस में अगर आप देखने की कोशिश करिएगा तो आपको मिलेगा चौहान डायनेस्टी जो थी वो उसके साथ कन्फ्रंट्रेशन के ऊपर आएगी। चौहान डायनेस्टी कन्फ्रंट्रेशन के ऊपर आएगी और इनके बीच में लड़ाई होगी। इनफैक्ट गोरी इंडिया के अंदर जब हम लोग देखते हैं उनके अटैक्स को, जब हम लोग समझते हैं तो मोहम्मद गोरी जो है, उसका नाम था मोहम्मद गोरी, उसका नाम था मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी को जब हम लोग समझते हैं, जब हम लोग मोहम्मद गोरी को समझते हैं तो मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले प्रयत्न गुजरात की तरफ किया था 1178 के अंदर। कहाँ पे किया था? 1178 के अंदर गुजरात के अंदर किया था, इन द बैटल ऑफ कयाद्रा। किसके साथ लड़ाई की थी? गुजरात के साथ की थी, याद रखेगा। इन द बैटल ऑफ कयाद्रा, इन द बैटल ऑफ कयाद्रा दैट वॉज फॉट इन गुजरात। ये कयाद्रा की लड़ाई के अंदर राजा भीमदेव टू हुआ करते थे, द किंग भीमदेव टू, ही वॉज द रूलर ऑफ गुजरात। भीमदेव वन नहीं, भीमदेव टू है मैं बता रहा हूँ। भीमदेव वन तो गजनी के सामने फाइट करते हैं, ये भीमदेव टू है। और कहते हैं कि ये जो कयाद्रा की लड़ाई हुई थी उसमें भीमदेव टू ने गोरी को हरा दिया था इन द ईयर 1178। गोरी को 1178 के अंदर हराने के बाद, व्हेन गोरी वॉज डिफीटेड इन द ईयर 1178, उसके बाद गोरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1191 के आसपास पंजाब की तरफ आया। कहाँ पे आया? पंजाब की तरफ आया, वो गुजरात की तरफ आना छोड़ देता है। अब पंजाब की तरफ आया तो उस टाइम पे दिल्ली के रूलर कौन हुआ करते थे दोस्त? दिल्ली के रूलर हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान। एंड बिकॉज पृथ्वीराज चौहान वॉज ऑलरेडी रूलिंग ओवर दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर उनको दस्तक हो गई थी कि भाई साहब ये आज नहीं तो कल हमारे इधर भी आएगा। पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में पंजाब का एक छोटा सा सूबा है जिसका नाम है तारा भिंड। क्या नाम है? तारा भिंड, याद रखेगा। तारा भिंड या इसी को ही हम लोग भटिंडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा भिंड। कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि वेर इज तारा भिंड लोकेटेड, ठीक है, तो हमारा गरबा शुरू हो जाएगा कि भाई ये तारा भिंड कहाँ पे है। भाई तारा भिंड वही भटिंडा है, ठीक है, एक ही नाम है बट अलग अलग नेम से उसको पहचाना जाता है। तो ये जो तारा भिंड या भटिंडा करके जो जगह है, तारा भिंड या भटिंडा करके जो जगह है, वहां पे इन लोग के बीच में कन्फ्लिक्ट होगी, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने की शक्यता थी, क्योंकि गोरी भी क्लेम कर रहा था, गोरी भी क्लेम कर रहा था कि भाई साहब ये तारा भिंड मेरा है। पृथ्वीराज चौहान को पता था कि अगर अगर मैंने इनको ये भटिंडा वाला रीजन कैप्चर करने दिया तो इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन मी, और आज नहीं तो कल गोरी भारत के अंदर आ जाएगा और फिर लड़ाई होगी एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हम लोग को बहुत बड़ा फटका पड़ेगा, समझे आप लोग? ठीक है, तो ये सब परिस्थितियों के कारण वी फाइंड कि मोहम्मद गोरी ने जो आक्रमण किया इंडिया के ऊपर, कंटिन्यूसली जो अटैक्स किए, ये अटैक्स की ही स्टोरी को आपको समझाता हूँ फिर से मैप के द्वारा। तो अभी तक हमने आपको पढ़ाया कि गोरी केम फ्रॉम द अफगानिस्तान रीजन, ही केम फ्रॉम द अफगानिस्तान रीजन, और वो जब इंडिया की तरफ आ रहा था, व्हेन ही वाज कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, तो उसके पहले उसने सिंध के अंदर लड़ाई की और उसने मुल्तान और सिंध को सबसे पहले कैप्चर कर दिया।
मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं बेसिकली बाय द वे, और सिंध दैट वाज अंडर द अरब्स, वहां पे जो अरब्स हुआ करते थे उनके साथ भी घोरी फाइट करेगा। एंड इट इज सेड कि सिंध के अंदर एक प्रदेश है जिसका नाम है उच्च, वो उच्च वाले रीजन को भी वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। उसके बाद घोरी गुजरात की तरफ आया, गुजरात के अंदर बैटल ऑफ कयाद्रा की, कौन सी लड़ाई की थी, बैटल ऑफ कयाद्रा, कयाद्रा की लड़ाई के दौरान भीमदेव टू करके जो किंग थे गुजरात के, भीमदेव टू जो किंग हुआ करते थे जो सोलंकी डायनेस्टी से थे, वो उसको हरा देते हैं, घोरी हार जाता है। घोरी हारने के बावजूद भी उसको अपने अंदर वो शिद्दत थी, उसको लग रहा था कि नो आई एम सपोज टू फाइट, मेरे अंदर का जो गाजी है वो जिंदा रहना चाहिए, और इसी के कारण घोरी ने डिसाइड किया कि मैं फिर से इंडिया के अंदर आऊंगा। और उसने ना पंजाब को कैप्चर करने का प्लान बनाया। पंजाब को कैप्चर करने के प्लान के अंतर्गत उसने धीरे 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 जो पंजाब के सूबे हुआ करते थे, पंजाब के जो सूबे हुआ करते थे उसको एक एक करके उसने कंट्रोल करना शुरू किया। जैसे उसने पेशावर को पकड़ा जो अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ बहुत नजदीक था, उसके बाद उसने सिंध को कैप्चर कर दिया फाइनली। एंड वी ऑल्सो फाइंड पंजाब और लाहौर वाले रीजन तक आते आते पिक्चर बहुत क्लियर हो चुका था कि इंडिया के अंदर एक नया ही सेटअप होने की शक्यता है। पंजाब लाहौर से जैसे ही आगे आएगा तो यहाँ पे दिल्ली के ऊपर रूल करने वाला, दिल्ली के ऊपर रूल करने वाले जो पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत, जो पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे उन्होंने डिसाइड किया कि आई एम सपोज टू मार्च अगेंस्ट घोरी। व्हाई? बिकॉज ऑल वर फाइटिंग, ये इनका जो मेन फाइटिंग का इशू था वो था तारा भिंड नाम की जगह थी, और तारा भिंड नाम की जो जगह थी वो दोनों कैप्चर करना चाहते थे। तारा भिंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, भटिंडा के रूप में पहचानते हैं। किसके रूप में पहचानते हैं? भटिंडा और तारा भिंड बोथ आर सेम, और इट इज सेड कि तारा भिंड या भटिंडा करके जो 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 रीजन है वही रीजन को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों के दोनों कन्फ्लिक्ट के ऊपर आएंगे। एंड इट इज सेड कि मोहम्मद घोरी वो वहां से थोड़ा आगे की तरफ आया, और आज के दिल्ली के नॉर्थ के अंदर हरियाणा वाला जो रीजन है वहां पर करनाल करके आपको एक प्रदेश मिलेगा। क्या मिलेगा? करनाल। करनाल इज अ डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, याद रखेगा, करनाल इज अ डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। वहां पे तरेन की लड़ाई होती है। क्या कहते हैं? दी बैटल ऑफ तरेन। अब इट इज सेड कि ये जो बैटल ऑफ तरेन हुई 1192 के अंदर होती है। अब इसको फिर से आपको व्हाइट स्लाइड्स के अंदर समझाता हूँ सो दैट आपको ज्यादा समझ में आएगा। इट इज सेड कि मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई। मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई होती है, ये कौन सी लड़ाई होती है? तो मैंने आपको बताया मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई होती है 1191 के अंदर होगी, जिसे हम लोग कहते हैं तरेन की लड़ाई, द बैटल ऑफ तरेन। ये फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन होती है 1191 के अंदर। एंड इन दिस फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन घोरी हार जाता है। अब घोरी हार गया, उसके बाद घोरी को बुरा लग गया कि अब करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या, ठीक है। एंड घोरी वॉज थिंकिंग अबाउट इन्वेडिंग इंडिया वन मोर टाइम, बट ही फियर्ड कि पृथ्वीराज चौहान उसको फिर से हरा देगा। देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि पृथ्वीराज चौहान उसको डिफीट कर दे। अब घोरी वॉज लुकिंग फॉर अ पार्टनर इन इंडिया, कि उसको कोई मदद कर दे। उसको मदद करने वाला जो पार्टनर मिलता है वो आपको कन्नौज का रूलर मिलेगा गढ़वाल डायनेस्टी से, जिनका नाम था जयचंद। क्या नाम था? जयचंद, या जयचंद्र भी हम लोग पहचानते हैं, ठीक है। जयचंद या जयचंद्र वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज, याद रखेगा। जयचंद या जयचंद्र वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज एंड ही डिड नॉट हैड गुड रिलेशंस विद पृथ्वीराज चौहान। अब ये क्यों था? तो जयचंद की लड़ाई पृथ्वीराज के साथ क्यों हो गई थी, जयचंद की लड़ाई पृथ्वीराज के साथ क्यों हो गई थी, उसके पीछे थोड़ी लंबी कहानी है। बट अगर आपको प्रीवियस क्लास मेरा याद होगा, तो मैंने आपको बताया था जयचंद की डॉटर हुआ करती थी संयोगीता, याद आया कि नहीं यार? और संयोगीता करके जो उसकी डॉटर हुआ करती थी उनको भगा के लेके गए थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने उनको स्वयंवर से वो है ना कि भगा दिया था, और जयचंद को लग रहा था कि ये हमारी तौहीन हो गई है, हमारा अपमान हो गया है। और इसी के कारण जयचंद ने एक स्ट्रेटेजी बनाई घोरी के साथ मिलके कि पृथ्वीराज चौहान ने मेरी डॉटर को किडनैप किया था शादी के मंडप से, तो मैं मेरी जो ये इंसल्ट हुई उसका बदला लूंगा। और इसी के कारण याद रखेगा, इसी के कारण 1192 तक आते आते सेकेंड बैटल ऑफ तरेन होती है। ये सेकेंड बैटल ऑफ तरेन के अंदर पृथ्वीराज चौहान के सामने फिर से घोरी सामने आया, और घोरी को इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा था। कौन कर रहा था? घोरी को इनडायरेक्टली हेल्प करने वाला जो किंग था उसका नाम था जयचंद। और कहते हैं कि जब घोरी ने जयचंद को हेल्प की तो उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान लॉस्ट, पृथ्वीराज चौहान का पराजय हुआ।
गोरी ने इनिशियली उनको अपना वसाल बना दिया था। वसाल का मतलब है कि उनके अंडर में रखा गया था, ही वॉज केप्ट अंडर द पृथ्वीराज गोरी एडमिनिस्ट्रेशन, और कहते हैं कि उसके बाद उनको मरवा दिया गया था, ही वॉज मर्डर्ड ऑन द ऑर्डर्स विच वर गिवन बाय गोरी। एंड फाइनली चौहान जो था वो फाइनली उनका मृत्यु हो गया। पृथ्वीराज चौहान की यह पूरी की पूरी जो स्टोरी है, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा गया उन्होंने गोरी से बदला भी लिया था, ये बदला एक किताब के अंदर लिखा गया है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी जो हार हुई थी, उसकी जो लॉस्ट हुआ था, वो हार हुआ था, उसका उन्होंने बदला लिया था। ही टुक द रिवेंज बाय किलिंग गोरी। ये जो स्टोरी है, ये दूसरी स्टोरी है हिस्ट्री की। ये पृथ्वीराज रासो जो है वो लिखा था चांद बरदाई ने। किसने लिखा था? चांद बरदाई ने। और पृथ्वीराज रासो के साथ साथ एक और किताब है जिसका नाम है पृथ्वीराज विजय। क्या नाम है? पृथ्वीराज विजय। ये पृथ्वीराज विजय नाम की जो किताब है, दैट वॉज रिटन बाय जयानक, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है। आपको ये तरेन की लड़ाई पता होनी चाहिए कि क्या हुआ, ठीक है? अब देखिए, तरेन की लड़ाई में क्या हुआ, तो मैंने आपको अभी बताया, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन में क्या हुआ, वॉट हैपन इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, हु लॉस्ट? गोरी हार जाता है पहली बैटल के अंदर। उसके बाद फिर से दूसरी लड़ाई हुई, इन द सेकेंड बैटल दूसरी लड़ाई होती है इनके बीच में। जब सेकेंड बैटल ऑफ तरेन होती है उसमें गोरी वॉन और पृथ्वीराज चौहान लॉस्ट हो गया। अब देखो, जयचंद को लग रहा था कि मैंने अपनी जो इंसल्ट हुई थी, कौन सी इंसल्ट थी, तो अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान जब संयोगिता को लेकर चले गए, इसी के बाद जयचंद को वो है ना कि बहुत गुस्सा था पृथ्वीराज चौहान से, तो उनको लग रहा था कि मैंने अपनी हार का बदला ले लिया है, मेरे साथ जो इंसल्ट हुआ था उसका बदला ले लिया है। दिक्कत ये थी कि गोरी को लग रहा था कि अब पिक्चर क्लियर हो गया है मेरे साथ, और मेरे को जो इंसान ने मदद की थी, गोरी को किसने मदद की थी? जयचंद ने ही मदद की थी। वही गोरी जयचंद के साथ लड़ाई करेगा। और कहते हैं कि 1191 के अंदर सबसे पहली बैटल हुई, तब तो गोरी हार गया। 1192 में जब तरेन की लड़ाई होती है, इन द सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, एज आई टोल्ड यू, जब बेसिकली ये जीत जाता है गोरी, उसके बाद गोरी फाइनली जयचंद के सामने फाइट करेगा। याद रखेगा, पहली दो बैटल तो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में थी। इन द थर्ड बैटल वी फाइंड गोरी वर्सेस जयचंद फाइटिंग अगेंस्ट इटसेल्फ। समझ आया आपको? ठीक है, तो याद रखेगा कि जयचंद को अपना ही कर्म भुगतना पड़ा। ही रियलाइज कि उससे गलती हो गई है। और गोरी और जयचंद के बीच में जब लड़ाई हुई, व्हेन द बैटल बिटवीन द गोरी एंड द जयचंद टुक प्लेस, ये बैटल ऑफ कन्नौज के रूप में भी पहचाना जाता है। इसको बैटल ऑफ कन्नौज कहते हैं, या इसी को ही हम लोग बैटल ऑफ चांदवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ चांदवार। याद रखेगा, ये बैटल ऑफ चांदवार या बैटल ऑफ कन्नौज जो होती है वो 1194 के अंदर होगी। कब होगी दोस्त? 1194 के अंदर। आप रनिंग नोट्स बना रहे हो, होपफुली मुझे लग रहा है, ठीक है, तो सो दैट आपको समझने में भी ज़्यादा फायदा रहेगा। इट इज सेड कि ये बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ चांदवार होने के बाद फाइनली ये जो मोहम्मद गोरी जो था वो कंसोलिडेट करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया, क्योंकि चौहान डायनेस्टी का भी पराजय हो चुका है कन्नौज के अंदर, गढ़वाल डायनेस्टी भी अब गोरी के अंदर आ चुकी है। उसके बाद एक एक करके जो भी रीजनल किंगडम्स थे उनको भी फिनिश ऑफ किया जाएगा, ठीक है। सो वी फाइंड इस तरह से मोहम्मद गोरी जो था 1194 के आसपास का जो पीरियड है, तब से अपने आप को कंसोलिडेट करेगा और इंडिया के अंदर एक नई ही शुरुआत होगी जिसे हम लोग कहते हैं दिल्ली सल्तनत। अब ये कैसे पावर के ऊपर है उसको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन निकलेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन ये हो सकता है पर्टिकुलरली कि वाई गोरी वॉन। हाँ, गोरी के जीतने के पीछे के कारण क्या थे? वॉट वॉज द रीजन बिहाइंड गोरी विनिंग अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान? गोरी बेसिकली पृथ्वीराज चौहान के सामने क्यों जीत गया, कैसे जीत गया, उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। वी विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। हम लोग ये टॉपिक के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गोरी क्यों जीत जाता है, कैसे जीत पाएगा, उन सब टॉपिक्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और गोरी क्या करता है उसके ऊपर भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो ये तरेन की जो लड़ाई है, याद रखेगा, ये पृथ्वीराज चौहान के साथ फाइट होती है, चांदवर की लड़ाई है वो जयचंद के साथ फाइट होगी, और जयचंद को उसके बाद खत्म कर दिया जाता है। गोरी अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा। अब देखिए, मेनली इन सब परिस्थितियों में आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि अब आगे क्या होगा, अब गोरी क्यों जीत गया। याद रखेगा कि गोरी जीत गया उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, देयर वर मल्टीपल रीजंस।
वन ऑफ द मेजर रीजंस कि गोरी ने अपने जो जो मेथड ऑफ फाइटिंग थी वो काफी एडवांस थी. एडवांस क्यों थी? क्योंकि ही केम फ्रॉम अफगानिस्तान. अफगानिस्तान इज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया की जो स्टोरी है वहां से उसके बाद बहुत सारे फॉरेन कॉन्टेक्स्ट थे. तो जितने भी फॉरेन कॉन्टेक्स्ट के परिचय में आया, द मोर ही केम इनटू द फॉरेन लाइक नो रिलेशन और उसके उसके ये सब बढ़ते हैं. उसके बाद घोरी का एक अलग ही डायमेंशन आपको मिलेगा. तो उसने आयरन स्टिरप्स का यूज किया था. आयरन स्टिरप्स घोड़े के ऊपर यूज होते हैं. जनरली आप जो आप जहाँ पे पैर रखते हो वो लोहे के बनते हैं और उसके कारण स्टेबिलिटी काफी रहेगी. दूसरा, घोरी लिमिटेड सोल्जर्स के साथ आया था. ही केम विथ लिमिटेड सोल्जर्स क्योंकि अफगानिस्तान से आना था, उसके पास उतने सैनिक नहीं थे. उसके सामने हमारे पास बहुत बड़े सोल्जर्स थे बट इनकी मेथड ऑफ फाइटिंग काफी एडवांस थी. इंक्लूडिंग ये टर्किश कैवलरी लेके आए थे, मतलब ये घुड़सवार लेके आए थे, हॉर्समैन लेके आए थे. और ये हॉर्समैन की खासियत ये थी कि ये काफी एडवांस वे के अंदर चलते थे. वेरस हम लोग है ना हाथी से फाइट करते थे. इंडियन किंग्स यूज्ड टू फाइट विद द एलिफेंट्स. अब एलिफेंट्स है ना मोबिलिटी कम हो जाती है साहब आपकी, ठीक है, तो एलिफेंट्स है ना कुदा कुद नहीं कर पाओगे. इंक्लूडिंग उनको 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 गद्दारी भी मिली जयचंद के द्वारा. जयचंद ने गद्दारी कर दी. और ये सब परिस्थितियों में वी फाइंड पर्टिकुलरली कि 1195 तक आते आते घोरी अपने आप को एस्टैब्लिश करता है आफ्टर डिफीटिंग द चौहान डायनेस्टी एंड आफ्टर डिफीटिंग द गढ़वाल डायनेस्टी. समझ में आया? घोरी ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया चौहान और गढ़वाल डायनेस्टी को डिफीट करने के बाद. अब घोरी क्या इंडिया के अंदर रहेगा? नहीं रहेगा. याद रखेगा 1195 के अंदर जब यहाँ पे घोरी ने चौहान को और गढ़वाल को पराजित कर दिया, व्हेन बोथ ऑफ देम वर डिफीटेड, घोरी वेंट बैक टू अफगानिस्तान. घोरी वापस अफगानिस्तान चला गया और उसने अपने दो गवर्नर्स को इंडिया के अंदर रखा. एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे का नाम था बख्तियार खिलजी. क्या होता है मेनली आपको समझाता हूँ. लेट मी एक्सप्लेन यू फ्रॉम द मैपिंग परस्पेक्टिव. ये क्या करता है उसको समझाता हूँ मैं आपको. अब व्हाट इज हैपनिंग इन हिस्ट्री कि 1195 तक आते आते इफ यू सी द मैपिंग, अगर आप मैप को समझने की कोशिश करो तो मैपिंग के द्वारा आपको समझाता हूँ 1195 तक आते आते पिक्चर क्या हुआ. 1195 तक आते आते बाय द ईयर 1195 घोरी विल बी गोइंग बैक टू अफगानिस्तान. घोरी बोलता है कि चलो भाई अपना टाइम आ गया, आई एम गोइंग बैक टू अफगानिस्तान. और उसके बाद उसने क्या किया, घोरी ने अपने दो गवर्नर्स को अपॉइंट किया. घोरी अपॉइंटेड टू ऑफ हिज गवर्नर्स. वन वॉज द कुतुबुद्दीन ऐबक. क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक. याद रखेगा कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द गवर्नर हु वॉज लेफ्ट बाय घोरी. वो घोरी उसको छोड़ के जाता है और उसको कहा गया था कि तुम कंट्रोल करना बेसिकली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. तो ये वाला जो रीजन है दिल्ली के आजू बाजू वाला, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया और कहा गया कि तुम इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा. यू ट्राई टू कंट्रोल दिस रीजन. और जो ईस्टर्न पार्ट मतलब ये वाला जो रीजन है, वहां पे घोरी ने एक और अपने सेनापति को, या मैं कहूंगा स्लेव को, वहां पे छोड़ के गया जिसका नाम था बख्तियार खिलजी. समझे आप लोग? ठीक है. बख्तियार खिलजी एंड कुतुबुद्दीन ऐबक ये दोनों के दोनों स्लेव्स हुआ करते थे. अब स्लेव्स क्यों था? तो मेनली अगर आप देखोगे तो पहले मिडिवल इंडिया में स्लेवरी सिस्टम बहुत चलती थी और राजा अपने कोर्ट के अंदर स्लेव्स को हायर किया करते थे. द किंग्स यूज्ड टू हायर द स्लेव्स इन द कोर्ट सो दैट उनका एडमिनिस्ट्रेशन चला पाए. समझे आप लोग? ठीक है. तो ये गुलाम हुआ करते थे. ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने 1195 से लेके याद रखेगा 1195 से लेके जो आगे का टाइम फ्रेम था अप टिल द ईयर 1206 उसने ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर कंसोलिडेशन करना शुरू किया. कंसोलिडेशन का मतलब है कि उसने राजकीय रूप से अपने आप को एस्टैब्लिश शुरू किया. इंक्लूडिंग अगर आप देखेगा तो उसने लाहौर वाले रीजन के अंदर अपनी कैपिटल भी बनाने की शुरुआत की. वी ऑल्सो फाइंड कि यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंबोर, याद रखेगा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसने रणथंबोर को कैप्चर किया था सबसे पहले, तो ऐबक ने किया था. इंक्लूडिंग अलीगढ़ वाला जो रीजन है जो दिल्ली से यूपी वाले प्रदेश में, वो मिलेगा. बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का ठेका दिया गया था. बख्तियार खिलजी वॉज गिवन द ठेका ऑफ बंगाल एंड बिहार. और उसको कहा गया था कि भाई तुम बंगाल और बिहार को कैप्चर करने का प्लान करो. और बख्तियार खिलजी ने 1195 ऑनवर्ड से अगर आप देखोगे तो बंगाल बिहार की तरफ दबदबा फैलाया. यहाँ बंगाल बिहार के अंदर जो भी पुरानी डायनेस्टीज थी उनको ख़त्म कर दिया गया. इंक्लूडिंग आपकी नालंदा नाम की जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा नाम की जो विश्वविद्यालय हुआ करती थी एंशियंट इंडिया से, गुप्ता एज से एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी को भी तोड़ा गया. वी ऑल्सो फाइंड विक्रमशिला करके एक जो यूनिवर्सिटी थी, कौन सी थी, विक्रमशिला करके जो यूनिवर्सिटी थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. बंगाल बिहार को जला दिया जाता है. एंड फाइनली ये जो घोरी की डायनेस्टी है वो आगे चलेगी और कुतुबुद्दीन ऐबक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कब, 1206 के आसपास, इन द ईयर 1206, ये अपने आप को अफगानिस्तान के साथ इंडिपेंडेंट करेगा. क्यों करेगा?
क्योंकि 1206 के अंदर याद रखेगा इन द ईयर 1206 डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी टुक प्लेस, डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी टुक प्लेस। अब जब मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो गया तो घोरी का कोई बेटा नहीं था और घोरी का बेटा नहीं होने के कारण उसके गुलाम हुआ करते थे हु इज टू रूल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे याल्डूज करके उसका जो गुलाम था वो अफगानिस्तान के ऊपर घोरी की जगह के ऊपर पावर के ऊपर आया, उसी तौर के ऊपर आपको कुब्जा करके गुलाम मिलेगा जो मेनली पंजाब वाले रीजन में था, आज के पाकिस्तान वाले रीजन में मिलेगा। तीसरा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक मिलेगा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक मेनली अगर आप देखोगे तो दिल्ली वाले रीजन तक एस्टेब्लिश हो चुका है। एंड वी ऑल्सो फाइंड द फोर्थ स्लेव, हमको चौथा स्लेव मिला बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी जो है ये ईस्ट इंडिया तरफ आ चुका था, ठीक है। तो कहते हैं कि बख्तियार खिलजी का तो मृत्यु हो गया, बख्तियार खिलजी गॉट किल्ड बाय वन ऑफ हिज नोबल्स। और कहा जाता है कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गोरी का गुलाम हुआ करता था वो 1206 के अंदर इन द ईयर 1206 ही विल बी एस्टैब्लिशिंग अ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड एज द स्लेव डायनेस्टी। समझ में आया आपको, ठीक है। तो इस तरह से दिल्ली के ऊपर एक नई डायनेस्टी की शुरुआत हो गई, ये स्लेव डायनेस्टी की। इसके ऊपर मैं आता हूँ, ये कैसे बनती है, किस तरह से बनती है, कौन से किंग्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बट पहले आपको इतना पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट हुआ हिस्ट्री के अंदर एंड हाउ फर्दर एनहांसमेंट और आई वुड से फर्दर इवोल्यूशन विल टेक प्लेस, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया है बंगाल बिहार को कैसे कैप्चर किया गया, नालंदा का क्या रोल प्ले था, कुतुबुद्दीन ऐबक फाइनली स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करेगा और इस तरह से इंडिया के अंदर एक नया ही पॉलिटिकल हिस्ट्री की शुरुआत होगी, ठीक है। अब यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मेंस के अंदर आते हैं। पहला प्रश्न आता है कि वाई द राजपूत किंग्स लॉस्ट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन्स, भारत के ऊपर ये विदेशी आक्रमण हुए, कितने हुए? तो एक तो कासिम का हुआ, कासिम के बाद दूसरा इन्वेजन किसका हुआ? गजनी का हुआ, और गजनी के बाद तीसरा इन्वेजन किसका हुआ? घोरी का हुआ, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दिस थ्री टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री समझते हो, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हिस्ट्री को समझते हो, बट आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जब इंडिया के ऊपर कंटिन्यूस पॉलिटिकल अटैक्स हुए तो इंडिया क्यों हार गए, इंडिया के राजा क्यों हार गए। तो सबसे पहले पॉलिटिकल रीजंस उसमें समझा देता हूँ। पॉलिटिकल रीजंस में एक ही कारण था कि हमारे बीच में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। समझ में आया आपको, हमारे जितने भी किंग्स थे देवर फाइटिंग अमंग देमसेल्व। जैसे कि ये मैप से ही अगर आप देखने की कोशिश करो कि ऑल दिस किंग्स वर नॉट हैविंग पॉलिटिकल यूनिटी। ये जितने भी राजे रजवाड़े थे इन लोग के बीच में पॉलिटिकल यूनिटी के नाम के ऊपर आपको जीरो चीज मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती थी। ये जितने भी किंग्स थे इन सब के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में अगर आप देखेगा तो चौहान और गढ़वाल डायनेस्टी के बीच में कंटिन्यूसली अटैक्स चल रहे हैं। चौहान ने मेनली अगर आपको जानकारी होगी तो ये चंडेल डायनेस्टी के साथ भी फाइट किया था, उसने परमार डायनेस्टी के साथ भी इनडायरेक्टली फाइट किया था। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा तो पॉलिटिकल यूनिटी और इन सब हमारे जो किंग्स हुआ करते थे उनके बीच में इंटरनल कन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा था। अब देखो, जब इंटरनल कन्फ्लिक्ट होता है आपके पास तो आप बड़ा एम्पायर नहीं बना पाओगे, समझे आप लोग। एम्पायर बना नहीं पाओगे तो आपके पास उतना इकोनॉमी भी नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी ही आपको एम्पायर बनाने में मदद रूप करता है और एम्पायर ही आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ कराएगा, समझे आप लोग। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, एम्पायर एंड इकोनॉमी गोज ऑन हैंड इन हैंड। तो जितना भी पॉलिटिकल आपका डेवलपमेंट हो रहा है, जितना भी पॉलिटिकल एक्सपांशन आप करने का प्लान कर रहे हो, अगर उसके अंदर आप अपना एम्पायर को स्टेडी रखना चाहते हो तो यू नीड टू हैव गुड मनी फॉर दैट। और आपके पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि आप छोटे छोटे किंगडम्स लेके बैठे हो और उस दौरान जब आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं होती है, तो आप आर्मी के रूप में भी कमजोर होगे, समझे आप लोग। क्योंकि इकोनॉमी अच्छी होगी तो ही आपके पास आर्मी मिलेगी साहब, विदाउट हैविंग द हेल्प ऑफ द गुड आर्मी यू विल नॉट बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स। तो इंडिया में जब कंटिन्यूस पॉलिटिकल अटैक्स हुए तो एक तो आर्मी का केस चल गया साहब, और आर्मी का जो कंटिन्यूसली अटैक हुआ, जो हमारी कमजोर हुआ करती थी किंग्स की, तो एक ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है इंडिया की हिस्ट्री को बदलने के पीछे, क्योंकि आर्मी हमारी कमजोर थी
और हम लोग जो फाइट करते थे वो कौन सी मेथड से करते थे? ट्रेडिशनल मेथड से करते थे। अब ट्रेडिशनल मेथड की फाइटिंग से दिक्कत क्या थी? व्हाट वाज द रिगार्डिंग द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फाइटिंग? तो जैसे घोरी आएगा, जैसे गजनी आएगा, तो ये लोग है ना बहुत सारी बाहर की चीजें सीख के आए थे। दी फॉरेन आर्मी, जो भी फॉरेनर्स की आर्मी आया करती थी, ये काफी एडवांस हुआ करती थी और ये समय के साथ चलती थी। दे वर बेसिकली गोइंग विद द टाइम, वेर एज वी यूज टू फाइट विद द ट्रेडिशनल मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है? तो कुछ नहीं, ग्राउंड के ऊपर सामने सामने आ जाओ, यहाँ पे 50 लोग को आप इकट्ठे खड़े हो गए और आपने कहा कि हम लोग हमला कर देंगे, आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। यहाँ पे 5 ही लोग हैं, सिर्फ फॉर एग्जांपल ये ऑपोजिटन कैंप है, ये अपना इंडियन किंग्स का कैंप है, यहाँ पे 5 ही लोग हैं। देर आर ओनली 5% जो आर वेटिंग इन द इंडियन कैंप और आई वुड से द फॉरेन कैंप। ये 5 लोग 50 के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 लोग की ट्रेनिंग वैसे हुई है, उनकी जो 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 मैं कहूँगा तालीम वैसे उनको दी गई है, उसके कारण उनको काफ़ी एडवांटेज हो गया। समझे आप लोग? ठीक है, तो मिलिट्री में हम लोग वीक, ऊपर से हमने क्या यूज़ किया है साहब? बेसिकली हमने एलिफेंट से फाइट किया करते थे। अब देखो वॉर के अंदर एलिफेंट्स का फायदा अपना होता है। अलेक्जेंडर ने हाथियों का उपयोग बहुत अच्छी तरह से किया था व्हेन ही फॉट अगेंस्ट दी आई वुड से पोरस ने हाथियों का बहुत अच्छा उपयोग किया था व्हेन ही फॉट अगेंस्ट अलेक्जेंडर। जब पोरस करके एक राजा हुआ करता था अराउंड 327 BC के आसपास, पुरुषोत्तम कहते हैं हम लोग, ठीक है, पुरु राजकुमार के रूप में भी पहचाना जाता है। तो जब उन्होंने अलेक्जेंडर के सामने फाइट किया तो हाथियों का उपयोग किया था, बट उस टाइम पे हाथी का अपना एक इंपॉर्टेंस था। मिडिवल एरा में स्पीड ऑफ फाइटिंग यूज टू मैटर। स्पीड ऑफ फाइटिंग का मतलब होता है कि आप कैसे लड़ाई करते हो, कितना जल्दी लड़ाई कर पाते हो। और आपके पास मिडिवल जो जो मेथड ऑफ फाइटिंग है उसमें घोड़े का इंपॉर्टेंस था। हमारे लोग जो है, हमारे किंग्स जो थे, वो घोड़े का उपयोग भी करते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं करते थे, बट घोड़े का उपयोग बहुत लिमिटेड वे के अंदर किया, हाथी का यूज किया। अब हाथी का यूज करोगे तो हाथी की मोबिलिटी बहुत कम होती है, समझ में आया? सो वी फाइंड लेस मोबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स एंड इसके कारण हॉर्सेस जो थे वो स्विफ्ट हुआ करते थे और इन्होंने अपने हॉर्सेस को भी अच्छे चलाया, इसके कारण मिलिट्री भी ये लोग पावरफुल हुए। कौन से जो फॉरेन इन्वेजन थे, अफगान्स आ गए, टर्किश आ गए, ठीक है। उसके बाद इंडिया में सोसाइटी भी थोड़ी रिजिड थी। अब देखो इंडिया की सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स थी, इंडिया की सोसाइटी रिजिड हुआ करती थी। हमारे जो किंग्स हुआ करते थे उनके फॉरेन रिलेशंस में, उनके फॉरेन रिलेशंस में कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो बहुत वीक थे। दे वर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन, दे वर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन दी सेंट्रल एशिया, दे वर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, हाउ डिफरेंट डिफरेंट किंग्स आर ट्राइंग टू प्ले द पॉलिटिक्स अमंग देमसेल्व्स। व्हाई? बिकॉज दे वर क्वाइट कंफ्यूज एंड दे वर वेरी मच आई वुड से कन्फाइंड टू देयर ओन पॉलिटिकल कंडीशन। अब सोसाइटी में आप जब आगे नहीं जा पाते हो, आपको दुनिया के बारे में पता ही नहीं है, तो कोई फॉरेनर आएगा आपको है ना समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो हमारे जो ऑर्थोडॉक्स व्यूज थे उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हुआ। और हमारी कहानी क्या है कि हमारे जितने भी किंग्स हैं ना, हमारे जितने भी किंग्स थे वो सबके सब राजधर्म को फॉलो करते थे। राजधर्म समझ में आता है? राजधर्म का मतलब ये होता है कि हमारे किंग्स जो थे वो ड्यूटी बाउंड थे। आप अभी आजकल रामायण चल रहा है डीडी चैनल के ऊपर, इफ यू सीन इन द टीवी, तो वहां पे ये शब्द का यूज बहुत होता है, बोले हे राजन। महाभारत के अंदर भी यूज होता है, बोले हे राजन तुम अपने राजधर्म का फॉलो करो। राजधर्म का मतलब होता है द किंग्स वर ऑलवेज फाइटिंग ऑन द ड्यूटीज। वो कभी भी अनएथिकल प्रैक्टिस को यूज नहीं करते थे। अनएथिकल का मतलब ये होता है कि हमारे जो किंग्स थे वो सबके सब है ना सुबह से शाम फाइट करना, जब आर्मी रिट्रीट कर रही है। अगर जैसे घोरी की कहानी मैं आपको समझाता हूँ, जब घोरी इंडिया के ऊपर आया पहली बार, जब 1191 के अंदर, तो पृथ्वीराज चौहान उसको हरा दिया सकते थे। ही कुड हैव इजीली डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, बट इट इज सेड कि पृथ्वीराज चौहान उनको हरा सकते थे, पृथ्वीराज चौहान कुड हैव इजीली डिफीटेड घोरी, बट इट इज सेड कि जब घोरी वापिस जा रहा था ना, पीछे भाग के वापिस जा रहा था, तो हमारे किंग्स ने डिसाइड किया कि हम लोग पीछे से वार नहीं करेंगे, विल नॉट अटैक फ्रॉम द बैक। हाँ, एक कंसेप्ट होता है ना कि पीछे, पीठ के पीछे खंजर भोंक देना, हाँ, दैट इज नॉन एज अ स्टैब इन द बैक। ये जो स्टैब इन द बैक वाला कंसेप्ट है, जहां पे हम लोग कहते हैं पीठ के पीछे खंजर भोंकने का काम हमारे राजाओं ने नहीं किया, फॉरेन इन्वेडर्स जो थे इन्होंने ये सब काम किया है। जैसे गजनी गोरी जो थे वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस के द्वारा फाइट किया करते थे। इनकी लड़ाई का एक ही इंटेंशन था, वो था फाइट टू विन। क्या नाम था? फाइट टू विन। फाइट टू विन का मतलब ये होता है कि भाई साहब लड़ो और जीतने के लिए लड़ो, वरना मारे जाओगे, क्योंकि इनके पास खुद की कंडीशंस तो थी नहीं। और फिर उसके बाद जब इन्होंने कंटिन्यूस अटैक किए, तो इंडिया में इकोनॉमिकली हम लोग कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ड्रेन भी हुआ। क्यों ड्रेन हुआ? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जब आपकी वीक होती है, इकोनॉमिक कंडीशन जब आप वीक होगी, तो आप कोई भी वॉर के अंदर फाइट नहीं कर पाओगे लॉन्ग टाइम तक। इनफैक्ट इंडिया ऑफ 1962 एंड इंडिया ऑफ 2020 इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर।
1962 में जो आक्रमण हमारे मित्र देश ने हमारे ऊपर किया था, वही का वही अटैक आज की तारीख में नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उनको भी पता है कि इकोनॉमिकली अभी हम लोग काफी एडवांस हुए हैं, हमारी खुद की वो है ना मॉडर्नाइजेशन हुआ है, वी कैन गिव रिटेलिएशन इन अ वेरी गुड वे। और ये कंडीशन आपको उस दौरान भी मिलेगी इन द मिडिवल इंडिया, क्योंकि मिडिवल एरा के अंदर भी हमारे जो किंगडम्स थे उनको खुद के एक लॉसेस भी हुए और ये इकोनॉमिकली कमजोर थे। और रिलीजियस में तो बात मत करो, हमारे किंग जो थे उनके पास रिलीजियस जील नहीं था। रिलीजियस जील क्यों नहीं था? क्योंकि हम लोग है ना धर्म के लिए, हम लोग है ना रिलीजन के लिए फाइट नहीं करते थे। ये बाहर से जो भी किंग्स आए, जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स आए, ये फॉरेन इन्वेडर्स अपने आप को गाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाजी। गाजी का मतलब ये होता है कि मैं योद्धा हूँ, आई एम फाइटिंग फॉर द कंक्वेस्ट ऑफ इस्लाम। समझ में आया आपको? ठीक है, तो इनकी जो लड़ाई है, इनकी लड़ाई जो थी दैट वॉज मेनली बेस्ड ऑन द कंक्वेस्ट ऑफ इस्लाम। इनकी लड़ाई का टारगेट ये था कि भाई हम लोग इस्लाम के ऊपर वो है ना इस्लाम का फैलावा करने आए हैं, हम लोग जिहाद करने आए हैं। तो इनके पास एक रिलीजियस मोटिवेशन था कि हम लोग धर्म का प्रचार करने जा रहे हैं, हम लोग जीत गए तो इस्लाम की जीत होगी। इस तरह से हमारे जो किंग्स थे वो कमजोर हो गए, इसके कारण ये हार जाते हैं। ये तो खाली मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, इसके ऊपर और भी मैं आधा एक घंटा डिस्कस कर सकता हूँ, पर मैराथन सेशन है इसके लिए ज्यादा नहीं जाऊँगा। ठीक है, अब ये जितना भी इन्वेजन हुआ, जो घोरी का इन्वेजन होता है, जो घोरी का इन्वेजन हुआ, ये घोरी के इन्वेजन के बाद इंडिया के अंदर टर्किश रूल की शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हो गई? टर्किश रूल की। टर्किश रूल का मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर अब टर्किश ओरिजिन के किंग्स आने की शुरुआत होगी। ये टर्किश ओरिजिन जो किंग्स हुआ करते थे, इन्होंने इंडिया को ऊपर 1206 से लेके 1526 तक जितना भी पीरियड तक रूल किया है, ऑलमोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 320 ईयर्स, ये 320 साल तक इन्होंने जब रूल किया, व्हेन दे रूल्ड फॉर 320 ईयर्स, इसमें बहुत सारे किंग्स आएंगे, इनमें बहुत सारे किंग्स आएंगे। ये किंग्स इंडिया के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करेंगे, इंडिया के अंदर मिलिट्री चेंजेस करेंगे, इंडिया की सोसाइटी के अंदर एक नई डेवलपमेंट करेंगे और इंडिया की इकोनॉमी को भी डेवलप कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक एक करके टॉपिक्स के ऊपर आते हैं। और ये टॉपिक को मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको लास्ट में इसको मैं लास्ट के अंदर फिर से जब हम लोग जब ये सेशन को कंप्लीट करेंगे, व्हेन वी विल बी कंप्लीटिंग द दिल्ली सल्तनत, जब हम लोग दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करेंगे उसके बाद इसको रिवाइज करा दूंगा। आई विल बी रिवाइजिंग कि ये इसकी इम्पैक्ट क्या होती है, या मैं आपको कहूंगा कि आप इसको होमवर्क के अंदर भी कर सकते हो, यू कैन डू एज अ पार्ट ऑफ द होमवर्क एज वेल, कि व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ द टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया। क्रिटिकली एनालाइज, आपको क्वेश्चन पूछेगा क्रिटिकली एनालाइज कि द इम्पैक्ट ऑफ द टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया, भारत के ऊपर जो जो टर्किश लोगों का आक्रमण हुआ उसकी असर क्या हुई, किस तरह से हुई, तो उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दे कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स एज वेल, तो उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग एक एक करके अब एक एक समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली के सल्तनत कैसे एस्टैब्लिश हुए। अब जैसे मैंने आपको बताया 1192 के आसपास इंडिया के ऊपर घोरी का आक्रमण हुआ। ये घोरी अपने दो गुलाम को छोड़ के गया, मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपको दूसरा मिलेगा बख्तियार खिलजी। क्या था? बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी तो मारा जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था वो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। ये स्लेव डायनेस्टी दिल्ली के अंदर 1206 से लेके 1290 तक 1206 से लेके 1290 तक स्लेव डायनेस्टी के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करेगी। इसमें बहुत सारे किंग्स आते हैं पर चार किंग इंपॉर्टेंट है। एक तो ऐबक है, ऐबक के बाद आपको अल्तुतमिश मिल जाएगा। अल्तुतमिश के बाद अगर आप देखोगे आपको रजिया मिलेगी, और रजिया के बाद फाइनली अगर आप देखें तो आपको बलबन मिलेगा। ठीक है, तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट किंग्स आपको मिलेंगे जो स्लेव डायनेस्टी के अंदर आएंगे। उसके बाद आपको खिलजी डायनेस्टी मिलती है जो स्लेव डायनेस्टी को टॉपल करने के बाद पावर के ऊपर आई। द खिलजीज विल बी कमिंग टू पावर आफ्टर डिफीटिंग दिस होल किंगडम्स पर्टिकुलरली। उसके बाद आपको तुगलक मिले, तुगलक के बाद सैयद मिले, और उसके बाद लोधी आए। ठीक है, ये जितने भी डायनेस्टी डेवलप हुई, ये पांचों के पांचों डायनेस्टी, उस दौरान इंडिया में भक्ति सूफी मूवमेंट की भी शुरुआत होगी। पर भक्ति सूफी मूवमेंट को अभी नहीं करा रहा हूँ, उसके ऊपर एक आध बाद में मैराथन सेशन ले लेंगे। इंक्लूडिंग यही पीरियड जब था जब तुगलक डायनेस्टी इंडिया के ऊपर रूल कर रही थी, तब इंडिया में प्रोविंशियल किंगडम्स का डेवलपमेंट हुआ, और प्रोविंशियल किंगडम्स में विजयनगर डायनेस्टी की शुरुआत होगी जो हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग आज के क्लास में बहमनी किंगडम को भी पढ़ेंगे और दक्कनी सल्तनत को भी देखेंगे जो विजयनगर के कंटेम्प्ररी हुआ करते थे, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि स्लेव डायनेस्टी कैसे एस्टैब्लिश हुई। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि स्लेव डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है, हाउ द स्लेव डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश। एज आई टोल्ड यू कि घोरी का मृत्यु 1205 के आसपास हुआ,
When the death of Ghori took place, तब तक कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था, was to administer as a governor. कुतुबुद्दीन ऐबक initially governor के रूप में था in the northwest part of the country. वो किसको report करता था? वो घोरी को report किया करता था कि जहाँ पना तुसी great हो, तोफु कबूल करो. By the year 1205, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को independent करेगा और उसने slave dynasty की शुरुआत की. समझे आप लोग? अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये गुलाम था और स्लेव डायनेस्टी के रूप में जब अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, व्हेन ही विल बी एस्टैब्लिशिंग हिमसेल्फ एज अ किंग ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, एज अ किंग ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, तो इस तरह से इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा और यहाँ से ही आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री अब शुरुआत होगा. अब देखो, स्लेव डायनेस्टी को बहुत बहुत सारे किंग्स आपको स्लेव डायनेस्टी में मिलेंगे. इन सब किंग्स के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग चार पाँच इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में पढ़ेंगे. एक तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद अल्तुतमिश है, अल्तुतमिश के बाद आपको रजिया मिलेगी और रजिया के बाद आपको बलबन मिलेगा. दिस आर द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग्स, दिस आर द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत जो स्लेव डायनेस्टी के अंदर आएंगे. ये स्लेव डायनेस्टी में याद रखेगा, ये जो स्लेव डायनेस्टी है, ये स्लेव डायनेस्टी को मामलुक सुल्तान्स के रूप में भी पहचाना जाता है. इनको क्या कहते हैं? मामलुक सुल्तान. क्यों मामलुक सुल्तान? क्योंकि अरेबिक वर्ड फॉर द स्लेव, अरेबिक वर्ड फॉर द स्लेव इज नोन एज मामलुक. मामलुक का जो शब्द है, ये जो शब्द है, इट्स अरेबिक वर्ड, ये गुलाम के लिए यूज होता है. गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है, तो इनको मामलुक सुल्तान्स कहते हैं. कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करेगा. इल्तुतमिश जब पावर के ऊपर आएगा, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसके ऊपर मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर के बाद. इल्तुतमिश जब आएगा तो वो अपने आप को कहेगा कि मैं मामलुक नहीं हूँ, मैं इलबारी हूँ. समझ में आया? वो क्या कहेगा? मैं इलबारी हूँ. तो वी फाइंड अ न्यू डायनेस्टी इन द स्लेव. स्लेव के अंदर ही आपको एक और नाम मिलेगा जिसका नाम है इलबारी डायनेस्टी. वो अपने आप को कहेगा कि मैं इलबारी डायनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ इंसान हूँ, आई एम एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी. और उसके बाद जब बलबन आया, बलबन जब पावर के ऊपर आया 1266 के आसपास, व्हेन बलबन विल बी कमिंग टू पावर, तो बलबन विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड इलबारी डायनेस्टी. बलबन क्या कहता है? मैं भी इलबारी हूँ, बट मैं दूसरा वाला इलबारी हूँ. तो इस तरह से दिल्ली के स्लेव डायनेस्टी जो 1206 से लेके 1290 तक रहती है, 1206 से लेके 1290 तक रहेगी. इन दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड याद रखेगा, हमको डेवलपमेंट के अंदर मिला तीन चीज़ें, जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक की डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी के रूप में कहेगी और बलबन और इल्तुतमिश अपने आप को इलवारी कहेंगे. ये सब के सब गुलाम थे और इस तरह से ये स्लेव डायनेस्टी के अंदर सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं. अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक कितने साल तक रूल करता है पहले वो समझाता हूँ, और 1206 से लेके 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का पॉलिटिकल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है. एज आई टोल्ड यू, हु वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे और फिर से व्हाइट बोर्ड के ऊपर चला जाता हूँ, समझते हैं. ठीक है, एज आई टोल्ड यू, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन हुआ करता था, हु वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक. तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में याद रखेगा कि ही वो स्लेव ऑफ घोरी. वो कौन था? स्लेव ऑफ घोरी था, घोरी का गुलाम हुआ करता था. और मैंने आपको बताया कि घोरी जब रूल कर रहा था अफगानिस्तान में, तो उसके कोई बेटे नहीं हुआ करते थे. तो घोरी का जब मृत्यु हुआ, व्हेन द डेथ ऑफ घोरी टुक प्लेस, तो हिज एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मल्टीपल स्लेव्स. उसके जो भी गुलाम थे उन सब ने एम्पायर को डिवाइड कर दिया. तो मैंने आपको चार गुलामों के बारे में बताया. कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, उसके बाद आपको कुब्चा करके गुलाम मिलेगा. कौन मिलेगा? कुब्चा. उसके बाद आपको यल्डूज मिलेगा और चौथा मिलेगा बख्तियार खिलजी. ठीक है, सो वी फाइंड पर्टिकुलरली ये जो यल्डूज है, ये अफगानिस्तान में पावर के ऊपर आया. कुब्चा जो है, ये पंजाब वाले रीजन में आएगा. कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, वो लाहौर दिल्ली वाले रीजन के ऊपर अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा. कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 तक, फ्रॉम द ईयर 1206 टू 1210, ही विल बी रूलिंग इन द दिल्ली एंड द लाहौर रीजन. और इस तरह से उसने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की. अब क्यों शुरुआत की स्लेव डायनेस्टी? ये देखो, गुलाम कभी वंश नहीं होता है. आप कभी कभी आप किताबों में पढ़िएगा, ये बोलेगा स्लेव डायनेस्टी, हाउ कैन स्लेव बिकम अ डायनेस्टी. हाँ, तो ये गुलाम था, पर ये गुलाम की खासियत ये हुआ करती थी कि वो राजा बन गया था. गुलाम की खासियत ये के कारण जब हम लोग देखते हैं इसी के कारण जब हम लोग देखते हैं पर्टिकुलरली हिस्ट्री को समझते हैं, तो हमको जानकारी मिली कि ये स्लेव डायनेस्टी धीरे धीरे काफी प्रोमिनेंट हो जाती है. काफी मैं कहूंगा कि एडवांस वे के अंदर भी चलेगी. ठीक है, तो उसको समझाता हूँ, उसको लेट मी एक्सप्लेन यू कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एज अ पार्ट ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, कैसे डेवलपमेंट चल रहा है, उसको भी समझते हैं. लेट मी प्रोसीड एंड लेट अस सी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एज अ रूलर के रूप में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. अब याद रखेगा,
कुतुबुद्दीन ऐबक को जब हम लोग याद रखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को जब हम लोग याद रखते हैं तो वो 4 साल तक रूल करेगा। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन वे के अंदर उसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। इनिशियली वो लाहौर से रूल किया करता था, याद रखेगा वो लाहौर से रूल किया करता था। और पॉलिटिकली अगर आप देखेगा तो उसकी जो कोर्ट हुआ करती थी वो कोर्ट के अंदर आपको लिमिटेशंस मिलेगी। लिमिटेशंस इसके लिए मिलेगी क्योंकि उसके ऊपर अफगानिस्तान से कंट्रोल होने की शुरुआत हो जाती है। और अफगानिस्तान में मैंने आपको बताया कि घोरी के मृत्यु के बाद कौन पावर के ऊपर आया था, यल्डूज। वो यल्डूज उसको कहता है कि भाई तुम मेरे अंडर में आते हो, यू आर अंडर मी, यू आर सपोज टू एक्सेप्ट माय सुजरेनिटी, ठीक है। तो इसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ रिफॉर्म्स नहीं कर पाएगा। वो 4 साल तक ही पावर के अंदर रहेगा, इसके लिए अगर आप देखेगा तो उसका कुछ ज़्यादा एडवांसमेंट आपको नहीं मिलता। सोसाइटी और कल्चरल के रूप के अंदर, सोसाइटी और कल्चरल के रूप के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलेगा क्योंकि इन्होंने सूफी सेंट्स को पेट्रोनेस दिया। और कहा जाता है कि एक सूफी सेंट हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी करके जो सूफी सेंट हुआ करते थे ये इसी के दौरान हुआ करते थे। और इनके लिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने पर्टिकुलरली कुतुब मीनार की स्थापना भी कराई, समझे आप लोग, ठीक है। सो वी फाइंड कुतुब मीनार वॉज एस्टैब्लिश्ड टू कमोमरेट द लाइफ ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, वॉज अ सूफी सेंट। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत सारे सूफियों के परिचय में आया था। ये सूफी चैरिटी बहुत कराते थे, इसके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी बहुत सारा पैसा लोगों को दिया। ही स्टार्टेड डोनेटिंग मनी टू द पीपल। और इसके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के रूप में भी पहचानते हैं। क्या कहते हैं? लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब ये होता है कि इज गिविंग चैरिटी, बहुत सारी बख्शीश देता है। समझ में आता है? बख्शीश समझ में आता है कि नहीं आता? व्हाट डू मीन बाय द वर्ड बख्शीश? बख्शीश आज की तारीख में भी हम लोग यूज करते हैं कि नहीं करते दोस्त? बख्शीश का मतलब ये होता है कि आप किसी को पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो बख्शीश में आपने चैरिटी देने की शुरुआत की, इसको लाख बख्श भी कहते हैं। या बहुत सारी किताबों में आप देखेगा इसको लखदाता के रूप में भी पहचाना गया है। लखदाता मतलब 1,00,000 रुपए दे रहा है, इज गिविंग सो मच ऑफ मनी, और इसके लिए उसको याद रखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। इसके दौरान ही इंडिया के अंदर सबसे पहली बार जजिया की शुरुआत हो जाती है। अब जजिया क्या था तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, जब कासिम ने आक्रमण किया उसके बाद सिंध के ऊपर लागू किया जाता। ये नॉन मुस्लिम्स को एक टैक्स देने की शुरुआत की जाती है। नॉन मुस्लिम्स वर बेसिकली फोर्स टू पे अप द टैक्सेस, क्योंकि आप इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इस्लाम। एंड बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इस्लाम यू आर सपोज टू पे अप टैक्स, दैट इज नोन एज जजिया। गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। तो ये जजिया डालने की शुरुआत करेगा और इस तरह से जजिया का इम्पोजिशन इसने कराने की शुरुआत की। एंड पर्टिकुलरली वी फाइंड कि अब फर्दर डेवलपमेंट आपको मिलेगा इन दिस पीरियड ओनली। तो सोसाइटी के अंदर काफ़ी रिजिडिटी आएगी। ये लोग आर्किटेक्चर में काफ़ी ठीक ठाक डेवलपमेंट करते हैं। आर्किटेक्चर में इसके लिए ठीक ठाक डेवलपमेंट करते हैं क्योंकि इन्होंने एक तो कुतुब मीनार बनाया। कुतुब मीनार बनाने के बाद याद रखेगा ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के जो प्रीमाइसिस है वहाँ पे उसने फर्स्ट मॉस्क बनाई जिसका नाम है कुवत उल इस्लाम। दिस वॉज द फर्स्ट मॉस्क दैट वॉज एस्टैब्लिश बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। इट वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम अ टेम्पल। तो इस तरह से ये आर्किटेक्चर के अंदर कन्वर्जन की शुरुआत करेगा, मस्जिद के अंदर पर्टिकुलरली। और इन्होंने आर्किटेक्चर में एक और चीज़ भी बनाई थी, वो था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इट्स इन अजमेर, ये अजमेर के अंदर है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अजमेर वॉज पार्ट ऑफ द चौहान डायनेस्टी। एंड वेन घोरी गॉट डिफीटेड, जब घोरी हार जाता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी फाइंड कि चौहान हार जाते हैं तो अजमेर वाला जो रीजन है वो फाइनली अगर आप देखोगे तो घोरी के हाथ में आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ पे अजमेर के अंदर एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी उसको कन्वर्ट कर देगा। ही विल बी कन्वर्टिंग द संस्कृत पाठशाला। एंड फाइनली द 2.5 दिन का झोपड़ा वहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको इसके अंदर से मिलेगी। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में ये ज़्यादा एक्सपांशन नहीं कर पाएगा, ही वोंट बी एबल टू एक्सपांड द एम्पायर, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर रूल किया करता था। इनकी कोर्ट के अंदर एक ऑथर बैठा करते थे जिनका नाम था हसन निज़ामी। एक किताब लिखी थी जिसका नाम है ताजुल मसीर। क्या नाम है किताब का? नाम द नेम ऑफ द बुक इज ताजुल मसीर।
ताज उल मसीर वॉज रिटन बाय हसन निजामी, दैट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दौरान कौन सी बुक लिखी गई थी। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आता है कि विच बुक वॉज रिटन इन द पीरियड ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इंक्लूडिंग आपको एक और किताब मिलेगी जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। क्या नाम है? तारीख है मुबारक शाही, दैट वॉज रिटन बाय फखरुद्दीन पर्टिकुलरली, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से ही थी। ये फैक्चुअल डेटा है, दिस आर द फैक्चुअल डेटा, बट मेनली आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि फैक्चुअल डेटा के द्वारा भी कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू कोरिलेट विद द टॉपिक्स। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 तक रूल करेगा, ही विल बी रूलिंग फ्रॉम 1206 टू 1210, और वो लाहौर उसका कैपिटल था, याद रखेगा लाहौर वॉज द कैपिटल मेन। 1210 में भाई साहब ये घोड़े से गिर गए, ही फेल अवे फ्रॉम हॉर्स। ठीक है, तो घोड़े के ऊपर चौगान खेल रहा था, चौगान समझ में आता है, पोलो कहते हैं उसको। मिडिवल इंडिया के अंदर ये घोड़े के ऊपर है ना स्टिक से बॉल को मारा करते थे, एंड ही फेल डाउन फ्रॉम द हॉर्स, तो ये घोड़े से गिर गया। तो जब ये घोड़े से गिर गया तो इसका मृत्यु हुआ, एंड व्हेन ही पास्ड अवे तो दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहला वैक्यूम हुआ। अब देखो वैक्यूम क्या होता है, मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला किंग था, ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, और जब स्लेव डायनेस्टी के अंदर जब उसका मृत्यु हुआ, व्हेन ही पास्ड अवे इन द ईयर 1212, तो उसके बाद उसका बेटा आराम शाह करके पावर के ऊपर आता है। कौन आता है? आराम शाह। आराम शाह 1210 से लेके 1211 तक रूल करेगा, बट इसकी लाइफस्टाइल से लोग बहुत नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि राजा था भाई साहब, तो शौकीन इंसान था, तो ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई द ऑफिशियल्स एंड द नोबल्स। तो इसकी कोर्ट के अंदर जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जो भी नोबल्स हुआ करते थे, इन्होंने कॉन्स्पिरसी रची, और कॉन्स्पिरसी रचने के बाद इल्तुतमिश को बुलाया गया। हु वॉज इल्तुतमिश एट दैट टाइम? तो इल्तुतमिश वॉज द सन इन लॉ, याद रखेगा, ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ही वॉज ऑल्सो द स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की डॉटर के साथ शादी भी किया था, और इल्तुतमिश एट दैट टाइम वॉज द गवर्नर, याद रखेगा, ही वॉज द गवर्नर ऑफ बदायूं, बदायूं इज इन यूपी पर्टिकुलरली। और कहता है कि इल्तुतमिश को इनवाइट किया जाता है इन द दिल्ली लाहौर रीजन, बोले तुम आओ, तुम ही हमारे पालनहार हो, ये आराम शाह ने तो है ना हमारी खाट खड़ी कर दी है। इल्तुतमिश उसके बाद आराम शाह को ख़त्म करेगा, एंड देन ही विल बी एस्टैब्लिशिंग हिमसेल्फ एज द किंग। और इल्तुतमिश जब इल्तुतमिश पावर के ऊपर आया तो इल्तुतमिश अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा, और कहते हैं कि इल्तुतमिश ने इतने सारे रिफॉर्म्स किए। ये सब रिफॉर्म्स के कारण उसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहते हैं, ही इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर हम लोग डील करते हैं, और हम लोग इसको समझते हैं, और मैं आपको समझाता हूँ कि वाई इल्तुतमिश इज नोन एज The real founder of Delhi Sultanate। इल्तुतमिश को क्यों दिल्ली की सल्तनत का real founder कहलाया जाता है, ये बहुत ही interesting question यहाँ से बन सकता है। अब जब हम लोग ये question को देखेंगे तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों उसको रियल फाउंडर दिल्ली के सल्तनत के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, तो व्हेन वी सी इल्तुतमिश, तो वो इंडिया के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करेगा, विल बी गिविंग मल्टीपल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। सबसे पहला जो रिफॉर्म करता है वो है लाहौर से दिल्ली को कैपिटल के रूप में लेके आना। तो याद रखेगा कि दिल्ली के अंदर जो कैपिटल की स्थापना की वो इल्तुतमिश ने की थी, और एक पावर सेंटर के रूप में दिल्ली को रीएस्टैब्लिश किया जाता है बाय इल्तुतमिश। सो इल्तुतमिश विल बी रीएस्टैब्लिशिंग द पावर सेंटर इन दिल्ली फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बहुत ही एक लैंडमार्क चीज मैं आपको समझा सकता हूँ फ्रॉम दिस केस। दूसरा, इल्तुतमिश देख रहा है कि यहाँ अफगानिस्तान वाला जो रीजन है वहाँ से जो यल्डूज है पर्टिकुलरली, जो घोरी का ही वंशज हुआ करता था या उसी का स्लेव हुआ करता था, उसने इल्तुतमिश को कैप्चर करने की कोशिश की, उसके साथ फाइट करने की कोशिश की। कहते हैं कि ये इल्तुतमिश पर्टिकुलरली यल्डूज को भी डिफीट कर देगा। तो इट इज सेड दैट इल्तुतमिश विल बी डिफीटिंग यल्डूज, ही विल बी डिफीटिंग यल्डूज, और अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशंस थे उसने सीवियर कर दिए। सीवियर करने का मतलब ये है
कि आज के बाद अफगानिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा ऑफ द दिल्ली किंग्स जो कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके पहले के समय से चल रहा था, क्योंकि गोरी ने इन्हों को अपॉइंट किया था। तो इस तरह से वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देगा, समझे आप लोग, ठीक है। सो ही विल बी एस्टेब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट किंगडम, हम लोग कह सकते हैं ही विल बी एस्टेब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट किंगडम। ये जो इंडिपेंडेंट किंगडम की शुरुआत होगी, ये भी एक नई ही चीज़ आपको मिलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉलिटिकली इल्तुतमिश का इंपॉर्टेंस ये है कि उस दौरान चंगेज खान इंडिया के ऊपर आने वाला था। अब देखो चंगेज खान का इंपॉर्टेंस क्या है, चंगेज खान इंडिया के ऊपर क्यों आने वाला था, व्हाई ही वाज कमिंग ओवर इंडिया। तो उसकी कहानी ये है कि सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया में एक ख्वारिज्म करके एक जगह है। कौन सी है? ख्वारिज्म करके एक जगह है। ये जो जगह हुआ करती थी, ये जगह के ऊपर, ये जगह के ऊपर जलालुद्दीन करके एक राजा था। क्या नाम था? जलालुद्दीन। नाम याद रखेगा, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आएगा। जलालुद्दीन और चंगेज खान की लड़ाई चल रही थी। अब चंगेज खान, अगर आपको जानकारी होगा, ही वॉज ऑफ द मंगोल ओरिजिन एंड वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड आई वुड से किंग्स इन सेंट्रल एशिया। चंगेज खान को कहा जाता है कि वो जब आता था तो जला देता था। ही यूज टू बर्न डाउन ऑल द थिंग्स, वॉट एवर जो भी टेरिटरीज आपके पास है, और फिर उसके बाद उसको कैप्चर कर दिया करता था, स्लॉटर करता था। मतलब वो, उसने लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया था ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये 1190s की बात कर रहा हूँ, ये 1200s की बात कर रहा हूँ मैं। तो जलालुद्दीन करके जो राजा है सेंट्रल एशिया का, जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश को एक मैसेज भेजा। बोले जहां बना तू सिगरेट हो, यू प्लीज अलाउ मी टू हैव रेफ्यूज इन योर कोर्ट। इल्तुतमिश कहता है कि बेटा मैं तुमको रेफ्यूज दूंगा, तो चंगेज खान मेरे यहाँ पे आएगा। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को मना कर दिया कि आई विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ रेफ्यूज, आई विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल पेट्रोनेज, क्योंकि मैंने अगर तुमको यहाँ पे स्वीकारा, इफ आई एक्सेप्टेड यू ओवर हियर, तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी के चंगेज मेरे यहाँ पे आएगा, और चंगेज आएगा तो मेरा दिल्ली का सुल्तानत पूरा खत्म हो जाएगा। I won't be able to rule over Delhi, और चंगेज यहाँ पे सबको लूट फाट करके चला जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटिकली इल्तुतमिश वॉज अ मास्टर, I would say स्ट्रेटेजिस्ट, और उसके कारण उसका, इसका एक हम लोग डेवलपमेंट गिनते हैं इन द हिस्ट्री, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि इल्तुतमिश ने क्या किया। दूसरा पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट क्या किया उसने, याद रखेगा। तो इल्तुतमिश क्या करता है, इजिप्ट और जो आपका बगदाद वाला रीजन है पर्टिकुलरली, वहाँ पे आपके इस्लाम के अंदर एक खलीफा बैठा करता था जिसे अब्बासिड एम्पायर कहते हैं। अब्बासिड एम्पायर का एक खलीफा हुआ करता था, देयर वाज अ खलीफा ऑफ द अब्बासिड एम्पायर। ये खलीफा मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी बता दिया था कि इस्लाम के अंदर जब प्रॉफिट मोहम्मद का मृत्यु हुआ, तो इस्लाम को फैलाने के लिए बहुत सारे लोगों को खलीफा का टाइटल दिया गया था। उसके बाद सब लोग खलीफा बन जाते थे, मेनी किंग्स यूज टू प्रोक्लेम देमसेल्फ खलीफा। इल्तुतमिश ये जो खलीफा हुआ करता था, ये उस टाइम पे जो आपका ईरान वाला और इराक वाला जो रीजन है वहाँ बैठता था, उनके वहाँ से एक लेटर लेके आया, उनके वहाँ से एक लेटर लेके आया, और इल्तुतमिश ने कहा कि मैं खुद रूल नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट माई सेल्फ रूलिंग, आई एम रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ खलीफा। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये कहता है मैं खुद रूल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खलीफा का बंदा हूँ, और ये मंसूर इशू कराता है। क्या इशू कराता है? मंसूर। मंसूर वॉज द लेटर दैट वॉज इशूड बाय द खलीफा टू इल्तुतमिश, और खलीफा ने इल्तुतमिश को कहा कि बेटा तुम मेरी जगह रूल करो, मैं यहाँ पे आपको अथॉरिटी देता हूँ कि आप इंडिया के ऊपर रूल कर सकते हो। समझे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से इल्तुतमिश की शुरुआत होगी, इस तरह से इल्तुतमिश की शुरुआत होगी। ये इल्तुतमिश की जो डायनेस्टी है, ये जो इल्तुतमिश की डायनेस्टी है, इस तरह से वो एक गेन करेगा। दूसरा उसने क्या गेम किया इल्तुतमिश ने, कि उसका जो भी एम्पायर था, उसका जो भी एम्पायर था वो एम्पायर के उसने डिवाइड किया। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन द फॉर्म्स ऑफ इक्ता। किसके नाम के ऊपर? इक्ता। अब व्हाट डू मीन बाय इक्ता माई फ्रेंड? इक्ता किसे कहते हैं? इक्ता वॉज द सिस्टम जहाँ पे बड़ी बड़ी लैंड के जो पीसीस थे, बड़े बड़े जमीन के टुकड़े थे, वो नोबल्स को दिया करता था। किसको दिया करता था? नोबल्स को। अब नोबल्स कौन हुआ करते थे? तो नोबल्स उसके ऑफिशियल्स हुआ करते थे, नोबल्स उसके, मैं कहूँगा कि उलेमा हुआ करते थे, और पूरा का पूरा जो टेरिटोरियल एक्सपांशन उसने जो किया है, इल्तुतमिश ने जो अपना साम्राज्य फैलाया है, उन सबको उसने इक्तादारी सिस्टम के अंतर्गत, किसके नाम के ऊपर? इक्तादारी सिस्टम के अंतर्गत डिवाइड कर दिया। एंड बाय डिवाइडिंग द एम्पायर इन द बेसिस ऑफ इक्तादारी सिस्टम, वो अपने आप को री एस्टैब्लिश करेगा और अपना जो है ना, एक साम्राज्य विस्तरण करेगा, ठीक है। तो इसको इक्तादारी सिस्टम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इल्तुतमिश लेके आया था, याद रखेगा। इंक्लूडिंग इल्तुतमिश ने अपनी कोर्ट के अंदर 40 नोबल्स हुआ करते थे। कितने थे? 40 नोबल्स हुआ करते थे। ये 40 के 40 नोबल्स को अपने पास इकट्ठा किया
और उसको लॉयल्टी के रूप में उसको चालीसा का टाइटल दिया। क्या करता है, चालीसा का टाइटल देता है। ही गेव दी नोबल्स दी टाइटल ऑफ चालीसा, वो चालीसा का टाइटल देगा। और कहते हैं कि ये चालीसा, 40 नोबल्स हुआ करते थे जो इल्तुतमिश के खास थे। इसी को ही हम लोग चहलगामी सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चहलगामी सिस्टम कहते हैं। ये चहलगामी सिस्टम का फायदा ये हुआ कि इल्तुतमिश के नीचे, ये इल्तुतमिश के अंडर ये 40 ऐसे लोग आ गए, ये 40 ऐसे लोग आ गए जो उसके सबसे मोस्ट, मैं कहूँगा कि फेवरेट हुआ करते थे और इल्तुतमिश के लॉयल रहे। ये 40 के 40 को बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े दे दिए जाते थे इन द फॉर्म ऑफ इक्ता। ये 40 के 40 को ज़मीन के बहुत बहुत टुकड़े दे दिए जाते थे इन द फॉर्म ऑफ इक्ता। और ये 40 के 40 इल्तुतमिश के हमेशा वफादार रहेंगे, समझे आप लोग। तो इल्तुतमिश एज अ रिफॉर्मर के रूप में अगर आप देखोगे तो उसने इक्ता सिस्टम की शुरुआत की, उसने 40 सिस्टम को शुरुआत किया, उसने लाहौर से दिल्ली को शिफ्ट कराया, इंक्लूडिंग यल्दूज जो अफगानिस्तान वाला जो रीजन था उसके साथ संबंध कट कर दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया, इंक्लूडिंग चंगेज खान, चंगेज खान या गेंजिस खान एक ही नाम है, उसके ऊपर जब अटैक होता है तो उसको रिपील करेगा, उसको रिपील करेगा बाय हिज स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक मूव। ही वॉज अ मास्टर डिप्लोमैट एंड बिकॉज ही वॉज अ मास्टर डिप्लोमैट। तो इस तरह से हमको देखने को मिला कि इल्तुतमिश का अपना खुद का ही एक कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर से मिलेगा, ठीक है। तो पॉलिटिकली ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट रिफॉर्मर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और 1211 से लेकर 1236 तक जब वो रूल करेगा, वेन हिल बी रूलिंग इट बिटवीन द पीरियड ऑफ 1211 टू 1236, तो वो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स भी लाएगा, ठीक है। तो ये तो उसकी एक ये पॉइंट था। उसके बाद अगर आप देखेगा तो इकोनॉमिकली, सोसाइटिकली और कल्चरली में वो क्या क्या चीज़ें करता है। तो इकोनॉमिकली उसका इंपॉर्टेंस ये था कि उसने इक्ता सिस्टम शुरू किया। इक्ता सिस्टम वॉज द डिवीजन ऑफ एम्पायर। इस तरह से डिवीजन ऑफ एम्पायर की शुरुआत हो गई इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में उसने अपने साम्राज्यों को छोटे छोटे इक्ता में डिवाइड कर दिया, इंक्लूडिंग उसने सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स भी इशू किए थे। याद रखेगा इल्तुतमिश वॉज द किंग हु इशूड द सिल्वर एंड द कॉपर कॉइन्स। कौन से थे, तो सिल्वर के जो कॉइन्स थे, सिल्वर के जो कॉइन्स थे उसे हम लोग क्या कहते हैं, टंका कहते हैं। क्या कहते हैं, टंका, याद रखिएगा। और जो कॉपर के कॉइन्स हुआ करते थे, वो जो कॉपर के कॉइन्स हुआ करते थे उसे हम लोग जीतल के रूप में पहचानते हैं। क्या कहते हैं, जीतल, ठीक है। टंका एंड जीतल, टंका एंड जीतल दे आर बोथ द कॉइन्स दैट वर इशूड बाय इल्तुतमिश। और इस तरह से करेंसी रिफॉर्म्स की भी शुरुआत करेगा, समझ में आता है आपको। अब देखो करेंसी रिफॉर्म्स कब बढ़ता है, वेन एवर द करेंसी रिफॉर्म्स विल एस्टेब्लिश, ठीक है। करेंसी रिफॉर्म्स का बढ़ाना का मतलब ये होता है, करेंसी रिफॉर्म्स के बढ़ाने का मतलब ये होता है, याद रखेगा, कि आपके यहाँ पे मोनेटाइजेशन हुआ है, आपके यहाँ पे मोनेटाइजेशन हुआ है और ट्रेड एंड कॉमर्स जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो अब एक्सचेंज सिस्टम में नहीं चल पा रहा है, ये बार्टर सिस्टम में नहीं चल पा रहा है। और इसके लिए आपको बहुत सारे कॉइन्स की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पहले क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर क्या चलता था, व्हाट यूज़ टू हैपन इन द ट्रेड एंड कॉमर्स अर्लियर डेज। इन द अर्लियर टाइम्स वी हैव ऑलरेडी सीन, और हम आपने पढ़ा भी होगा किताबों के अंदर, कि अर्लियर टाइम्स में ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर आपको बार्टर सिस्टम ही मिलेगी। अर्लियर टाइम्स के अंदर आपको ट्रेड एंड कॉमर्स में बार्टर सिस्टम ही मिलेगी। बट बाय द टाइम ऑफ इल्तुतमिश कमिंग टू पावर, जब तक इल्तुतमिश पावर के ऊपर आया तो उसने नए कॉइन्स को इशू करा दिया। अब जितना कॉइन्स बढ़ेगा, जितना कॉइन्स बढ़ेगा उतना ही व्यापार बढ़ेगा, समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यू फाइंड द मोर कॉइन्स दैट विल बी इशूड, तो उतना ही आपका ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस हो जाती है, समझे कि नहीं समझे। ईज ऑफ बिजनेस किसे कहते हैं दोस्त, आपने ये पढ़ा होगा वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो यही है ना दोस्त, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसी तो कहते हैं हम लोग, ठीक है। कि आप किस प्रकार से, आप किस प्रकार से पर्टिकुलरली अपनी जो इकोनॉमी है उसको एडवांस करने की कोशिश करोगे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रूप में इल्तुतमिश ने ये सिल्वर और कॉपर कॉइन्स को भी इशू कराना शुरू किया, इंक्लूडिंग इल्तुतमिश का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दिल्ली के अंदर काफ़ी मिलेगा। और कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया जाता है उसी के द्वारा, याद रखेगा। द कम्प्लीशन ऑफ कुतुब मीनार वॉज डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश। अब क्यों मैं कम्प्लीशन कहता हूँ, तो कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार जो है वो किसके नाम के ऊपर बना था, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बनाया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम के ऊपर ये स्थापना की गई थी कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार की कहानी ऐसी चलती है, कहानी ऐसी चलती है कि ये कुतुब मीनार है, उसमें जो छोटा वाला पोर्शन है या मैं कहूँगा बीच वाला पोर्शन है, ये ऐबक ने बना दिया था, ये ऐबक ने बना दिया था। बट दिक्कत ये हो गई कि कुतुब मीनार का ऊपर का जो पोर्शन है वो रह गया था, क्योंकि ऐबक गिर गया घोड़े से। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही फेल अवे फ्रॉम प्लेइंग चौगान एंड पोलो। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक गिर जाता है, व्हेन कुतुबुद्दीन ऐबक फेल डाउन, तो उसके बाद कुतुब मीनार को आगे कंटिन्यू करता है इल्तुतमिश, समझे आप लोग। तो इल्तुतमिश वॉज द वन हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार।
और उसके बाद ये कुतुब मीनार के ऊपर फाइनली रिपेयरिंग का काम, इसके ऊपर एक बार बिजली गिर जाती है, इसके ऊपर एक बार बिजली गिर जाती है, और बिजली गिरने के बाद इसको रिपेयरिंग करने का जो कामकाज है, बिजली गिरने के बाद इसको रिपेयरिंग करने का जो कामकाज है वो कौन करेगा, हु विल बी रिपेयरिंग द कुतुब मीनार, याद रखेगा, वो करेगा फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक कौन था, उसके ऊपर थोड़ी देर के बाद मैं आता हूँ, आई विल बी कमिंग कि हु वॉज फिरोज शाह तुगलक आफ्टर सम टाइम, बट एटलीस्ट आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि हाउ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट और हाउ द फर्दर डेवलपमेंट टुक प्लेस एज अ पार्ट ऑफ द आर्ट एंड कल्चर। इल्तुतमिश का एक और कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो था हौज़ ए सुल्तानी। वो दिल्ली के अंदर एक वाटर बॉडी बनाता है, ही विल बी मेकिंग अ वाटर बॉडी इन दिल्ली, एक छोटा सा लेक बना देगा, हम लोग कह सकते हैं एक पॉन्ड बना देगा, ये हौज़ कहते हैं, हौज़ का मतलब है पॉन्ड या लेक या कुछ भी आप कह सकते हो बेसिकली, क्योंकि राजा जितना भी आर्किटेक्चर के अंदर ये पॉन्ड और लेक्स बनाता था उतना ही उसको लोग स्वीकारते थे कि भाई हमारा राजा शानदार जबरदस्त जिंदाबाद है, ठीक है। तो ये सब परिस्थितियों के कारण हम लोग जब इल्तुतमिश को देखते हैं, तो इल्तुतमिश का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको इतना सारा मिलेगा। और 1236 के अंदर, जब इल्तुतमिश का मृत्यु हुआ, तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको समझाता हूँ कि वॉट इज हैपनिंग कि जब उसका मृत्यु हुआ, जब इल्तुतमिश का मृत्यु हुआ, उसके बाद उसी के ही फैमिली से रुकनुद्दीन फिरोज करके एक राजा था, उसको राजा बनाया गया। इट इज सेड दैट रुकनुद्दीन फिरोज वॉज मेड द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, बट रुकनुद्दीन फिरोज ही वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश बाय द वे। और कहते हैं कि ये काफ़ी वो है ना कि एक वीक किंग था, वीक किंग इसके लिए था क्योंकि इसका कुछ पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा नहीं। और रुकनुद्दीन फिरोज को टॉपल किया जाता है उसी के ही सिस्टर के द्वारा, जिसका नाम था रजिया, समझे आप लोग, ठीक है। तो इट इज सेड कि इमीडिएटली आफ्टर इल्तुतमिश व्हेन ही पास्ड अवे, जब इल्तुतमिश का मृत्यु हुआ, तो रुकनुद्दीन फिरोज पावर के ऊपर तो आया, पर रुकनुद्दीन फिरोज का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो आपको रजिया से मिलेगा, और अभी हम लोग रजिया के ऊपर चले जाते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड रजिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था एज अ रूलर, ठीक है। तो हम लोग जब रजिया को देखते हैं, याद रखेगा, तो शी यूज टू रूल फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1236 टू 1214। रजिया 1236 से लेके 1240 तक पावर के ऊपर रहती है, और याद रखेगा शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन सुल्तान, ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और ये रजिया की पहले से उनकी जो तालीम हो गई थी वो एक, मैं कहूँगा कि एक एक वॉरियर के रूप में हुई थी। शी वॉज ट्रेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश एंड ट्रेंड एज अ वॉरियर। इनफैक्ट जब इल्तुतमिश रूल कर रहा था, तभी रजिया कोर्ट के अंदर भी उनके साथ अटेंड किया करती थी, एंड रजिया नेवर यूज टू फॉलो एनी काइंड ऑफ सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक द पर्दा सिस्टम। बेसिकली ये तुर्किश लोग जब इंडिया के ऊपर आए, तो बिकॉज दे वर इस्लामिक रूलर्स, तो इस्लाम के अंदर आपने देखा होगा कि ये नकाब का कंसेप्ट है, या बुरखा का कंसेप्ट है, या पर्दा हम लोग जिसे कहते हैं, इसी को हम लोग व्हील के रूप में भी पहचानते हैं, ठीक है। सो इट इज सेड दैट ये जो व्हील का जो कंसेप्ट है, ये एक पर्दा का कंसेप्ट है, वो रजिया ने डिस्कार्ड कर दिया। ये रजिया एक रूलर के रूप में जब एस्टेब्लिश होती है, तो ये अपने कपड़े भी मेल की तरह पहनती थी, शी यूज टू वेल द मेल अटायर, इंक्लूडिंग ये घोड़ा वोड़ा चलाती थी, शी यूज फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग एंड शी यूज टू लीड द आर्मी। अब देखिए, आप समझने की कोशिश करो, इल्तुतमिश जब पावर के ऊपर था, तो इल्तुतमिश ने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के रूप में एक सिस्टम को डेवलप किया था जिसका नाम है चालीसा। समझ में आया आपको, ये चालीसा कौन हुआ करते थे, ये 40 के 40 जो भी थे बेसिकली वो सब नोबल्स हुआ करते थे, और यहाँ पे इनमें आपको बहुत सारे रिलीजियस एलिमेंट्स भी मिलेंगे। रिलीजियस एलिमेंट्स का मतलब ये है कि ये लोग धर्म के ठेकेदार थे उस टाइम पे। ये लोग का मानना ये था कि रिलीजन इस्लाम के अंदर ऐसा होता है, इस तरह से आपको रूल करना है, एंड इनमें बहुत सारे आपको ऑर्थोडॉक्स उलेमाज मिलेंगे। ये 40 के अंदर जो भी थे, ये सब आपको ऑर्थोडॉक्स उलेमाज मिलेंगे, और कहते हैं कि इतने सारे ऑर्थोडॉक्स उलेमाज थे कि बात मत करो। एंड बिकॉज देर वर सो मैनी ऑर्थोडॉक्स उलेमाज एट दैट टाइम, हु डिड नॉट लाइक रजिया टू बी द क्वीन और द किंग, ठीक है। तो रजिया अपने आप को टाइटल देती है रजिया सुल्तान, क्या टाइटल देती है रजिया अपने आप को, शी इज गिविंग हरसेल्फ द टाइटल ऑफ रजिया सुल्तान, मतलब आप समझो कि वो बेगम का टाइटल नहीं देती है, शी डज नॉट गिव्स हर द टाइटल ऑफ बेगम, या इस प्रकार का है ना, जो 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 फीमेल के साथ जुड़ा हुआ नाम है वो नहीं देती है। तो रजिया एज अ रूलर को अगर आप देखोगे, तो रजिया क्वाइट इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही थी, और रजिया जितना इंडिपेंडेंट होगी, आप समझने की कोशिश करो, रजिया जितना इंडिपेंडेंट होगी, तो डू यू थिंक
कि वो जो चालीसा थे, वो जो चालीसा थे वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, समझे आप लोग? ठीक है, तो हम लोग जब रजिया की बात करते हैं, हम लोग जब रजिया की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट रजिया, जब हम लोग रजिया को समझते हैं, तो रजिया की कहानी ये है, रजिया की जो कहानी है वो 1236 से लेके 1240 तक चलती है, 1236 से लेके 1240 तक चलती है। और कहा जाता है, पर्टिकुलरली रजिया एज अ रिफॉर्मर, वो काफ़ी सारे चेंजेस करने की कोशिश करेगी। रजिया ने सोसाइटी को चैलेंज करना शुरू किया, कर दिया। रजिया ने, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो उलेमास थे, उलेमास के साथ उसने कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट में आने की कोशिश कर रही थी। इंक्लूडिंग रजिया ने अपना एक गुलाम था, रजिया का भी एक स्लेव हुआ करता था। ये स्लेव अगर आप देखोगे पर्टिकुलरली, जिसका नाम था याकूत, क्या नाम था? याकूत। याकूत वॉज ऑफ द इथोपियन ओरिजिन, ये एबिसिनिया का था। कहाँ से था? ही बिलोंग टू द एबिसिनिया। एबिसिनिया मतलब आज का अगर आप देखोगे तो इथोपिया वाला रीजन मिलेगा। याकूत को उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजिशन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा दिया। अब आप समझने की कोशिश करो, आप किसी को इतना इंपॉर्टेंट पोजिशन के ऊपर बिठा रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो आपका गुलाम है। उलेमास जो है ये बेसिकली, इतने भी लोग थे, ये सब के सब ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स थे। दे डिड नॉट लाइक द एनी काइंड ऑफ आई वुड से लाइक नो लेडी रूलिंग ओवर हम। और उसके बाद इनको लग रहा था कि ये हमारे सुल्तान है, हमको ये उलेमास को कहीं ना कहीं उनका ईगो क्लैश भी हो रहा था। उसमें याकूत जैसे गुलाम को इतने इंपॉर्टेंट पोजिशन के ऊपर बिठाना, और उसको है ना बेसिकली जो हॉर्स का डिपार्टमेंट था, रॉयल हॉर्स का, उसका हेड बना दिया जाता है। याकूत वॉज मेड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द रॉयल हॉर्सेस। मतलब आप घोड़े का एक इंपॉर्टेंस था दिल्ली के सुल्तनत के अंदर, वहां पे गुलाम को आप बिठा रहे हो। और बहुत लोगों को लग रहा था कि रजिया और याकूत के बीच में अफेयर भी है। क्या लग रहा था? बहुत लोग को ये जानकारी मिल गई थी कि इन दोनों के बीच में अफेयर है। और इसी के कारण अगर आप देखोगे, इसी के कारण जब रजिया पावर के ऊपर थी, तो उसके सामने कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट हुए, उसके सामने कॉन्स्टेंट रिवॉल्ट हुए, समझे आप लोग? तो बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस रिवॉल्ट्स, दैट वर टेकिंग प्लेस, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय 1240, 1240 तक आते आते 1240 तक आते आते वी सी पर्टिकुलरली कि ये 40 के 40 लोग हैं ना, चालीसा वाले लोग थे, ये चालीसा वाले लोगों ने रजिया को टॉपल कर दिया। इट इज सेड कि रजिया के सामने रिवॉल्ट होता है पर्टिकुलरली इन द पंजाब रीजन। इनिशियली यहाँ पे पंजाब वाला जो रीजन है वहाँ पे रजिया के सामने रिवॉल्ट होगा। और कहते हैं कि ये जब रिवॉल्ट हुआ तो अल्तुनिया करके एक उसका लीडर हुआ करता था, अल्तुनिया के सामने रजिया का रिवॉल्ट होता है। लेटर ऑन फिर रजिया और अल्तुनिया के बीच में शादी भी हो जाएगी। बट 1240 तक आते आते, याद रखेगा, बाय द ईयर 1240 फाइनली रजिया को हरा दिया जाता है। शी वॉज डिफिटेड एट कैथल, कैथल इज अ प्लेस इन हरियाणा। और कैथल के अंदर जब उसका पराजय हो गया, उसके बाद उसको मार दिया जाता है। और दिल्ली की जो गद्दी है वो रजिया के बाद नेक्स्ट किंग को दे दी जाती है, जिसका नाम है बहरम शाह। क्या नाम है? बहरम शाह, याद रहेगा आपको। ठीक है, सो वी फाइंड रजिया वॉज टॉपल्ड बाय द ईयर 1240, और दिल्ली की गद्दी के ऊपर आपको बहरम शाह करके किंग मिलेंगे। ये बहरम शाह और कोई नहीं था, बट ही वॉज जस्ट अ पपेट इन टू द हैंड्स ऑफ द चालीसा, ये जो चालीसा हुआ करते थे, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये जो चालीसा हुआ करते थे इनके हाथों के अंदर ये पपेट हुआ करते थे। और कहते हैं ये चालीसा ही इनको कंट्रोल किया करते थे। ये चालीसा ने एक दिन डिसाइड किया कि इनको भी खत्म कर दिया जाए, और बहरम शाह को खत्म कर दिया गया। और बहरम शाह के बाद आपको अलाउद्दीन मसूद शाह करके राजा मिलेंगे। कौन मिलेंगे? अलाउद्दीन मसूद शाह। इट इज सेड दैट ये जो अलाउद्दीन मसूद शाह जो थे, इनको भी खत्म कर दिया जाता है। ही वॉज ऑल्सो टॉपल्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ये भी इन्हीं को ही चालीसा ही कंट्रोल किया करते थे, तो आपको जो भी टाइम फ्रेम मिलेगा वो चालीसा का मिलेगा। इनफैक्ट 1236 से लेके 1236 से लेके 1266 तक दिल्ली के सुल्तान के अंदर बहुत सारे सुल्तान तो आएंगे, यू विल फाइंड मल्टीपल किंग्स, बट किंग्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने वाली जो अथॉरिटी थी वो अथॉरिटी चालीसा की हुआ करती थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट वी सी, दिल्ली के सुल्तनत में बहुत सारे किंग्स आए, बहुत सारे किंग गए, और आया राम गया राम इनका चलता रहा। फाइनली 1266 के अंदर, नसीरुद्दीन मोहम्मद करके एक राजा आते हैं। क्या नाम है? नसीरुद्दीन मोहम्मद करके एक जो राजा आते हैं, ये नसीरुद्दीन मोहम्मद के मिनिस्टर हुआ करते थे बलबन।
ये नसीरुद्दीन मोहम्मद के मिनिस्टर हुआ करते थे बलबन। ये बलबन भी 40 में से ही एक हुआ करता था। और कहते हैं कि बलबन वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद। ये बलबन ने इनडायरेक्टली नसीरुद्दीन मोहम्मद को इतना पट्टे में लिया, इतना पट्टे में लिया। तो बाय द ईयर 1266, बाय द ईयर 1266 बलबन ने उसको ओवरथ्रो किया और फाइनली अपने आप को हिंदुस्तान का, वो कहता है कि मैं शहंशाह बन गया हूँ, नाउ आई एम द न्यू सुल्तान ऑफ दिल्ली। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद को भी टॉपल कर दिया जाता है और जो मेन रोल प्ले है वो बलबन का रहेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया, रजिया के बाद आपको बहुत सारे किंग्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे किंग्स मिलेंगे। इनका कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि नसीरुद्दीन मोहम्मद तो काफ़ी 20 साल तक रूल करता है, ही वॉज रूलिंग फॉर 20 ईयर्स। बट वॉट वी फाइंड एज अ पार्ट ऑफ दिल्ली, वॉट वी फाइंड एज अ पार्ट ऑफ दिल्ली कि ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में हो गया था? बलबन के हाथ में हो गया था। बलबन वॉज द डिफैक्टो किंग इवन इन द पीरियड ऑफ 1246 टू 1266। यही बलबन 1266 से लेके 1287 तक आते आते, यही बलबन 1266 से लेके 1287 तक आते आते अपने आप को नया सुल्तान के रूप में एस्टेब्लिश करेगा। समझे आप लोग? तो अब लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड लेट अस सी कि बलबन की डायनेस्टी का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बलबन। अब याद रखेगा कि जब हम लोग बलबन की बात करेंगे, बलबन की जब बात करेंगे तो बलबन 40 में से ही एक हुआ करता था। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया बलबन वॉज द किंग हु वॉज पार्ट ऑफ द 40, वो वही 40 का पार्ट हुआ करता था। और बलबन को ये भी पता था कि अगर मुझे पावर पे रहना है, अगर मुझे पावर के ऊपर रहना है तो ये 40 को खत्म करना पड़ेगा। तो बलबन सबसे पहले जब पावर के ऊपर आएगा तो याद रखेगा वो अपने आप को जिल्ले इलाही कहता है। क्या कहता है? जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब होता है, वो कहता है कि आई एम द शेडो ऑफ द गॉड, मैं खुदा का साया हूँ, खुदा का, अल्लाह का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उनका मेरे ऊपर पूरा का पूरा कह सकते हैं कि काइंड ऑफ एक इम्पैक्ट है, और इसके कारण सब मेरे अंडर में आते हैं। बिकॉज गॉड हैज अपॉइंटेड, दे विल आस्क यू क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, और उसको फिर से व्हाइट बोर्ड के रूप में समझाता हूँ। बलबन एज ए रूलर अगर आप देखोगे तो उसकी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के रूप में उसको याद रखा जाता है। ये आयरन एंड ब्लड पॉलिसी क्या है, मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप मेरे सामने रूथले, अगर आपने मेरे सामने रिवोल्ट किया तो मैं आपको पिटाई कर दूंगा। उसके बाद अपने आप को जिल्ले इलाही कहा। जिल्ले इलाही का मतलब ये होता है कि इज प्रोक्लेमिंग द गॉड्स इनवोकेशन, और वो कहता है आई एम द शेडो ऑफ गॉड एंड बिकॉज यू आर द शेडो ऑफ गॉड आई एम सपोज टू हैव एक्सट्रीम पावर्स, और सबको मेरा क्या करना पड़ेगा? सजदा करना पड़ेगा। तो सजदा एंड पाबोस करने की शुरुआत की उसने, हाँ सुल्तान के रूप में, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि आई एम खलीफ राइट हैंड, मैं खलीफ जो है इस्लामिक जो खलीफा है वो खलीफ का क्या हूँ? राइट हैंड के रूप में हूँ। तो मैं उनके सामने नहीं पड़ रहा हूँ बट मैं उनके एक है ना एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के रूप में हूँ। बलबन ने इन सब चीज़ों के कारण पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला दी। एंड बिकॉज ही गॉट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 1266 से लेकर 1287, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो फायदा ये हुआ कि ट्रेड एंड कॉमर्स भी काफी बढ़ेगा। समझ में आया आपको? ठीक है, सो वी फाइंड विद द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड इन दिस पीरियड, एंड जो भी लॉ एंड ऑर्डर था उसको भी उसने मेंटेन किया है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला वन ऑफ द फर्स्ट जो किंग्स था वो बलबन ही था। क्यों था? क्योंकि बलबन ने अपने लिए एक सेपरेट मिलिट्री क्रिएट की, उसने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप देखोगे बलबन का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जहां पे उसने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक डिपार्टमेंट खड़ा किया जिसका नाम है दीवाने अरीज। समझ में आया आपको? दीवाने अरीज या दीवाने अर्ज भी कहते हैं। ये दीवाने अरीज बेसिकली जो है ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ये मिलिट्री डिपार्टमेंट को कहा गया था कि आप लॉ एंड ऑर्डर का काम करोगे, यू विल बी लुकिंग फॉर द लॉ एंड ऑर्डर। अगर कोई भी इंसान चोरी चपाटी कराए तो उसकी पिटाई कर दोगे। तो जितने भी रॉबर्स हुआ करते थे उनकी उसने पिटाई कर दी कि कोई चोरी चपाटी नहीं करेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ा। दूसरा, उसने सजदा और पाबोस जिल्ले इलाही के द्वारा जो उलेमा हुआ करते थे, उलेमा को कह दिया कि आप अभी स्टेट की पॉलिटिक्स में रोल नहीं प्ले करोगे। स्टेट की पॉलिटिक्स का रोल का मतलब ये हुआ करता था कि ये 40 के 40 में से पुराने लोग थे, इसने 40 को तो अबोलिश ही कर दिया, ये अबोलिश 40। तो उसके बाद जो भी उलेमा हुआ करते थे उन सबको खत्म कर दिया जाता है, उनको कहा कि यू आर ओनली कन्फाइंड टू रिलीजियस मैटर्स। मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी अपना सलाह देना है
तो आप धार्मिक मैटर के अंदर दे सकते हो, पर पॉलिटिकल मैटर के अंदर मत आइएगा। पॉलिटिकल मैटर में आओगे तो अच्छा नहीं होगा, आपकी पिटाई कर दी जाएगी, ठीक है। सो वी फाइंड कि रिलीजियस मैटर में उसने बहुत सारे लिमिटेशंस ला दी। तीसरा क्या था कि उसने अपने कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे नोबल्स थे जो ईरानियन ओरिजिन से थे। कहाँ से थे? ईरानियन ओरिजिन से थे। एंड बिकॉज दिस नोबल्स वर ऑफ द ईरानियन ओरिजिन, तो ईरान में तो पर्शिया जो जहाँ की पारसी कम्युनिटी थी वो लोग एक सेलिब्रेट किया करते थे त्यौहार का जिसका नाम है नवरोज। क्या नाम है? नवरोज। नवरोज वॉज दी पारसी न्यू ईयर विच वॉज सेलिब्रेटेड बाई द पर्शियंस, और उसके कोर्ट के अंदर उसने नवरोज सेलिब्रेटेड करने की शुरुआत की। तो एक किंग के रूप में, एक राजा के रूप में अगर आप बल्बोस को देखोगे, बल्बन को देखोगे, तो उसने नवरोज को सेलिब्रेट कराया। नवरोज को सेलिब्रेट कराने के कारण, नवरोज को सेलिब्रेट कराने के कारण एक 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 ऐसा पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ दिल्ली के सल्तनत के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे मैं कह सकता हूँ पर्टिकुलरली कि जो नोबल्स थे उससे काफ़ी खुश हुए थे, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का पीरियड था, एक काफ़ी डेवलपमेंट आपको बलबन के दौरान मिलेगा। तो एज अ किंग बलबन को जब हम लोग याद रखेंगे, एज अ किंग बलबन को जब हम लोग याद करके, जो राजा आता है वो अपने ही राजा को धक्का मार देगा फ्रॉम अ बिल्डिंग, और फाइनली कैकाबाद का मृत्यु हुआ, और कैकाबाद के मृत्यु के बाद कौन सी डायनेस्टी आएगी? तो खिलजी डायनेस्टी विल कम टू पावर। समझे आप लोग, ठीक है। तो हमने दिल्ली के सल्तनत के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी तक जो भी टाइम फ्रेम पड़ा है उसमें स्लेव डायनेस्टी को पढ़ लिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। इल्तुतमिश इज नोन फॉर द इलबारी डायनेस्टी, वो अपने आप को फर्स्ट इलबारी के रूप में पहुंचानेगा। बलबन जब पावर के ऊपर आएगा, बलबन अपने आप को कहेगा कि आई बिलोंग टू द सेकेंड इलबारी डायनेस्टी। गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह से ये स्लेव डायनेस्टी का दूसरा नाम था, इसको हम लोग कहते हैं मामलुक डायनेस्टी। मामलुक सुल्तान्स के रूप में भी इसको पहचाना जाता है। क्यों मामलुक सुल्तान्स? क्योंकि अरेबिक में स्लेव और मामलुक एक ही है। पर्टिकुलरली अरेबिक वर्ड जो है वो मामलुक, वो गुलाम के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से दिल्ली सुल्तान्स के अंदर सबसे पहली डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ। ये पहली डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद अब दूसरी डायनेस्टी आएगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, खिलजी डायनेस्टी विल कम टू पावर। कौन सी डायनेस्टी आएगी दोस्त? खिलजीज विल कम टू पावर। अब देखो खिलजीज में एक एक करके समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू खिलजी डायनेस्टी में क्या होता है। अब देखिए खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के रूप में है। खिलजीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी कैसे पावर के ऊपर आई? अब देखो खिलजी डायनेस्टी कैसे पावर के ऊपर आई तो उसको समझाता हूँ कि जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर। अब हु वॉज जलालुद्दीन खिलजी, याद रखेगा? तो जलालुद्दीन खिलजी इनिशियली ज्वाइंड अंडर द टाइम ऑफ इल्तुतमिश और बलबन। बहुत सारी किताबों के अंदर लिखा गया है कि जलालुद्दीन खिलजी स्टार्टेड वर्किंग एज अ सोल्जर इन द टाइम ऑफ बलबन, या कोई कहता है इल्तुतमिश। हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहाँ से ज्वाइन किया था, बट ही वॉज अ इक्तेदार। अब देखो इक्तेदार क्या हुआ करता था, अभी मैंने आपको बताया इल्तुतमिश ने एक सिस्टम शुरू की थी, इक्ता सिस्टम, याद आया आपको, ठीक है। इक्ता सिस्टम की खासियत क्या थी कि वो लोग बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े वो अपने ऑफिशियल्स को दिया करते थे, अपने नोबल्स को दिया करते थे। उसी तौर के ऊपर जलालुद्दीन खिलजी जो है वो सैनिक के रूप में ज्वाइन हुआ था, बट उसको इक्ता दिया गया है फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड समाना, नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। अब कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी ने उस दौरान कैकाबाद को मार दिया। कैकाबाद को क्या कर दिया? तो उसको मैंने आपको बता दिया था कि उसको धक्का दे दिया जाता है। ही वॉज गिवन, आई वुड से ही वॉज ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ बिल्डिंग, और उसके बाद जलालुद्दीन पावर के ऊपर आया। अब देखो जलालुद्दीन की स्टोरी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ जलालुद्दीन। जलालुद्दीन केम टू द पावर एट द एज ऑफ 70, मतलब ही वॉज ऑलरेडी ओल्ड। वो काफ़ी वो है ना, पर्टिकुलरली बीमार था, काफ़ी बूढ़ा भी हो गया था, और वो 6 साल तक ही रूल करेगा। अब वो ये 6 साल तक रूल करेगा, उसमें सबसे लास्ट ईयर में अलाउद्दीन उसको ख़त्म कर देता है। क्यों ख़त्म करता है उसकी कहानी है, आपको समझाता हूँ व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। आपको थोड़ा बोल के ही समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट वहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। अब स्टोरी क्या चलती है, जलालुद्दीन खिलजी एज अ किंग, अगर आप किंग के रूप में जलालुद्दीन को देखोगे तो जलालुद्दीन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? जलालुद्दीन का सबसे टॉप मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि उसने जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन था वो कंटिन्यू रखा, और कंटिन्यूएशन में वो काफ़ी टॉलरेंट किंग था। टॉलरेंट का मतलब ये है कि जो पुराने किंग्स हुआ करते थे, जो पुराने नोबल्स थे, उनको कोर्ट से भगाया नहीं, ज़्यादातर लोगों को नहीं भगाया कि भाई तुम जैसे हो वैसे रहो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जलालुद्दीन ने डिसाइड किया कि मैं अपने जमाई को एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन देता हूँ, जहाँ पे कारा का गवर्नर बनाया गया। कारा इज़ अ प्लेस इन बिहार जहाँ पे उसको गवर्नर बनाया गया। क्यों बनाया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी वॉज द सन इन लॉ, ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन। और इट इज सेड कि जब उसको इनिशियली कारा का गवर्नर बनाया, उसके पीछे का कारण ये था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को इम्प्रेस किया था। क्यों इम्प्रेस किया था?
तो अलाउद्दीन वॉज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट पर्सन एज एडमिनिस्ट्रेटर अर्लियर इन द कोर्ट ऑफ जलालुद्दीन, बट उसके वहाँ पे एक आध बार रिवॉल्ट होता है जलालुद्दीन के दौरान। तो अलाउद्दीन ने वो रिवॉल्ट के अंदर अच्छा काम किया था। तो आप जब रिवॉल्ट का अच्छा काम करते हो, अपने राजा की मदद करोगे, तो राजा आपको प्रमोट करेगा, इसको गवर्नर बना दिया गया। ये गवर्नर बनाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को टारगेट दिया जाता है, तुमको डेक्कन में जाना है और देवगिर नाम की जो जगह है उसको कैप्चर करनी है। समझे आप लोग? ठीक है, अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ देवगिर, याद रखेगा, ये रहा आपका देवगिर, दिस इज द प्लेस कॉल्ड एज देवगिर, मैं लिख देता हूँ। देवगिर नाम की जो जगह है, दैट वॉज रूल्ड बाय द यादव डायनेस्टी। किससे रूल कर रही थी? यादव डायनेस्टी से, याद रखेगा। और कहते हैं कि यादव डायनेस्टी में उस टाइम पे किंग हुआ करता था, देवगिर नाम की जो जगह है दैट वॉज रूल्ड बाय द यादव डायनेस्टी। ये यादव डायनेस्टी से किंग हुआ करते थे रामचंद्र, और ये जो रामचंद्र करके जो किंग हुआ करते थे, उनके पास काफ़ी पैसा था। एक्चुअली यादव वर वेरी पावरफुल एंड दे वर वेरी वेल्दी एज वेल। तो अलाउद्दीन खिलजी को जब बिहार भेजा गया, वैन ही वॉज सेंट टू बिहार, जब उसको कारा भेजा जाता है, तो उसी दौरान उसको जानकारी मिली कि भाई साहब यहाँ जो डेक्कन वाला रीजन है, वहाँ पे काफ़ी पैसा है, और ही वॉन्टेड टू कंट्रोल द डेक्कन रीजन एज वेल। ठीक है, तो कहते हैं कि उसने 1296 के आसपास देवगिर के ऊपर आक्रमण किया। कहाँ पे किया? देवगिर के ऊपर आक्रमण करने के बाद वहाँ के जो राजा थे रामचंद्र जो हुआ करते थे, रामचंद्र को लूट दिया गया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनको मारा नहीं गया, बट ही वॉज लूटेड डाउन, और यहाँ से बहुत सारा पैसा लूट के आया। ही केम अप विथ सो मच ऑफ मनी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारा पैसा लेके आया, ही केम अप विथ सो मच ऑफ मनी, और ये सब पैसों की लालच वो जलालुद्दीन को दे रहा है। समझ में आया आपको? ठीक है, सो इट इज सेड दैट अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कैसे पावर के ऊपर आता है, हाउ अलाउद्दीन खिलजी केम टू पावर, उसको समझा देता हूँ। सो इट इज सेड कि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने देवगिर के ऊपर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? ही वॉज द गवर्नर ऑफ कारा इन बिहार। तो उसने एक बार देवगिर के ऊपर आक्रमण किया, ये रहा देवगिर अपना। ठीक है, तो उसने जब देवगिर के ऊपर आक्रमण किया, तो उसकी जानकारी दिल्ली के अंदर मिली। किसको मिली? दिल्ली के अंदर किसको मिली? तो दिल्ली के अंदर था जलालुद्दीन, उसका राजा और उसका ससुर भी था। अलाउद्दीन कारा के अंदर वापिस आ गया। अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को बुलाया कि बोले आओ कभी हवेली पे, ससुर जी आओ कभी हवेली पे, हाँ आप हमारे घर पे आओ, मैं बहुत सारा पैसा लेके आया हूँ, आई हैव सो मच ऑफ वेल्थ अक्यूमुलेटेड ओवर हियर, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इट इज सेड कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को इन्वाइट किया, एंड जलालुद्दीन को वो उसको इतना सारा पैसे की लालच थी, तो ही वेंट टू कारा टू गेट द मनी फ्रॉम अलाउद्दीन। उसको वहाँ पे जो शेयर मिलने वाला था वो सब वो क्लेम करने की कोशिश करेगा। जलालुद्दीन को ये पता नहीं था कि अलाउद्दीन ने मेरे लिए कॉन्स्पिरेसी रची है। समझ में आया आपको? ठीक है, कॉन्स्पिरेसी की कहानी ये है कि ये कारा जो प्लेस है वहाँ से गंगा निकलती है, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो इट इज सेड कि ये एक रीजन है यहाँ से गंगा निकल रही है, यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी का जो कैंप है वो लगाया गया, और इस साइड ये जो गंगा है, ये जो नदी है पर्टिकुलरली, उसके दूसरे साइड में आपको अलाउद्दीन खिलजी का कैंप मिलेगा। समझे आप लोग? जलालुद्दीन खिलजी को कहा गया कि तुम नदी क्रॉस करो और इस साइड आ जाओ, तुमको बहुत सारा पैसा दूंगा मैं। ठीक है, अब जलालुद्दीन खिलजी उस टाइम पे बहुत बड़ी आर्मी लेके आया होता है, बट नदी को क्रॉस करने के लिए इनके पास बोट्स लिमिटेड हुआ करती थी, गेटिंग माय पॉइंट? तो इनके पास बोट्स बहुत लिमिटेड हुआ करती थी, तो जलालुद्दीन खिलजी अपने गिने चुने लोगों के साथ क्रॉस करता है नदियों के, और ये गंगा को क्रॉस करके अलाउद्दीन खिलजी की तरफ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची थी, और ये कॉन्स्पिरेसी का पार्ट ये हुआ कि जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी वहाँ पे क्रॉस करके आया, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको मार दिया, एंड फाइनली वी फाइंड अलाउद्दीन खिलजी विल बी प्रोक्लेमिंग हिमसेल्फ एज द किंग, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब जलालुद्दीन को मारा आफ्टर द देवगिर कैंपेन ही किल्ड जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी को मारने के बाद फाइनली अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा एज द किंग ऑफ दिल्ली सुल्तान। ठीक है, तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की शुरुआत होगी, और यहाँ से ही जो फर्दर डेवलपमेंट मिलेगा वो अलाउद्दीन खिलजी का मिलेगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस केस कि अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र करके जो राजा थे, जो देवगिर डायनेस्टी के ऊपर रूल किया करते थे या यादव डायनेस्टी से रूल किया करते थे, उन्होंने बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के साथ फाइट किया। अलाउद्दीन खिलजी फाइनली यू विल फाइंड कि देवगिर के ऊपर अटैक करेगा, और देवगिर के ऊपर अटैक करने के बाद फाइनली पावर कैप्चर करेगा। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी को एक किंग के रूप में क्यों जाना जाता है? व्हाई अलाउद्दीन खिलजी इज नोन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द दिल्ली
इंक्लूडिंग अलाउद्दीन खिलजी को दूसरे के लिए याद रखते हैं, उसका है पॉलिटिकल एक्सपांशन। अब पॉलिटिकल एक्सपांशन क्या है, पॉलिटिकल एक्सपांशन क्या है वो आपको पहले समझाता हूँ, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी एज ए रिफॉर्मर के रूप में भी हम लोग देखेंगे, याद रखेगा, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी कौन से ईयर में कहाँ कहाँ अटैक करता है उसको समझाता हूँ, समझे आप लोग, ठीक है। इन विच ईयर ही विल बी अटैकिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री उसको समझा देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहला जो कैंपेन था, द फर्स्ट कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, याद रखेगा, द फर्स्ट कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वॉज इन गुजरात, याद रखेगा, द फर्स्ट कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वॉज इन गुजरात इन द ईयर 1299, इन द ईयर 1299 सबसे पहला कैंपेन उसने गुजरात के अंदर किया। ये गुजरात के अंदर जब वो कैंपेन करेगा तो यहाँ से ही मलिक काफूर को लेके आएगा, समझे आप लोग, ठीक है। मलिक काफूर वॉज अ स्लेव हु वॉज बॉट फ्रॉम गुजरात, ये इसको हज़ार दिनारी भी कहते हैं, उसको हज़ार दिनारी भी कहते हैं, हज़ार दिनारी इसके लिए क्योंकि हज़ार दिनार दे के उसको खरीदा गया था इन गुजरात, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा जो कैंपेन हुआ वो रणथंबोर के ऊपर हुआ। द सेकेंड कैंपेन इन द ईयर 1303 वॉज एट रणथंबोर, वो जो किंग बनता है उसके बाद रणथंबोर के ऊपर अटैक करेगा, सेकेंड कैंपेन उसका वहाँ पे हुआ। उसके बाद तीसरा अटैक अगर आप देखेगा तो आपको 1303 के अंदर रणथंबोर में 1301 में हुआ था, 1303 के अंदर चित्तौड़ के ऊपर होता है। अब चित्तौड़ के ऊपर तो आपको पता ही होगा, रावल रतन सिंह वॉज द किंग ऑफ चित्तौड़, और बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी की उनके साथ लड़ाई होती है। आपने मूवी भी देखी होगी पद्मावत, वही लड़ाई बेसिकली इसी के बुक के ऊपर है। ये पद्मावत नाम की बुक है, ये बुक है, बुक के ऊपर से ये वार्ता लिखी गई कि कैसे लड़ाई हुई थी। ये बुक लिखी गई थी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, वॉज अ सूफी सेंट, वॉज लिविंग इन द कोर्ट ऑफ द शेरशाह सूरी, ठीक है। तो लंबी कहानी है, कभी इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, बट ये चित्तौड़ के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो वो चित्तौड़ के ऊपर अटैक करता है, आपको ये भी पॉइंट पता होना चाहिए, ही विल बी अटैकिंग ओवर चित्तौड़ के ऊपर अटैक करने के बाद याद रखेगा, उसका जो फर्दर एडवांसमेंट होता है वो मांडू के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? मांडू के ऊपर। वो 1305 तक आते आते इन द ईयर 1305 वो एमपी के अंदर चला जाएगा और मांडू को भी कैप्चर करेगा, ही विल बी एबल टू कैप्चर इन द मांडू रीजन। और मांडू को जब कैप्चर कर दिया उसके बाद वो साउथ इंडिया के ऊपर जाता है, और साउथ इंडिया के ऊपर वो राइट फ्रॉम 1305 ऑनवर्ड से लेके अप टिल द ईयर 1311 वो कंप्लीट साउथ इंडिया के ऊपर कैंपेन करेगा। कहाँ कहाँ कैंपेन करता है याद रखेगा, तो सबसे पहला देवगिर के ऊपर अटैक किया। अब देवगिर के ऊपर दो बार अटैक करेगा, याद रखेगा, अलाउद्दीन खिलजी देवगिर के ऊपर दो बार अटैक करता है। पहला अटैक अलाउद्दीन खिलजी जो देवगिर के ऊपर करता है, द फर्स्ट अटैक दैट अलाउद्दीन खिलजी विल बी मेकिंग इन देवगिर, दैट विल बी इन द ईयर 1296। वहाँ के राजा रामचंद्र को वो पिटाई कर देता है। उसके बाद अगेन वो फिर से 1310 के आसपास फिर से अटैक करेगा इन द देवगिर, और वहाँ के राजा को अपना मित्र बना देता है। उनको कहता है कि यू एक्सेप्ट माई सुजरिटी, मैं आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता हूँ, मैं खाली साउथ के ऊपर कैप्चर करना चाहता हूँ, समझे आप लोग, ठीक है। तो वी फाइंड द केस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं तो खिलजी का कॉन्ट्रीब्यूशन या एक्सपांशन देवगिर की तरफ हुआ 1305 के बाद। उसके बाद अगर आप देखेगा तो उसने 1310-11 तक आते आते उसने वारंगल को कैप्चर किया, जो काकटिया के अंदर हुआ करता था, ठीक है। वारंगल वॉज एट दैट टाइम रूल्ड बाय द काकटिया डायनेस्टी। वारंगल किसे रूल किया करता था? काकटिया डायनेस्टी रूल किया करता था। प्रताप रुद्र करके राजा हुआ करते थे। उनके साथ वो फाइट करेगा। ही विल ऑल्सो बी फाइटिंग अगेंस्ट द होयसाल किंगडम। होयसाल किंगडम अगर आप देखिए, इफ़ यू कैन सी दिस मैप, ये द्वार समुद्र वाले रीजन में रूल किया करते थे। होयसाल वर रूलिंग इन द रीजन फ्रॉम द द्वार समुद्र। ये होयसाल का कॉन्ट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर में काफ़ी अच्छा है, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग गुड इन द आर्किटेक्चर, तो आपको ये होयसाल किंगडम के अंदर मिलेगा। और फाइनली उसने 1311 तक आते आते बाय द ईयर 1311 ही विल बी एबल टू एंटर इन द मदुरई, और मदुरई के अंदर जो पंड्या डायनेस्टी हुआ करती थी उसको भी ये डिफीट कर देता है। याद रखेगा, उसके जितने भी साउथ के कैंपेन्स हैं, ऑल द साउथ इंडियन कैंपेन्स वर हेडेड बाय मलिक काफूर। समझ में आया? ये वही मलिक काफूर है जो उसका गुलाम हुआ करता था, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही गुलाम का उपयोग करके पूरा का पूरा साउथ इंडिया को इनडायरेक्टली अपने ताबे में ले लिया था,
और इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग याद रख सकते हैं एज अ रूलर, एज अ रूलर, एज अ रिफॉर्मर और उसका पॉलिटिकल एक्सपांशन। तो दिल्ली के सुल्तान का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर किंग अगर आप देखोगे तो आपको अलाउद्दीन खिलजी मिलेगा और बलबन जैसे किंग्स मिलेंगे जिनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पॉलिटिकल एक्सपांशन के अंदर मिलेगा। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी का रोल क्या है याद रखिएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इज़ नोन फॉर द ऑटोक्रेटिक रूल। ऑटोक्रेटिक रूल क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा था पर्टिकुलरली कि मेरे सामने रिवॉल्ट ना हो जाए। और वो अपने आप को वो है ना कि टाइटल देता है सिकंदर आजम, ही वॉन्टेड टू बी द नेक्स्ट अलेक्जेंडर। वो चाहता था कि मैं अलेक्जेंडर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करूं, मैं एक दूसरा अलेक्जेंडर बन जाऊं, मैं चाहता हूं कि लोग है ना मुझे सिकंदर के रूप में पहचाने। तो ये सब परिस्थितियों के कारण वी फाइंड कि वो कम्प्लीटली अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा अपनी अथॉरिटी को। अब वो क्या करता है याद रखेगा, तो उसने है ना ये जो इक्ता सिस्टम थी ना, इक्ता सिस्टम याद आया आपको? इक्ता सिस्टम किसने शुरू किया था? इक्ता सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश, कंटिन्यूशन इन द पीरियड ऑफ बलबन एज वेल। पर्टिकुलरली ये जो इक्ता सिस्टम हुआ करता था, ये जो इक्ता सिस्टम था उसको भी ये एंड कर देगा। ज़्यादातर लोगों के जो इक्ता जो थे, ज़्यादातर लोगों को जो लैंड के पार्सल दिए गए थे वो अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिए उनसे वापस खींच लिए कि चलो भाई मेरे को दे दो आपके इक्ता, मैं आपको पावर नहीं देता हूँ। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, उसकी जो भी एम्पायर थी एम्पायर की लैंड को खालिसा के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अब खालिसा लैंड क्या होती है? खालिसा इज अ टाइप ऑफ लैंड याद रखेगा, इट्स अ टाइप ऑफ लैंड इन द दिल्ली सल्तनत। ये टाइप ऑफ लैंड का इंपॉर्टेंस ये है कि ये लैंड के द्वारा पर्टिकुलरली वी फाइंड कि ये लैंड के द्वारा जो राजा है ये राजा अपनी डायरेक्टली कंट्रोल करेगा ये लैंड को, और जहाँ से जो भी रेवेन्यू आ रही है वो राजा की तिजोरी में जाएगी। समझे आप लोग, ठीक है। तो ये इक्ता सिस्टम को अबोलिश करने के बाद, आफ्टर दी अबोलिशमेंट ऑफ द इक्ता सिस्टम टुक प्लेस, व्हेन द इक्ता सिस्टम वाज अबोलिश बाय द किंग, जब राजा इक्ता सिस्टम को अबोलिश करेगा तो ये रेवेन्यू के रूप में काफ़ी चेंजेस करता है, ठीक है। इंक्लूडिंग उसके नोबल्स को भी ख़त्म कर दिया, नोबल्स को कह दिया कि तुमको मैं नहीं स्वीकारूंगा, एंड ऑल द नोबल्स हु विल ट्राई टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द किंग उनको भी ख़त्म कर दिया। तो ये बलबन की पॉलिसी को कंटिन्यू करता है, सादी भाषा में हम लोग कहते हैं। इनफैक्ट ये अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानता था, तो इट इज सेड दैट ही वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन। ये अपने आप को नया रिलीजन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, और ये अपने आप को खलीफा से भी ऊपर मानता था। इसके लिए अगर आप देखोगे, जो बलबन ने इल्तुतमिश ने खलीफा की अथॉरिटी को स्वीकारा था, बलबन इल्तुतमिश वर दी वंस हु एक्सेप्टेड दी अथॉरिटी ऑफ खलीफा, इल्तुतमिश कहता है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ खलीफा, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज द लॉ, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह से इसकी जो किंगशिप की थियरी थी ये अलग मिलेगी। इंक्लूडिंग इसका इंपीरियल एक्सपांशन मैंने आपको बताया कि कैसा हुआ करता था। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी इज़ नोन फॉर द मिलिट्री रिफॉर्म्स। अब देखो मिलिट्री रिफॉर्म्स क्या था, अलाउद्दीन खिलजी को एक रूलर के रूप में जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग रूलर के रूप में पढ़ेंगे तो क्या होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी एज अ रूलर के रूप में अगर आपको समझाता हूँ तो उसकी खासियत क्या है वो भी समझा देता हूँ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एज अ रूलर, ठीक है। जब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को एज अ रूलर देखते हैं, व्हेन वी सी अलाउद्दीन खिलजी एज अ रूलर, तो उसने एक तो इंपीरियल एक्सपांशन किया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इंपीरियल एक्सपांशन कब हुआ। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी को इंपॉर्टेंट के रूप में हम लोग पहचानते हैं, हम लोग उसको देखते हैं पर्टिकुलरली अलाउद्दीन खिलजी को, वो है गवर्नेंस और रिफॉर्म्स के रूप में। और गवर्नेंस रिफॉर्म्स को क्यों याद रखते हैं, तो उसका अपना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको एक एक करके समझाता हूँ। उसने सबसे पहले मिलिट्री को हाईलाइट किया, और मिलिट्री डिपार्टमेंट को हाईलाइट कैसे किया, तो बेसिकली उसने क्या किया कि जो लैंड हुआ करती थी उसने इक्ता सिस्टम को अबोलिश कर दिया। सो व्हेन द इक्ता सिस्टम वाज अबोलिश तो ये जो लैंड का रेवेन्यू था वो कहाँ जा रहा है, इट इज़ डायरेक्टली गोइंग इनटू द कोर्ट ऑफ सुल्तान, ये सुल्तान के खजाने में चला गया, उसकी तिजोरी में चला गया। यहाँ से राजा के पास पैसा बढ़ गया। सो व्हेन द सुल्तान गॉट मोर मनी उसने कैश में सैलरी देने की शुरुआत की अपने सोल्जर्स को। अब देखिए ये बहुत ही बड़ा
लैंडमार्क था अलाउद्दीन खिलजी को लेके, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान कैश में इतनी सारी सैलरी दे नहीं पाते थे, उनके पास उतनी मॉनेटरी पैसे नहीं थे। बट अलाउद्दीन खिलजी ने बेसिकली मॉनेटरी रिफॉर्म्स के द्वारा कैश में सैलरी देने की शुरुआत की। याद रखेगा, ही बिकेम द फर्स्ट सुल्तान, ही बिकेम द फर्स्ट सुल्तान टू गिव द कैश सैलरी टू द सोल्जर्स एंड द ऑफिशियल्स। ठीक है, तो ये एक अलाउद्दीन खिलजी का एक रोल प्ले मिलेगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग याद रखते हैं, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग याद रखते हैं, उसने मिलिट्री रिफॉर्म्स करने की शुरुआत की। और मिलिट्री रिफॉर्म्स में उसने अपने सोल्जर्स के अंदर एक चेहरा सिस्टम की शुरुआत की। चेहरा वॉज दी डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ दी सोल्जर्स। डिस्क्रिप्टिव रोल का मतलब यह है कि उसकी सेना में सैनिक कौन है, कैसा दिखता है, उसका एक एक प्रकार का आईडी कार्ड जैसे बनाने की कोशिश की। और उसके जितने पास हॉर्सेस थे ना, हॉर्सेस, ये हॉर्सेस के ऊपर उसने अपना क्लेम लगाया वाय द डाक। डाक का मतलब समझ में आता है, हॉर्स के ऊपर अपनी साइन लगा दी। एक घोड़ा था, घोड़े के ऊपर उसने अलाउद्दीन खिलजी का एक स्टैम्प मरवा दिया और कहा कि ये मेरा घोड़ा है, ये रॉयल हॉर्स है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे मिलिट्री रिफॉर्म्स हो गए, मिलिट्री काफी एडवांस हो गई, कैश में सैलरी देने की शुरुआत की। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, जब अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग याद रखेंगे तो उसने मंगोल्स को बहुत डिफीट किया। मंगोल इन्वेजन इंडिया के ऊपर कंटिन्यूसली होता रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले ये है कि उसने 6 times, कितनी बार, 6 बार मंगोल्स को डिफीट किया था इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये भी पॉइंट सिग्निफाई करता है कि एक किंग के रूप में जब आप सेना अच्छी बनाते हो तो आप अच्छा खासा साम्राज्य भी बना पाओगे और आप फॉरेन इन्वेजन्स को भी रोक पाओगे। ठीक है, तो मंगोल्स जो चंगेज खान के बाद इंडिया के अंदर आ रहे थे, उन सबको भी रोकने का कामकाज अलाउद्दीन खिलजी करेगा। एक किंग के रूप में आपको पता होना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले क्या था। ठीक है, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी के अंदर याद रखेंगे, तीसरा हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के अंदर याद रखेंगे, एज अ किंग के रूप में उसका और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, एज अ किंग उसका और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हमको मिलेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिलता रहता है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर। कहाँ मिलता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर। अब देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है तो उसको थोड़ी देर के बाद अभी आपको समझाता हूँ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में वो क्या करता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में वो मार्केट रिफॉर्म्स करता है। क्या करता है? मार्केट रिफॉर्म। मार्केट रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? व्हाट ही डस कि उसने ना 4 अलग अलग मार्केट बनाए। ही बिल्ट अप 4 markets। और ये चारों के चारों मार्केट जो थे, ये चारों के चारों जो मार्केट थे वो डिफरेंट कमोडिटीज के लिए बनाए गए। देयर वर 4 markets दैट वर मेड अप फॉर डिफरेंट कमोडिटीज। जैसे एक मार्केट था जहां पे आपके एनिमल्स और स्लेव्स को खरीदा जा सकता था, एनिमल्स और स्लेव्स जो गुलाम थे वो सबको खरीदा जाता था, घोड़ा वोड़ा आपको खरीदना हो। वो दूसरा मार्केट था वो फूड मार्केट था, समझ में आया, वो फूड के लिए था, ग्रेन्स के लिए था, ऑयल के लिए था। तीसरा मार्केट था जो कमोडिटीज के लिए था, जैसे क्लॉथ हो गया और भी चीज़ें हो गई, समझ में आया। और चौथा मार्केट जो था वो मिसलेनियस प्रोडक्ट के लिए था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने 4 बाजार बना दिए, उसमें कौन सी बड़ी बात कर दी? बाजार बना दिए, पर ये बाजार के अंदर जो प्राइजेस थे ना, जो प्राइजेस, ये प्राइजेस को फिक्स किया गया था। अब जितना प्राइजेस को फिक्स करोगे, जितना प्राइजेस को फिक्स करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट आएगा एमआरपी का, समझ में आया। तो ये जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कंसेप्ट है अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था दिल्ली सल्तनत के अंदर, याद रहेगा आपको। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के अंदर ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस का कंसेप्ट लेके आया, व्हेन ही विल बी ब्रिंगिंग अप दिस कंसेप्ट ऑफ एमआरपी, तो उसके कारण इन्फ्लेशन नहीं होगा, समझ में आया। जब इन्फ्लेशन नहीं होगा तो लोग हैप्पी रहेंगे, समझे आप लोग। तो अलाउद्दीन खिलजी वॉन्टेड कि उसके सामने रिवॉल्ट ना हो, प्राइजेस फिक्स रहेगी, इन्फ्लेशन नहीं होगा, तो करेंसी का डीवैल्यूएशन भी नहीं होगा। और करेंसी का डीवैल्यूएशन नहीं होगा तो इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी। जितनी इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी उतनी ही आपकी आर्मी मजबूत होगी, और जितनी आर्मी मजबूत होगी उतना ही आप अपने एम्पायर को एक्सपांड कर पाओगे, समझे आप लोग। तो अलाउद्दीन खिलजी एज अ किंग इज नोन फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द मार्केट सिस्टम। अगर कोई इंसान ज्यादा भाव लेने की कोशिश करता है, इफ सम पर्सन इज ट्राइंग टू टेक अप मोर रेवेन्यू रेट्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स, तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे मार्केट के हेड बनाए थे जिनको कहा जाता है शाहनाई मंडी। क्या कहते हैं? शाहनाई मंडी। इंक्लूडिंग अलाउद्दीन खिलजी ने अपने स्पाई को अपॉइंट किया था, ये स्पाई को बरीद कहा जाता है। और कहते हैं कि अगर वो स्पाई लोग हैं ये व्यापारी की कंप्लेन कर देते थे तो अलाउद्दीन खिलजी उनकी खाल उखेड़ देता था। ठीक है, तो वी फाइंड कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में उसका काफी कॉन्ट्रीब्यूशन था। प्राइजेस को फ्लक्चुएट नहीं करने दिया और आपकी लॉ एंड ऑर्डर उसने मेंटेन करके रखी। लॉ एंड ऑर्डर जितनी मेंटेन होगी उतना ही ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा उतना ही आपका व्यापार भी बढ़ेगा और राजा को भी फायदा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने शुरुआत की अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर, तो उसको मार्केट रिफॉर्म्स में भी याद रखा जाता है। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी का लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो था लैंड रिफॉर्म्स के अंदर। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर इसके लिए क्यों था? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान इन दिल्ली सल्तनत जिसने लैंड को क्लासीफाई किया,
उसको मेजर करने की शुरुआत करेगा। मेजरमेंट तो ज़्यादा नहीं हो पता है, पर क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड वॉज देयर। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड का मतलब है कि आप लैंड कितना प्रोड्यूस करते हो, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर पानी आता है कि नहीं आता है। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अलग अलग प्रकार के मैं कहूँगा लैंड रिफॉर्म्स के इनिशिएशन किया, इंक्लूडिंग उसने लैंड का जो रेवेन्यू था वो रेवेन्यू को भी बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड, बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड उसको फिक्स रखा। और जितना क्वालिटी ऑफ लैंड के ऊपर आप फिक्स रखोगे उतना ही है ना कि लोगों को भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, एंड दे विल बी हैप्पी टू गिव अप द मनी टू द किंग। ये भी बेसिकली उसके रिफॉर्म्स के रूप में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को पहचानते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसने अलग अलग टैक्सेस भी निकाले लैंड रिफॉर्म्स के साथ साथ। उसने एक टैक्सेस निकाला घराई, दूसरा एक टैक्सेस निकाला चराई। घराई और चराई क्या था? तो घराई वॉज द प्रॉपर्टी टैक्स, जो आप बिल्डिंग बिल्डिंग खरीदते हो, घर खरीदते हो, उसके ऊपर देना है। चराई वॉज द पेस्टोरल टैक्स, तो आपके पास अगर गाय भैंस है और आप गांव के अंदर उनको चराने के लिए लेके जाते हो, जो जो लैंड के ऊपर आप लेके जाते हो वहां पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थी उसके अंदर, उसने कस्टम ड्यूटीज को भी लगाया था। और इस सब परिस्थितियों के कारण, इन सब परिस्थितियों के कारण अलाउद्दीन खिलजी का एक टाइम फ्रेम अगर आप रूलर के रूप में देखोगे, एक रूलर के रूप में देखोगे, तो अलाउद्दीन खिलजी का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी मिलेगा इन दी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और इकोनॉमिक रिफॉर्म जितना होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म जितना होगा उतना ही आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, उतना ही आप अपने एम्पायर को भी अच्छी तरह से चला पाओगे, समझे आप लोग, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग जब याद रखते हैं तो मार्केट रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में याद रखेंगे, एम्पायर एक्सपेंशन के रूप में मैंने आपको समझा दिया है। लास्ट पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग समझ सकते हैं वो है उनकी सोशियो कल्चरल पॉलिसी। वो है उसकी सोशियो कल्चरल पॉलिसी। ये एक ऐसी पॉलिसी हुआ करती थी जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने, लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत सेकुलरिज्म दिखाया, पर उतना भी सेकुलर नहीं था। उसने भी मॉस्क बनाए हैं, उसने भी आर्किटेक्चर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बनाएगा, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी का आर्किटेक्चर में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है एज अ किंग, तो उसको समझा देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में याद रखेगा कि आमिर खुसरो रहा करता था। आमिर खुसरो को उसने टाइटल दिया है तूती ए हिंद। क्या कहते हैं? तूती ए हिंद, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी वॉज द पर्सन जिसने आमिर खुसरो को कंट्रीब्यूट किया। आमिर खुसरो अगर आपको याद होगा तो ही वॉज अ स्कॉलर, और ये बहुत सारे सुल्तान्स के कोर्ट में रहता है। आमिर खुसरो की एक किताब है नू सिपर, दिस इज़ वेरी फेमस बुक बिलोंगिंग टू द दिल्ली सल्तनत, बहुत ही फेमस। उसने वो है ना कि पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी लिखा है। अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर भी आमिर खुसरो ने बुक्स लिखी है, ठीक है। तो आमिर खुसरो वॉज अ सूफी, वो सूफी सेंट निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य हुआ करता था। और इन सब परिस्थिति से हमको अलाउद्दीन खिलजी की सोशियो कल्चरल नीति भी समझ में आती है। दूसरा, उसके कोर्ट में एक और स्कॉलर हुआ करते थे मीर हसन दहलवी। मीर हसन दहलवी क्यों? क्योंकि वो दिल्ली के अंदर ही थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत सारे आर्किटेक्चर बनाए। अब क्या क्या बनाया याद रखेगा, एक तो उसने अलाई दरवाज़ा बनाया। क्या बनाया? अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा इज़ द मॉन्यूमेंट जो आपको कुतुब मीनार के एंट्रेंस पे मिलेगा, जो दूसरा एंट्रेंस है वहाँ पे, ठीक है। तो ये अलाई दरवाज़ा बनाता है। दूसरा, वो एक अपना फोर्ट बनाता है, ही विल बी मेकिंग अ न्यू फोर्ट। ये सीरी नाम की जगह है दिल्ली के अंदर जहाँ पे वो अपना एक फोर्ट बनाता है पर्टिकुलरली, तो वो भी एक उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। इंक्लूडिंग ये एक भी एक वाटर बॉडी बनाएगा, ही विल ऑल्सो बी मेकिंग अ वाटर बॉडी। ये वाटर बॉडी का नाम है हौज खास, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। सो विल बी मेकिंग अ न्यू वाटर बॉडी कॉल्ड एज हौज खास, तो ये भी आपको चीज़ें मिल देगी। ही विल ऑल्सो बी मेकिंग अ मॉस्क कॉल्ड एज द जमात ए खाना मॉस्क। याद रखेगा, जमात ए खाना मॉस्क की इंपॉर्टेंस ये है कि ये फर्स्ट मॉस्क है, ये फर्स्ट मॉस्क है जो फ्रेशली अवेलेबल मटेरियल से, फ्रेशली अवेलेबल मटेरियल से बनाया गया था इन द दिल्ली सुल्तान्स, ठीक है। तो इतना पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी के दौरान आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का जो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एम्पायर एक्सपांशन में कैसा चल रहा है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का जब मृत्यु हुआ, व्हेन अलाउद्दीन खिलजी पास्ड अवे, तो उसके बाद मुबारक खिलजी पावर के ऊपर आया। मतलब मुबारक खिलजी बिलोंग टू दी फैमिली ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ओनली, बिलोंग टू द फैमिली ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ओनली। बट इट इज सेड कि मुबारक खिलजी वॉज नॉट दैट मच पावरफुल। तो कहानी ये है कि उसका गुलाम हुआ करता था हसन। एक्चुअली हसन वॉज अ हिंदू कन्वर्ट, याद रखेगा, ही वॉज अ हिंदू कन्वर्ट जो उसका गुलाम हुआ करता था। और मुबारक खिलजी और इन दोनों के बीच में सेटिंग था, मतलब काइंड ऑफ है ना एक कहेंगे अननेचुरल रिलेशनशिप थी। तो कहते हैं कि ये जो हसन था, हसन को खुसरो का टाइटल दिया गया था, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ खुसरो। एंड इट इज सेड कि मुबारक खिलजी को मार के
मुबारक खिलजी को मार के ही वॉज किल्ड बाई इज ओन स्लेव जिसका नाम था हसन या खुसरो। ये खुसरो अपने आप को एस्टेब्लिश करता है एज अ रूलर। याद रखेगा कि खुसरो का इंपॉर्टेंस ये है कि ही वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली हिंदू कन्वर्ट किंग। ही वॉज द फर्स्ट एंड ओनली हिंदू कन्वर्ट किंग टू कम टू द पावर। ही वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली हिंदू कन्वर्ट किंग टू कम टू द पावर इन द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली के सुल्तान्स के अंदर बहुत सारी डायनेस्टीज पावर के ऊपर आई, बट खिलजी डायनेस्टी में जो लास्ट किंग हुआ करता था, जिसका नाम था हसन, ये हसन का ही नाम था खुसरो, ये जो खुसरो किंग करके हुआ करता था, ही वॉज द ओनली हिंदू कन्वर्ट इन द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये ओनली था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आप समझो कि दिल्ली के सुल्तान सबके सब मुस्लिम्स थे, वो देख रहे हैं कि उनकी ऊपर एक ऐसा इंसान आया है जो हिंदू कन्वर्ट है और ये बेसिकली गुलाम हुआ करता था। तो आपको लगता है, कि अलाउद्दीन खिलजी के जो लेगेसी थी वो खुसरो एक्सेप्ट कर पाएगा या खुसरो उसको चला पाएगा? तो खुसरो एज अ किंग, वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द नोबल्स। उसके जो भी ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हुआ करते थे उनकी कोर्ट के अंदर, उनको स्वीकार नहीं होता था कि यार ये कौन सा राजा आ गया है, हमारे ऊपर बैठ गया है और ये भी कन्वर्टेड बंदा है। तो दे डिड नॉट एक्सेप्टेड इज द किंग, एंड बिकॉज ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड एज द किंग, इसके सामने रिवॉल्ट हुआ। इन्हीं का ही एक गवर्नर था गाजी मलिक। गाजी मलिक वॉज द गवर्नर ऑफ दीपलपुर, इज इन पंजाब रीजन पर्टिकुलरली। और कहते हैं कि दीपलपुर का जो गवर्नर था गाजी मलिक, उसने रिवॉल्ट कर दिया, उसने खुसरो को मार दिया, ही वॉज किल्ड, खुसरो वॉज किल्ड बाय गाजी मलिक, और गाजी मलिक विल बी एस्टेब्लिशिंग अ न्यू डायनेस्टी। दिस डायनेस्टी इज नोन एज द तुगलक डायनेस्टी, समझे आप लोग? ठीक है, तो गाजी मलिक तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करेगा और इसी के बाद, मेनली अगर आप देखेगा तो तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होगी एंड फर्दर चेंजेस विल टेक प्लेस एज अ पार्ट ऑफ दी तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी पॉइंट पढ़े हैं, पर्टिकुलरली उनको थोड़ा बहुत रिवाइज कर देते हैं एंड उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमने जब पढ़ना शुरू किया तो हमने गोरी के इन्वेजन से सबसे पहले पढ़ा, वी हैड डिस्कस राइट फ्रॉम द गोरीज इन्वेजन, सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का ये था। गोरी के इन्वेजन में हमने ये भी पढ़ा कि वाई दी राजपूत किंग लॉस्ट, हमने ये भी पढ़ लिया है। गोरी के बाद हमने बताया कि स्लेव डायनेस्टी को कैसे एस्टेब्लिश किया गया बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हमने इल्तुतमिश को पढ़ा, इल्तुतमिश के बाद रजिया को पढ़ा और रजिया के बाद बलबन को भी पढ़ने की कोशिश की। उसके बाद हमने खिलजी को पढ़ा, खिलजी में हमने चार किंग को पढ़ा, जलालुद्दीन, के बाद अलाउद्दीन, के बाद मुबारक और मुबारक के बाद खुसरो। खुसरो को मार दिया जाता है बाय द तुगलक्स, और ये जो तुगलक जो था, ये तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर हुआ करता था, ये जो फाउंडर था उसका नाम था गाजी मलिक, और ये जो गाजी मलिक करके जो फाउंडर है, ही विल बी एस्टेब्लिशिंग अ न्यू डायनेस्टी। और इस तरह से इनका पॉलिटिकल चेंजेस चेंज होता है, चीज़ें बदलेगी एंड वी फाइंड द नेक्स्ट डायनेस्टी कमिंग टू पावर। अब ये जो तुगलक डायनेस्टी कैसे पावर के ऊपर आई, किस तरह से पावर के ऊपर आई, उसको हम लोग आगे देखते हैं। बट लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, थ्री टू फाइव मिनट्स का ब्रेक लेते हैं हम लोग, 3 से 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद वंस अगेन विल स्टार्ट विद द तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मल्टीपल टॉपिक्स ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स और ये टॉपिक्स को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वंस अगेन हम लोग इसको 2-5 मिनट के अंदर एक छोटा ब्रेक लेते हैं, वाटर ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर से तुगलक, सैयद और लोधी को पढ़ेंगे आज के क्लास के अंदर, और हो सके तो फिर विजयनगर की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इतना पॉइंट हम लोग रखते हैं एंड लेट अस कंप्लीट, लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 3 to 5 मिनट्स एंड आई सी यू इन नेक्स्ट 3 to 5 मिनट्स। 3 से 5 मिनट के अंदर ही हम लोग वापस मिलेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। वी आर टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक, लेट मी राइट डाउन ऑन द ब्लैक स्क्रीन सो दैट जो भी लोग अभी जुड़ रहे हैं, दिस इज अ ब्रेक टाइम, और हमारा ब्रेक टाइम है 3 से 5 मिनट का, 3 to 5 मिनट्स। सो आई विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट 3 to 5 मिनट्स, यू कैन ऑल्सो टेक अ ब्रेक, हम लोग मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग तुगलक डायनेस्टी से शुरू करेंगे, विल बी वंस अगेन स्टार्टिंग विद द तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो वापिस आता हूँ उसके ऊपर, लेट अस टेक अ ब्रेक।
Hello, hi, thank you very much for your patience. Let us start one more time and let us start with the topic of history. और हम लोग डिस्कस कर रहे थे वेरियस टॉपिक्स को, वही टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं विद द तुगलक डायनेस्टी. हम लोग तुगलक डायनेस्टी के ऊपर चले जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं अब तुगलक डायनेस्टी कैसे पावर के ऊपर है. ठीक है, तो अभी तक हमने हिस्ट्री के अंदर जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो टॉपिक्स में हमने खिलजीज को पढ़ा था, स्लेव डायनेस्टी को पढ़ा था, अब तुगलक्स के ऊपर देखते हैं. लेट अस सी एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द तुगलक डायनेस्टी केम टू पावर और इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर. ठीक है,
अब हम लोग है ना तुगलक डायनेस्टी को समझते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द तुगलक डायनेस्टी, ये कैसे आए हैं पर्टिकुलरली और इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब देखिए तुगलक डायनेस्टी में कौन से इंपॉर्टेंट किंग है, तो तीन किंग इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इनकी डायनेस्टी 1320 से लेके 1414 तक चलेगी, 1414 तक चलेगी, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से किंग्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है गयासुद्दीन तुगलक, इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद आपको मोहम्मद बिन तुगलक मिलेगा, इसको बहुत सारे लोग पगला राजा भी कहते हैं, ही इज नोन एज पगला राजा। पगला राजा इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसके जो डिसीजन थे इसके लिए ये बहुत फेमस है। वी ऑल्सो फाइंड फिरोज शाह तुगलक कमिंग टू पावर, जो थर्ड किंग था तुगलक डायनेस्टी से, और इनके दौरान ही फाइनली तैमूर का भी आक्रमण होगा। और तैमूर 1398 के बाद जब अटैक करेगा उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये तुगलक डायनेस्टी डिक्लाइन में चली जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे डिक्लाइन में जाती है, क्या चेंजेस होते हैं, किस प्रकार की पॉलिटिकल सिचुएशंस क्रिएट होती है, उसको अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं। बट पहले समझने की कोशिश करते हैं तुगलक डायनेस्टी का कैसे शुरुआत हुआ, पर्टिकुलरली हाउ थिंग्स स्टार्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पर्टिकुलरली कि गाजी मलिक वो जो फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का, ही वॉज द गवर्नर ऑफ दीपलपुर, और जब उसने खुसरो खान को मार दिया तो उसने अपने आप को टाइटल दिया गयासुद्दीन बिन तुगलक। ठीक है, तो गाजी मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, विल बी एस्टैब्लिशिंग द तुगलक डायनेस्टी, और वो चाहता था कि मैं पुराने सिस्टम को लेके जाऊँ। अब वो क्या करेगा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए थे, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मार्केट रिफॉर्म्स और रेवेन्यू रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे, उन सबको उसने वापस ले लिया। उसको लग रहा था कि ये सब रिफॉर्म्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इनका कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वी फाइंड अलाउद्दीन खिलजी के जो रिफॉर्म्स है उसको वापस ले लेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखोगे तो इसकी इसी के कारण बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होगी विथ द सूफी सेंट्स। तो सूफी सेंट्स में आपको निजामुद्दीन औलिया का नाम पता होगा, तो निजामुद्दीन औलिया जो है, निजामुद्दीन औलिया ये गयासुद्दीन बिन तुगलक के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, और इन दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट भी हो जाती है। तो ये कन्फ्लिक्ट का एक लंबा कारण है, बट आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि क्या हुआ था इसके दौरान। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसने कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत फोकस किया, कैनॉल्स वेनॉल्स बनाए, क्योंकि ये चाहता था कि उसके वहाँ पर इरीगेशन बढ़ेगा। जितना इरीगेशन का डेवलपमेंट होगा उतना ही किसका डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, समझे आप लोग। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन आर हैंड इन हैंड, ये दोनों साथों साथ चलते हैं, और इन दोनों के डेवलपमेंट के कारण उसको ज़्यादा रेवेन्यू होगी। इसने रोड्स भी बनाए, काफ़ी सारे रोडवेज बनाने की कोशिश की, पोस्टल सर्विसेज को एस्टैब्लिश किया। एंड वी ऑल्सो फाइंड इसने पर्टिकुलरली तुगलकाबाद नाम की एक सिटी को भी एस्टैब्लिश किया। अब तुगलकाबाद कहाँ पे आया है याद रखिएगा, तो तुगलकाबाद इज़ अ सिटी इन दिल्ली ओनली। ये फोर्ट है पर्टिकुलरली दिल्ली के अंदर, वो ये मोहम्मद बिन गयासुद्दीन बिन तुगलक उसको एस्टैब्लिश करेगा। ठीक है, तो वी फाइंड तुगलकाबाद सिटी वॉज एस्टैब्लिश बाय हिम, ये भी उसी के द्वारा था। और इसका मेन प्रॉब्लम जो था, इसका मेन प्रॉब्लम था वो था निजामुद्दीन औलिया के साथ, क्योंकि इसने निजामुद्दीन औलिया से पैसे वापस मांगे थे जो उनको चैरिटी में दिए गए थे। निजामुद्दीन औलिया सूफी सेंट थे, तो इनको है ना बहुत सारे लोग चैरिटी दिया करते थे। तो जब गयासुद्दीन बिन तुगलक पावर के ऊपर आया, व्हेन गयासुद्दीन बिन तुगलक केम टू पावर, ही स्टार्टेड डिमांडिंग मनी बैक फ्रॉम निजामुद्दीन औलिया। उनसे कहा कि भाई मुझे पैसा वापस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे ढिमका चाहिए। ठीक है, तो ये सब परिस्थितियों के कारण, बिकॉज ऑफ ऑल दिस केसेस वी फाइंड औलिया और इनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो जाती है, और बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज भी होंगे। ये गयासुद्दीन बिन तुगलक की खासियत ये है कि उसने पर्टिकुलरली जो वारंगल करके जो स्टेट था, ये वही वारंगल है जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने भी अटैक करवाया था मलिक काफूर के द्वारा। और वारंगल करके जो स्टेट है, वारंगल मतलब जहाँ पे यहाँ पे काकटिया का किंगडम हुआ करता था, ये वारंगल नाम का स्टेट को उसने अनेक्स कर दिया। और वारंगल के अंदर जो जो काकटिया करके जो किंगडम हुआ करता था, काकटिया किंगडम को उसने डिफीट कर दिया, और वारंगल को नए नाम से उसको पहचाना गया। द न्यू नेम ऑफ वारंगल वॉज गिवन, दैट वॉज नोन एज सुल्तानपुर। क्या नाम है? सुल्तानपुर। ठीक है, तो मलिक काफूर वारंगल के साथ फाइट तो करेगा काकटिया के साथ, बट फाइनल जो कन्क्वेस्ट है वो आपको गयासुद्दीन बिन तुगलक का मिलेगा। ठीक है, तो वी फाइंड गयासुद्दीन बिन तुगलक पर्टिकुलरली वारंगल को कैप्चर करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। उसने उत्कल को भी कैप्चर किया है, उत्कल मतलब जो बेसिकली उड़ीसा वाला प्रदेश है, और उड़ीसा वाले प्रदेश से उसको काफ़ी रेवेन्यू भी आने की शुरुआत हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है दिस इज नोन एज अ रीजन ऑफ उत्कल, और उत्कल वाले रीजन से उसको रेवेन्यू भी आएगी, उसको पैसा भी थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस तरह से उसने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, या मैं कहूँगा एक्सपांशन की शुरुआत की। वो रिटर्न में आते आते बंगाल की तरफ भी जाएगा। बंगाल में वो लखनौती जो बंगाल का पुराना नाम था उसको भी वो कैप्चर करने की कोशिश करेगा। बंगाल से जब वो वापिस आ रहा था
तो एक साजिश रची जाती है, एक साजिश रची जाती जाती है, और कहते हैं कि ये जो साजिश थी ये साजिश रचने वाला उसी का ही बेटा था। ठीक है, तो कहते हैं कि ग्यासुद्दीन बिन तुगलक पर्टिकुलरली जब वो बंगाल जीतने के लिए गया था, व्हेन ही वेंट टू विन ओवर बंगाल, जब वो 1322 के आसपास बंगाल जीतने के लिए गया था, बंगाल से जब वापस आया तो दिल्ली की तरफ जब आ रहा था तो 1325 तक आते आते उसी का ही बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके लिए कॉन्स्पिरसी की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने ग्यासुद्दीन बिन तुगलक के लिए एक कॉन्स्पिरसी की थी, और कहा जाता है कि ये कॉन्स्पिरसी के द्वारा ये पूरी की पूरी इनकी जो मैं कह सकता हूँ कि एक जो 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 इनका जो सेटअप था, वो सेटअप के द्वारा ग्यासुद्दीन तुगलक को मार दिया गया। एक्चुअली इसके ऊपर एक गेट गिरा दिया गया था, देयर वाज अ पेविलियन विच वाज बिल्ट इन दिल्ली, और ग्यासुद्दीन तुगलक जैसे ही बंगाल को जीत के दिल्ली की तरफ आया तो ये गेट गिर जाता है उसके ऊपर। जब ये गेट गिर गया तो फाइनली मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देगा और वो राजा के रूप में एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो वी फाइंड जो ग्यासुद्दीन बिन तुगलक है, ग्यासुद्दीन बिन तुगलक का जो टाइम फ्रेम है वो 5 साल का ही है। ही विल बी रूलिंग ओवर दिल्ली फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 5 years ओनली। ही विल बी रूलिंग ओवर दिल्ली फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 5 years ओनली, एंड ही वॉज बेसिकली किल्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरसी। एक कॉन्स्पिरसी रची जाती है और कॉन्स्पिरसी के द्वारा उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वी सी मल्टीपल कॉन्स्पिरसी काइंड ऑफ थिंग्स जो आपको इसके अंदर से मिलेगी, और ये सब परिस्थितियों के द्वारा बेस्ड ऑन ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड फर्दर डेवलपमेंट विल टेक प्लेस एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो आपकी ग्यासुद्दीन बिन तुगलक की जो डायनेस्टी है वो कंप्लीट होती है, और उसके बाद आपको मोहम्मद बिन तुगलक का एक डायनेस्टी मिलेगा या किंग के रूप में एक्सपीडिशन। तीसरा उसका एक्सपेरिमेंट था वो था टैक्सेशन ऑफ दोआब। चौथा था द कुराचिल एक्सपीडिशन, एंड द फिफ्थ वन वॉज द टोकन करेंसी। अब एक एक करके लेट मी एक्सप्लेन यू कि हाउ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वर द आउटकम ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है उसको वो भी समझाता हूँ। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को फिर से हम लोग व्हाइट बोर्ड के अंदर ही समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है। मोहम्मद बिन तुगलक एज अ किंग वॉट ही विल बी डूइंग वो 5 चीज़ें करेगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो उसने शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल किया। अब देखो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल क्यों किया, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल के रूप में याद रखेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया है वहाँ पे उसने अपने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद लेके गया। कहाँ लेके गया, दिल्ली से दौलताबाद लेके गया। दौलताबाद मतलब वही जगह है जिसे हम लोग देवगिरी भी कहते हैं। देवगिर वॉज द ओल्ड प्लेस वेर द यादव डायनेस्टी यूज टू रूल। ये देवगिर का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया गया है। ठीक है, दौलताबाद, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, सो वी फाइंड मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट करेगा। क्यों करेगा, तो दो कारण थे। कारण एक था तो ही वॉन्टेड टू कैप्चर साउथ इंडिया, वो साउथ इंडिया को कैप्चर करना चाहता था, और उसको पता था कि मैं नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया को डायरेक्टली कैप्चर नहीं कर पाऊंगा। आई वॉन्ट बी एबल टू कैप्चर साउथ इंडिया फ्रॉम दी दिल्ली रीजन, एंड दिस कैन बी द मेजर रीजन्स कि वो दिल्ली से नीचे साउथ की तरफ आएगा। ही विल बी डिसाइडिंग दैट मैं साउथ की तरफ आता हूँ और साउथ में आके ना ढिंचाक मचा दूंगा, कोहराम मचा दूंगा। ठीक है, सो वी फाइंड पर्टिकुलरली मोहम्मद बिन तुगलक साउथ इंडिया को कैप्चर करने के नाते डेक्कन की तरफ आएगा, और वो डेक्कन को इसके लिए बेस बना देता है। देवगिर जो है वो डेक्कन की शुरुआत है, इसके लिए उसका एक बेस बना। दूसरा क्या था कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे, और फॉरेन इन्वेजन्स किसके हो रहे थे साहब, तो फॉरेन इन्वेजन्स हो रहे थे उस टाइम पे मंगोल्स के। बहुत सारे मंगोल्स इंडिया के ऊपर आ रहे थे और कंटिन्यूसली अटैक चालू थे। जैसे मैंने आपको बताया, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को 6 times डिफीट किया था। ही रिपीट द मंगोल इन्वेजन फॉर 6 times। तो ये चालू था उनका, तो उसको लग रहा था कि यार बहुत मगजमारी होगी, इट्स बेटर टू स्टॉप, तो इसके लिए वो शिफ्ट करेगा। अब उसने शिफ्ट तो कर दिया, पर आप कैपिटल को शिफ्ट करना कोई इजी बात नहीं है साहब। कितना खर्चा आता है, लोगों को कितनी दिक्कत आती है, और इसने ना लोगों को बहुत सारे वो लालच दिया। उसने ना बहुत सारे लोगों को प्रोमिसज दी कि अगर आप दौलताबाद में रहने की कोशिश करोगे, अगर आप दौलताबाद आ जाओगे तो मैं आपको अच्छे खासे पैसे दूंगा, मैं आपको फ़ायदा कराऊंगा, आपको रेवेन्यू दूंगा। ठीक है, तो इन सब परिस्थितियों में ये भाई साहब शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल करता है। ये जो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल करता है इसी के ही द्वारा याद रखेगा, बेस्ड ऑन दिस थिंग ओनली वी फाइंड कि एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस मिलेगा। खैर, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, दिस एक्सपेरिमेंट विल बी फेलिंग, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं मिलेगा। लेटर ऑन ये फिर से रीशिफ्ट कर देगा, लेटर ऑन ये फिर से
रीशिफ्ट कर देगा दिल्ली के अंदर, द कैपिटल विल बी रीशिफ्टेड एट दिल्ली, और ये उसका एक्सपेरिमेंट को बुला देगा, ठीक है। तो पहला फटका उसको यहाँ पे पड़ा, उसके बाद भाई साहब रुके नहीं, और दूसरा इसने एक्सपेरिमेंट किया वो है टोकन करेंसी का। अब देखो टोकन करेंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय टोकन करेंसी। अभी तक जो करेंसी चल रही थी वो थी सिल्वर की। कौन सी करेंसी चल रही थी? सिल्वर की। सिल्वर की करेंसी को हम लोग कहते हैं टंका। क्या कहते हैं? टंका। टंका वॉज द करेंसी दैट वॉज इशूड बाय द इल्तुतमिश और तब से चल रही थी। अब सिल्वर की करेंसी का जो वैल्यू है वो कुछ अलग है। मतलब आप एक सिल्वर का कॉइन दोगे, इफ यू गिव वन कॉइन ऑफ सिल्वर, अगर आप एक कॉइन सिल्वर का देते हो तो आपको 100 बनानास दिए जाते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, सादी भाषा में ये कुछ वैल्यू सिस्टम हुआ करती थी। दूसरा, अगर आप कॉपर का कॉइन दोगे, अगर आप एक कॉपर का कॉइन देते हो तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी यू विल ओनली गेट 10 बनानास। समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि कॉपर के कॉइन्स की वैल्यू नहीं है उतनी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ये सब चीजें चल रही थी, इल्तुतमिश के टाइम से चल रही थी। इसने क्या किया भाई साहब ने, सिल्वर और कॉपर, सिल्वर और कॉपर की जो वैल्यू है वो सेम कर दी। समझ में आया आपको? और उसने कहा कि कॉपर के जो भी कॉइन्स है, उसकी वैल्यू सिल्वर के इक्विवेलेंट हो गई। सादी भाषा में ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग अप दी वैल्यू ऑफ बोथ दी मेटल्स। मेटल्स की जो वैल्यू है आप सेम कर रहे हो, और जितना आप मेटल्स की वैल्यू सेम करोगे, उतना ही प्रॉब्लमेटिक होगा। और लोगों ने उसके बाद क्या किया पता है? जो भी कॉपर के कॉइन्स थे, ये कॉपर के कॉइन्स घर पे बनाने शुरू कर दिए। पीपल स्टार्टेड फॉर्जिंग द कॉइन्स ऑफ कॉपर, और कॉपर के कॉइन्स की मनी सप्लाई बहुत बढ़ गई। मतलब इतना सारा एक्स्ट्रा मनी क्रिएट हो गया, इतना सारा एक्स्ट्रा सप्लाई हो गया कॉइन्स का। और आपने थोड़ा बहुत इकोनॉमी के अंदर पढ़ाई होगा दोस्त कि मोर द मनी सप्लाई, जितना मनी सप्लाई ज़्यादा होता है उतना ही आपकी करेंसी को फटका लगेगा। समझे कि नहीं समझे? क्यों फटका लगेगा? क्योंकि करेंसी एक साइड के ऊपर डीवैल्यू होगी, दूसरा क्या होगा, इन्फ्लेशन की शुरुआत होगी। तो भाई साहब इसने उसके बाद कॉपर के कॉइन्स को डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जब उसने डिसकंटिन्यूएशन ऑफ कॉइन किया था टोकन करेंसी के द्वारा। ये टोकन करेंसी का जो कंसेप्ट चला, वहाँ पे भी उसको बहुत फटका पड़ता है। उसके बाद भाई साहब ने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, वो था द खुरासन एक्सपेरिमेंट। अब देखो खुरासन एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है, व्हाट इज द केस ऑफ द खुरासन एक्सपेडिशन। मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ही मंगोल इन्वेजन बहुत हो रहे थे। तो ये सोच रहा था कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉन्टेड कि मैं मंगोल्स को रोकूं, ये मंगोल्स कंटिन्यूसली इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनको रोकूं। कैसे रोकूंगा कि मंगोल्स का घर है ना कहाँ पे है, मंगोल्स कहाँ से बिलोंग करते थे, मंगोल्स यूज टू बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। तो ही डिसाइडेड कि मैं मंगोल्स को उनके घर में घुस के मारूंगा। समझे आप लोग? तो उसने बहुत बड़ी आर्मी इकट्ठा की, ही क्रिएटेड अ बिग आर्मी, और आर्मी के अंदर उसने रिक्रूट किया, उसने सोल्जर्स को कहा कि तुम आओ मेरे साथ सेना में जुड़ो, हम लोग लड़ने जाएंगे। अब भाई साहब इतनी बड़ी सेना तो इकट्ठी कर दी, ही क्रिएटेड अ वेरी बिग आर्मी, ही वॉज एबल टू एस्टेब्लिश अ बिग आर्मी फॉर हिमसेल्फ। बट आर्मी को पैसा तो देना पड़ता है साहब, सैलरी तो देनी पड़ती है। अब इसकी कंडीशन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इसने टोकन करेंसी का जो एक्सपेंडिशन किया था उसके कारण उसको आर्थिक रूप से तो फटका पड़ गया था, इकोनॉमिकली इसको काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बाद आर्मी इकट्ठी की पर फाइट करने गया नहीं, ही डिड नॉट फाइट, ये फाइट नहीं कर पाता है, ही विल नॉट फाइट अगेंस्ट द मंगोल्स। अब आर्मी को इतना सारा उसने इकट्ठा करके रखा तो इनका खर्चा कौन देगा, ठीक है। तो वी फाइंड मोहम्मद बिन तुगलक का जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था, जहाँ पे उसने शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल किया, टोकन करेंसी की, फिर खुरासन एक्सपेडिशन किया। इसके बाद भी भाई साहब रुके नहीं, इसके बाद ये पहाड़ियों में गए, ही डिसाइडेड टू गो इन द माउंटेन्स ऑफ इंडिया। और ये माउंटेन्स को हम लोग कुराचिल एक्सपेडिशन के रूप में भी पहचानते हैं। क्या कहते हैं? द कुराचिल एक्सपेडिशन। कुराचिल एक्सपेडिशन की खासियत क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कुराचिल एक्सपेडिशन, आपको ये समझाता हूँ। द सिग्निफिकेंस ऑफ कुराचिल एक्सपेडिशन इज दिस ओनली पर्टिकुलरली कि अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक की अगर आप बात करोगे तो वो चाहता था कि इंडिया के जो हिमालय वाले जो रीजन है ना, खास करके ये दिल्ली से ऊपर जो हिमालय वाली प्रदेश है वहाँ पे जाके वो कैप्चर करे। तो यहाँ पे है ना बेसिकली उत्तराखंड है, फिर अगर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश है, इन सब वाले रीजन्स को वो कैप्चर करना चाहता था। वहाँ पे भी भाई साहब ने लूटपाट की, तो उत्तराखंड में उसको मार पड़ा, उसको काफ़ी फटका पड़ता है इन उत्तराखंड, ही गॉट बिग इम्पैक्ट। उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश की साइड में गया, ही वेंट ऑन द साइड ऑफ हिमाचल प्रदेश। वेन ही वेंट टू द साइड ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे कांगड़ा वाले रीजन को थोड़ा बहुत लूट के आया। कांगड़ा में नगरकोट करके जगह है, कांगड़ा का जो पुराना नाम है नगरकोट,
उसको भी वो प्लंडर करके आएगा, ठीक है। तो उसका ये चौथा एक्सपेरिमेंट था पर्टिकुलरली मोहम्मद बिन तुगलक का। पांचवा मोहम्मद बिन तुगलक का जो एक्सपेरिमेंट था, याद रखेगा, दैट वॉज द टैक्सेशन ऑफ दोआब। अब टैक्सेशन ऑफ दोआब क्यों करता है, आप समझने की कोशिश करो। दोआब का मतलब है ये जो गंगा यमुना वाला जो रीजन है, उसको ये टैक्स करने की कोशिश करेगा। अब क्यों करेगा, वाई ही विल डू दिस? द रीजन वॉज दैट ही वॉज इकोनॉमिकली वीक, और वो चाहता था कि ये जो दोआब वाला रीजन है, वहां से उसको करेंसी मिले, उसको पैसा मिले। अब पीजेंट्स की हालत ऑलरेडी टाइट है क्योंकि टैक्सेस ज्यादा हुआ करते थे। पीजेंट्स के सामने उसने टैक्सेस बढ़ा दिए और उसने डिसाइड किया कि टू कंपनसेट फॉर द इकोनॉमिक लॉस दैट हैज टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ हिज मल्टीपल फाइटिंग, उसने जो इतनी सारी लड़ाइयाँ की है उसके कारण उसको जो फटका पड़ा है, वो जो कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए उसके लिए ने किसानों के ऊपर उसने टैक्सेस बढ़ा दिए। तो भाई साहब ने किसानों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए, ही इंक्रीज द टैक्सेस इन द पीजेंट्स ऑन द दोआब रीजन जो गंगा यमुना वाले हैं। तो पीजेंट्स ने भी रिवॉल्ट कर दिया कि भाई राजा हमारा पगला गया है, हमारे राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो हमारे ऊपर इतने सारे टैक्सेस इम्पोज कर रहे हैं। तो ये सब परिस्थितियों के कारण जब हम लोग इसको किंग के रूप में पहचानते हैं, व्हेन वी कंसीडर दिस पर्सन एज अ किंग, जब हम लोग इसको किंग के रूप में जब हम लोग देखते हैं, तो इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। एंड बिकॉज ही डिड मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स तो ये एक्सपेरिमेंट्स के कारण ही ये राजा को हम लोग क्या कहते हैं, पगला राजा के रूप में भी पहचानते हैं, समझे आप लोग, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक इज नोन एज अ मैड किंग, इसको मैड किंग के रूप में पहचानते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ये रहा आपका दिल्ली, दिस इज अ दिल्ली रीजन, दिल्ली से आपने दौलताबाद के अंदर शिफ्ट कर दिया, सबसे बड़ा डिजास्टर। उसके बाद खुरासन एक्सपेडिशन कहाँ पे किया, तो एज आई टोल्ड यू खुरासन एक्सपेडिशन वॉज डन ऑन दी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर वो अटैक करना चाहता था, इसके लिए उसने खुरासन एक्सपेडिशन किया। उसके बाद उसने दोआब के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए, कहाँ पे, ये जो गंगा यमुना वाला रीजन है, ये दोआब के अंदर टैक्सेस बढ़ा दिए तो लोग उससे नाराज हो गए। उसके बाद कुराचिल एक्सपेडिशन कहाँ पे हुआ, तो आज का जो पहाड़ी हिस्सा है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वहां पे होगा। और पांचवी जो थी टोकन करेंसी, पॉइंट, तो जो भी नोबल्स बोलेंगे वैसे उसको करना पड़ेगा। अब ये नोबल्स कौन थे, उलेमा थे। उलेमा का मतलब है कि ये सब रिलीजियस एलिमेंट्स थे, ये सब धार्मिक गुरु हुआ करते थे और बहुत ही ऑर्थोडॉक्स पीपल मिलेंगे, यू विल फाइंड वेरी ऑर्थोडॉक्स पीपल, एंड बिकॉज दे आर काइंड ऑफ वेरी रिलीजियस एंड ऑर्थोडॉक्स पीपल तो हमको ये देखने को मिला कि फिरोज शाह तुगलक इनका ही कहा मानेगा। अब फिरोज शाह तुगलक इनको खुश करना चाहता था, ही वॉन्टेड टू मेक देम हैप्पी। तो हैप्पी करने के लिए क्या करेगा, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट फिरोज शाह तुगलक डज इज द रिवाइवल ऑफ इक्ता सिस्टम। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको इक्ता सिस्टम के बारे में अभी भी थोड़ी देर पहले बताया। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द वन, या मैं कहूँगा इल्तुतमिश वॉज द वन हु स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम। इल्तुतमिश वॉज द वन हु स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़ा कि इक्ता सिस्टम को अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अबॉलिश कर देता है, प्रैक्टिकली अबॉलिश कर देता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो उसको फिर से रिवाइव करेगा। फिरोज शाह तुगलक 1350 से लेके 1388 तक रूल करेगा। ही विल बी रूलिंग फॉर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 38 ईयर्स। और कहते हैं कि उसने 1351 से, हम लोग कह सकते हैं 1351 से लेके 1388 तक रूल करेगा, वो इक्ता सिस्टम को रिवाइव करेगा। और बहुत सारे नोबल्स थे ना, उसके जो नोबल्स हुआ करते थे, उलेमा हुआ करते थे, उनको ये बड़ी बड़ी लैंड ग्रांट देने की शुरुआत की कि यार चलो यार आप मेरे लिए ये कर रहे हो, मुझे राजा बनाया तो मैं आपको मदद करूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मिलती रहेगी उसके अंदर से। इंक्लूडिंग इसने जजिया को भी इम्पोज करा दिया, एंड ही वॉन्टेड द लॉ टू बी फॉलोड ऑन दिस शरीयत। अब शरीयत क्या है, बेसिकली शरीयत इज द इस्लामिक लॉ, अगर आपको जानकारी होगी, शरीयत इज द इस्लामिक लॉ जो मेनली प्रॉफिट मोहम्मद के जो टीचिंग से, हदीस के अंदर और कुरान के अंदर से लिया गया है, ठीक है। तो कुरान एंड हदीस पर्टिकुलरली दिस आर द टू होली बुक ऑफ द इस्लाम, तो उनके अंदर से जो लॉ बनता है, उनके अंदर से जो कानून बना, उसे हम लोग शरीयत कहते हैं, ठीक है। तो इस्लामिक लॉ है और ये काफ़ी रिजिड हुआ करता था। इसी के ऊपर से इसने जजिया लागू किया और कहा कि ऑल द नॉन मुस्लिम्स
इज सपोज टू पे अप द टैक्सेस एंड ये टैक्सेस को जजिया हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी भी शुरुआत आपको मिलती रहेगी, पर्टिकुलरली ये फिरोज शाह तुगलक के अंदर मिलेगा। फिरोज शाह तुगलक का एक और कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, वो है कारखाना। अब देखो कारखाना का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कारखाना। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि उसके अंदर जो भी स्लेव्स आते थे ना, जो भी स्लेव्स आते थे, वो स्लेव्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया और उसको जो रॉयल हाउस होल्ड, रॉयल हाउस होल्ड क्यों, क्योंकि रॉयल फैमिली को पैसा चाहिए, रॉयल फैमिली को बहुत सारी वो है ना सुविधाएं चाहिए, दे वांटेड मल्टीपल थिंग्स फॉर देमसेल्स, उन्हें शौक बड़ी चीज़ है, तो रॉयल फैमिली को बहुत सारी चीज़ें इनको चाहिए होती थी। तो उसके लिए उसने एक कारखाना बनाया और एक इंडस्ट्री बना दी छोटी मोटी, और वहाँ से रॉयल फैमिली को जो भी है ना ग्लास चाहिए, किसी को कुर्सी चाहिए, किसी को टेबल चाहिए, किसी को लैपटॉप चाहिए, तो वो सब देने की शुरुआत करता है, ठीक है। और वहाँ पे जो भी गुलाम थे ना, जितने भी गुलाम थे, वो सब गुलामों को रखा करता था। तो स्लेव्स की पिटाई होती थी, उनको कहा जाता था कि तुमको राजा के कारखाने में काम करना है, यू आर सपोज टू वर्क इन द कारखाना ऑफ द किंग। इस प्रकार से कारखाना सिस्टम की भी शुरुआत करेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फिरोज शाह तुगलक की आपको मिलेगी, वो है दीवाने खैरात। अब व्हाट इज दीवाने खैरात, ठीक है। दीवाने खैरात इज द डिपार्टमेंट फॉर द पुअर। डिपार्टमेंट फॉर द पुअर का मतलब ये है कि जो भी गरीब लोग हैं उसको चैरिटी के लिए, ये डिपार्टमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ही विल बी एस्टैब्लिशिंग अ न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड एज दी दीवाने खैरात, और गरीबों की सेवा व्यवा करता रहता था। इनफैक्ट इसने हॉस्पिटल्स भी बनाई थी, इसने डिस्पेंसरीज भी बनाई थी, बेसिकली जिसे हम लोग कहते हैं शिफा खाना, दैट इज नोन एज शिफा खाना। एंड इट इज़ सेड दैट वो फ्री ट्रीटमेंट भी देता था अपने हॉस्पिटल्स के अंदर, अपने जो भी लोग हुआ करते थे, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक की जो कहानी है, फिरोज शाह तुगलक में आपको देखने को मिलेगा एक किंग के रूप में, ये काफ़ी कमज़ोर राजा था, एक किंग के रूप में आपको ये काफ़ी कमज़ोर मिलेगा। एंड वी ऑल्सो फाइंड कि फिरोज शाह तुगलक जो है पर्टिकुलरली अपनी जो शासन व्यवस्था, अपनी जो मैं कह सकता हूँ कि एक किंग के रूप में अपना जो एस्टैब्लिशमेंट करता है, वो एस्टैब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं अगर आप देखने की कोशिश करेगा तो उसकी आपको एक लिमिटेशन भी मिलती रहेगी, क्योंकि वो ज़्यादा उतना पावरफुल नहीं था, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको फिरोज शाह तुगलक में पता होना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक का और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था याद रखेगा। तो उसने एक सिटी बनाया जिसका नाम है फिरोज शाह कोटला। एक्चुअली दिल्ली के अंदर जो तुगलक डायनेस्टी थी उनके तीनों किंग्स ने अलग अलग सिटीज़ बनाए हैं। तुगलक डायनेस्टी थी, इनों के जो भी राजा थे इन्होंने अलग अलग सिटीज़ बनाए हैं। जैसे तुगलकाबाद, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वॉज एस्टैब्लिश बाय ग्यासुद्दीन बिन तुगलक। तुगलकाबाद वॉज एस्टैब्लिश बाय ग्यासुद्दीन बिन तुगलक। उसके बाद जहाँपनाह नाम का जो बेसिकली सिटी है, दैट वॉज एस्टैब्लिश बाय मोहम्मद बिन तुगलक ने बेसिकली जहाँपनाह नाम की सिटी बनाई थी। उसके बाद तीसरा जो सिटी बनता है, दैट इज नोन एज फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इज ऑल्सो नोन एज फिरोज शाह कोटला। ये बेसिकली फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। फिरोज शाह कोटला इज अ स्टेडियम, अगर आपको जानकारी होगी, अभी अरुण जेटली स्टेडियम के रूप में भी पहचाना जाता है, अरुण जेटली स्टेडियम के रूप में भी इसको पहचानते हैं, ठीक है। सो वी फाइंड मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूशन आपको इसके दौरान मिलेंगे, फिरोज शाह तुगलक के दौरान। फिरोज शाह तुगलक कैनाल भी डेवलप करेगा, जैसे ग्यासुद्दीन तुगलक ने कैनाल्स बनाई थी इरीगेशन के लिए, तो वी फाइंड द कैनाल इरीगेशन वर ऑल्सो डेवलप। और उसने है ना काफ़ी सारे सतलज जो वाला रीजन है, सतलज की जो नदियाँ है, सतलज जो रिवर है, सतलज रिवर के ऊपर उसने काफ़ी सारे कैनाल्स बनाए थे। सो ठीक है, तो वी फाइंड मल्टीपल कैनाल्स इन द सतलज रिवर, इंक्लूडिंग ये रोड भी बनाता है, बहुत सारे रोड्स भी बनाएगा। और इसने सिटीज़ भी बनाए थे, एक तो जौनपुर करके जो सिटी बनाया। अब जौनपुर किसके ऊपर बनाया था? जौनपुर जो सिटी है, दैट वॉज एस्टैब्लिश इन द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। समझ में आया? जौनपुर जो सिटी है, दैट वॉज एस्टैब्लिश इन द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नाम था जौना खान, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है। ये और एक सिटी भी बनाएगा, हिसार करके एक और सिटी है, देयर इज वन मोर सिटी, ये हरियाणा के अंदर है। ये भी आपको कहीं ना कहीं फिरोज शाह तुगलक के दौरान मिलेगा। फिरोज शाह तुगलक में लिखा जाता है उसने 300 से ज्यादा शहरों को बनाया। ही एस्टैब्लिश मोर देन 300 सिटीज, एंड दिस थिंग सिग्निफाइज कि फिरोज शाह तुगलक का किंग के रूप में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फिरोज शाह तुगलक के अंदर, लास्ट अगर आपको याद रखनी है वो आप याद रख सकते हो, कि उसने अशोक के पिलर्स को शिफ्ट किया था। अब देखो अशोक के पिलर्स कहाँ पे हुआ करते थे, तो अशोक के पिलर्स अगर आपको याद होगा, अशोक के पिलर्स अगर आपको थोड़ा बहुत लोकेशन याद होगा, तो हमने एंशिएंट इंडिया के मैराथन के अंदर पढ़ाया था, अशोक के जो पिलर्स थे ना, अशोकन पिलर्स थे कहाँ कहाँ हुआ करते थे। अशोकन पिलर्स पर्टिकुलरली वर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अशोक के जो पिलर्स थे भारत के अलग अलग विस्तार में लोकेटेड है, दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड वी फाइंड कि ये जो पिलर्स हुआ करते थे
ये पिलर्स को अशोक ने मेनली बाउंड्री के रूप में यूज किया था। उसमें ना दो पिलर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो है टोपारा का पिलर, एक को है टोपारा का पिलर, दूसरा है मेरठ का पिलर। ये दोनों के दोनों पिलर्स से बेसिकली जो दिल्ली के आजू बाजू में थे, इन दोनों पिलर्स को दिल्ली के अंदर शिफ्ट किया जाता है। बोथ दिस पिलर्स वर शिफ्टेड टू दिल्ली बाय फिरोज शाह तुगलक। समझ में आया आपको? तो कभी कभी आपको क्वेश्चन आएगा, कभी कभी आपको क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स वर शिफ्टेड फ्रॉम टोपारा टू दिल्ली और मेरठ टू दिल्ली अंडर द टाइम ऑफ विच किंग, कि इनमें से कौन से राजा के द्वारा, हु शिफ्टेड द अशोकन पिलर्स टू दिल्ली। इनमें से कौन सा राजा दिल्ली के अंदर अपने पिलर्स को शिफ्ट करता है अशोक के पिलर्स को, फिर चार ऑप्शन दे के फिर आपके साथ गरबा चालू हो जाएगा, ठीक है? तो दैट शुड नॉट टेक प्लेस, ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको ये समझा देता हूँ कि फिरोज शाह तुगलक का कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे चलता है, ठीक है? तो वी फाइंड फिरोज शाह तुगलक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो आर्किटेक्चर के अंदर आपको काफी मिलेगा, पर किंग के रूप में, एक राजा के रूप में, अगर आप फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखोगे, एक राजा के रूप में काफी कमजोर था। और इसके कारण जब वो कमजोर हुआ तो धीरे 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 रीजनल डायनेस्टी बननी शुरू हो जाती है, ठीक है? तो इट इज सेड कि फिरोज शाह तुगलक के बाद इसके बाद बहुत ही कमजोर राजा है। समझ में आया आपको? सो व्हेन ही पास्ड अवे, जब वो कमजोर हो गया था 1388 के आसपास जब इसका मृत्यु हुआ, तो वी फाइंड मेनी वीक किंग्स। ये वीक किंग्स 1388 से लेके 1394 तक बहुत ही कमजोर राजा उसकी डायनेस्टी से बिलोंग करेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखेगा तो आपको यहां से समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है? तो फिरोज शाह तुगलक का जब फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु हुआ तो द पीरियड फ्रॉम 1388 1388 से लेके 1394 तक का जो पीरियड है, 1394 तक का जो पीरियड है, ये वैक्यूम पीरियड है। वैक्यूम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कमजोर राजा आएंगे, वी डू नॉट फाइंड मच ऑफ दी इंपॉर्टेंट किंग्स। एंड इट इज सेड दैट बाय द ईयर 1394 तक आते नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक करके एक राजा आता है, वो रूल करेगा दिल्ली के ऊपर। और वो जब रूल कर रहा होता है तो उसके सामने कंटिन्यूस रिवॉल्ट हो रहे हैं, इंटरनली भी रिवॉल्ट हो रहे हैं। और इसी के कारण जो तुगलक डायनेस्टी है ये काफ़ी वीक हो जाएगी। समझे आप लोग? जब तुगलक डायनेस्टी इस टाइम पे बहुत वीक हो रही थी, जब तुगलक डायनेस्टी 1394 ऑनवर्ड से काफ़ी कमज़ोर हो रही थी, तो ये डायनेस्टी इतनी कमजोर हो गई तो इनके अंदर से छोटे छोटे किंगडम्स बनने शुरू हो गए। तो वी फाइंड मल्टीपल किंगडम्स कमिंग टू पावर, बहुत सारे किंगडम्स मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, विजयनगर डायनेस्टी साउथ के अंदर एस्टेब्लिश हो गई थी। विजयनगर के साथ साथ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया बहमनी किंगडम जो हुआ करता था वो भी एस्टेब्लिश हो चुका था इन दिस रीजन। एंड ड्यू टू ऑल दिस केसेस, ये जितने भी चीज़ें हो रही थी, इसी के कारण इंडिया के ऊपर फॉरेन इन्वेजन्स भी हुए। और ये फॉरेन इन्वेजन के अंदर आपको तैमूर का इन्वेजन मिलेगा। किसका मिलेगा? वी फाइंड द इन्वेजन फ्रॉम तैमूर। सो इट इज सेड दैट बाय द टाइम ऑफ 1398 तक आते वी फाइंड तैमूर्स इन्वेजन विल बी टेकिंग प्लेस ओवर दिल्ली। और ये तैमूर इन्वेजन के बाद आपकी तुगलक डायनेस्टी टूट जाएगी, ठीक है? अब कैसे टूटती है उसको समझाता हूँ और उसके बाद आगे चलेंगे। तो वॉट वी सी पर्टिकुलरली कि फिरोज शाह तुगलक के बाद याद रखेगा कि तुगलक डायनेस्टी बहुत ही कमजोर हो गई। ये इतनी कमजोर हो गई कि इनकी डायनेस्टी से ही बेसिकली बहुत ही वीक किंग आएंगे। 1398 में तैमूर इंडिया के ऊपर आया। तैमूर बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द मंगोल्स, ये भी मंगोल ओरिजिन का ही किंग हुआ करता था। और इसने दिल्ली को तोड़ फाड़ दिया। इट इज सेड जब तैमूर इंडिया में लगभग 5 से 7 दिन रुकता है, ही विल बी स्टेइंग फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 days, और सब कुछ लूट फाड़ करके, तोड़ ताड़ करके, ही विल बी डिस्ट्रॉइंग द रीजन्स इन एंड अराउंड दिल्ली, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। जब वो गया वापिस, व्हेन तैमूर विल बी गोइंग अवे, तो वो मुल्तान, अगर आप देख रहे हो, दिस इज द मुल्तान, ये मुल्तान के अंदर अपने एक गवर्नर को छोड़ के गया जिसका नाम है खिजर खान। क्या नाम है? खिजर खान। खिजर खान वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ मुल्तान बाय तैमूर। एंड इट इज सेड कि ये जो खिजर खान था ये 1414 के अंदर तुगलक डायनेस्टी को टॉपल कर देगा। द सेम खिजर खान विल बी टॉपलिंग द तुगलक डायनेस्टी। और वो दिल्ली के अंदर अपना दबदबा बनाता है। खिजर खान विल बी एस्टैब्लिशिंग हिज ओन डायनेस्टी दैट इज नोन एज द सैयद डायनेस्टी। समझे आप लोग? ठीक है, तो 1414 के बाद सैयद डायनेस्टी आएगी। ये सैयद डायनेस्टी जब पावर के ऊपर आई, ये सैयद डायनेस्टी जब दिल्ली के ऊपर पावर के ऊपर आती है, व्हेन दी सैयद डायनेस्टी विल बी कमिंग टू पावर,
तो उस दौरान छोटे मोटे किंगडम्स बनने शुरू हो गए थे। यहाँ अगर आप देखोगे तो मेवाड़ एक अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना रहा था, गुजरात अगर आप देखोगे तो मुजफ्फरी डायनेस्टी आपको मिलेगी, आपको बहमनी किंगडम मिलेगा साउथ के अंदर, विजयनगर आपको और साउथ में मिलेगा, उड़ीसा के अंदर आपको गजपति किंग्स मिलेंगे, शर्की डायनेस्टी जो जौनपुर के अंदर पावर के ऊपर आती है, कहाँ से आती है, जौनपुर के ऊपर पावर के ऊपर आएगी। क्यों शर्की डायनेस्टी जौनपुर के ऊपर आई, क्योंकि ये जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से की गई थी भाई, फिरोज शाह तुगलक, बट वहाँ के जो लोकल गवर्नर्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। और इस तरह से सैयद डायनेस्टी जब पावर के ऊपर आई, जब सैयद डायनेस्टी पावर के ऊपर आई, तो ये डायनेस्टी के दौरान इंडिया में बहुत सारे प्रोविंशियल किंगडम्स बनेंगे। बहुत सारे क्या बनेंगे, प्रोविंशियल किंगडम्स बनेंगे, रीजनल किंगडम्स बनने की शुरुआत होगी। 1414 से लेके 1451 तक आपको सैयद डायनेस्टी मिलेगी। कौन से टाइम तक, 14 से लेके 1451 तक। मैंने आपको बताया खिजर खान वॉज द वन हु टॉपल्ड द तुगलक डायनेस्टी, इन्होंने तुगलक को टॉपल कर दिया। ये खिजर खान सबसे पहले किंग थे, बट इन्होंने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा, ये कहते थे कि मैं तो तैमूर का सेवक हूँ, मैं तो तैमूर का सर्वेंट हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पे पावर दे के गए हैं, मैं एक सुल्तान नहीं हूँ। तो ही नेवर टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान। ये सैयद डायनेस्टी में खिजर खान के बाद जो दूसरे किंग आएंगे उनका नाम था मुबारक शाह। मुबारक शाह ही विल बी रूलिंग फॉर दिस पीरियड ऑफ 1421 टू 1433। इस दौरान आपको गुजरात के अंदर एक इंडिपेंडेंट किंगडम मिलेगा, इसी दौरान आपको मेवाड़ के अंदर एक इंडिपेंडेंट किंगडम मिलेगा, मेवाड़ मतलब राजस्थान, इंक्लूडिंग आपको मालवा के अंदर इंडिपेंडेंट किंगडम्स मिलते रहेंगे। वी ऑल्सो फाइंड जौनपुर, जौनपुर के अंदर आपको शर्की डायनेस्टी मिल जाएगी, ये भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। 1434 से लेके 1443 तक फाइनली अगर आप देखोगे तो मोहम्मद शाह करके एक राजा है। ये मोहम्मद शाह की पॉलिटिकल हिस्ट्री या पॉलिटिकल पावर इतना कमज़ोर था तो ये दिल्ली तक ही सीमित रहते हैं। मोहम्मद शाह विल बी कन्फाइंड टू दिल्ली, उनका इतना भी पावर नहीं था कि दिल्ली से बाहर भी जा पाए, तो इतने कमज़ोर राजा के रूप में वो एस्टैब्लिश होते हैं। और कहते हैं कि मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह नाम के किंग आए। ये अलाउद्दीन आलम शाह जब पावर के ऊपर थे तो इन्हीं का ही एक गवर्नर था, इन्हीं का ही एक गवर्नर था जिसका नाम था बहलुल लोधी। बहलुल लोधी उसको टॉपल कर देगा। तो इट इज सेड कि बहलुल लोधी विल बी टॉपलिंग, ही विल बी रिवॉल्टिंग अगेंस्ट दी सैयद डायनेस्टी बिकॉज दे वर वेरी वीक। और बहलुल लोधी जो है, बहलुल लोधी जो है, बहलुल लोधी जो है, ही विल बी एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी इन इंडिया। याद रखेगा, इंडिया के अंदर फर्स्ट अफगान डायनेस्टी के रूप में जो डायनेस्टी आती है वो है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का इंपॉर्टेंस ये है कि ये अफगान ओरिजिन थे। कौन कौन थे साहब, दे वर ऑल दी अफगान ओरिजिन किंग्स। मतलब क्या है, तो इसके पहले हमने जो भी डायनेस्टीज को पढ़ा है, इसके पहले हमने जो भी दिल्ली अफगान पीर के रूप में पहचानता है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आपको लिमिटेड के अंदर मिलेंगे। बट इसके बाद इसका बेटा आया सिकंदर। सिकंदर की कहानी बहुत ही नोटोरियस हो जाती है। क्यों नोटोरियस होती है, क्योंकि सिकंदर लोधी तक आते आते परिस्थिति बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है, बहुत ही चेंज हो चुकी है। क्यों, क्योंकि ही वॉन्टेड टू कंट्रोल पावर, ये सेंट्रलाइज करना चाहता था। तो इसने क्या किया कि अपने नोबल्स को इंसल्ट करना शुरू कर दिया। अब बहलुल लोधी काफ़ी टॉलरेंट, मतलब मैं कहूँगा कि अपने नोबल्स को कभी इंसल्ट नहीं करता था, उनको ह्यूमिलेट नहीं करता था, उनके साथ डिग्निफाइड वे के अंदर ट्रीट किया करता था। बट सिकंदर वॉन्टेड कि मेरे नोबल्स मेरे सामने रिवॉल्ट ना करे, मेरे नोबल्स मेरे सामने रिवॉल्ट ना करे। इसके लिए सिकंदर ने क्या किया, वॉट सिकंदर डिड इज कि सिकंदर ने उसके अंडर में आने वाले जो भी नोबल्स हैं उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी, इनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, इनको अपने दबदबे में लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सिकंदर विल बी रूलिंग फॉर द पीरियड ऑफ 1489 टू 1517। तो उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया, और एकदम है ना आयरन हैंड के रूप में, मैं कहूंगा कि आयरन हैंड मतलब है ना कि एक लोखंडी हाथ बनाने की कोशिश की कि कैसे भी करके इनको अपने अपने अंदर कंट्रोल रखूं। इंक्लूडिंग ही कन्फिस्केटेड मैनी प्रॉपर्टी, उसने ना बहुत सारे नोबल्स की प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि अगर नोबल्स पावरफुल होंगे उनके पास पैसा आएगा, तो पैसा आने से क्या हो सकता है, सब रिवॉल्ट हो सकता है। तो रिवॉल्ट को रोकने के लिए एक ही रास्ता था कि उनके पैसे ले लो, तो उसके कारण वो स्टेबल हो जाता है। इंक्लूडिंग उसको मंदिरों के अंदर काफ़ी पैसा मिल रहा था, तो उसने काफ़ी सारे टेम्पल्स भी डिस्ट्रॉय किए, डिस्ट्रॉयड मल्टीपल टेम्पल्स। इंक्लूडिंग इसने भी जजिया को काफ़ी स्ट्रांगली इम्पोज कराया था, ही ऑल्सो इम्पोज जजिया विच वॉज अ टैक्स विच वॉज पेड बाय द नॉन मुस्लिम्स। तो ये भी पॉइंट आपको सिकंदर के अंदर मिलेगी। सिकंदर का एक बहुत ही लैंडमार्क चेंज है, वो है गज़ए सिकंदरी। अब वॉट इज गज़ए सिकंदरी, याद रखेगा, सिकंदर लोधी इज नोन फॉर द लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स इन इंडिया। वॉट डू मीन बाय लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स माई फ्रेंड,
लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि हमने अभी तक पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी वॉज द वन हु स्टार्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड. उसने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड. अब व्हाट डू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड का मतलब ये होता है कि अलाउद्दीन खिलजी वॉज द वन जिसने जमीनों को वर्गीकृत किया. ही बेसिकली क्लासिफाइड द लैंड. और जो लैंड को क्लासिफाई कर रहा है, उसी के ही बेसिस के ऊपर, वी सी पर्टिकुलरली ये जो 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 लोधी है वो उसको आगे करेगा और उसको मेजर करने की शुरुआत करेगा. सिकंदर लोधी का इम्पोर्टेंस ये है कि उसने लैंड को मेजर करना शुरू किया. और कैसे मेजर किया, तो वाया अ रोप. और उसने उसको एक टाइटल दिया गज ए सिकंदरी. मतलब क्या है, आज की तारीख में हम लोग है ना लैंड को मेजर करते हैं, हम लोग कहते हैं कितने गज की जमीन है, हम कहते हैं 25 गज की जमीन है, 50 गज की जमीन है. अब गज का एक यूनिट क्या होता है, कोई कहता है इसको गज कहते हैं, कोई कहता है नो दिस इज नोन एज गज, कोई कहेगा कि ये पेन गज का प्रकार है, ठीक है. तो वी फाइंड पर्टिकुलरली गज ए सिकंदरी वॉज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. याद रखेगा, इट वॉज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय सिकंदर लोधी. और उसने लैंड रेवेन्यू के अंदर जमीन को पहले मेजर किया, उसके बाद क्लासीफाई किया, और क्लासीफाई करने के बाद उसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे, ठीक है. और कोई भी चोरी ना करे, नोबल्स कोई भी चोरी ना करे पैसों को, इसके लिए वो नोबल्स को उसने कहा था कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ, आई एम सीइंग ऑल दिस थिंग्स कि आप क्या कर रहे हो, मेरे स्टेट के अंदर कैसे अपना शासन चला रहे हो, मुझे सब कुछ पता है. और अगर आपने रेवेन्यू में एक रुपया भी कम दिया है तो मैंने ऑलरेडी लैंड को मेजर करके रखा है, आई हैव ऑलरेडी मेजर्ड अप द लैंड, सो आई नो यू आर गिविंग मी लेस मनी एज अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, फिर मैं आपकी पिटाई कर दूंगा, ठीक है. तो सिकंदर लोधी को इसके लिए याद रखते हैं, पर्टिकुलरली वेन वी सी द लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स. सिकंदर लोधी का एक और इंपॉर्टेंस ये है कि उसने आगरा के अंदर सेकेंड कैपिटल की स्थापना की. याद रखेगा, दी आगरा वॉज एस्टैब्लिश एज द सेकेंड कैपिटल. आगरा वॉज एस्टैब्लिश एज द सेकेंड कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिकंदर लोधी ओनली. इट वॉज सिकंदर लोधी हु एस्टैब्लिश द सेकेंड कैपिटल एट आगरा. और आगरा का एक अपना खुद का एक इंपॉर्टेंस बनेगा उसके बाद. और उसके बाद जो भी मुगल्स आएंगे, जैसे अकबर आया, हुमायूं आया, वो सब आगरा के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे. फिर लेटर ऑन शाहजहां जब पावर के ऊपर आएगा तो फिर से कैपिटल को दिल्ली की तरफ लेके जाएगा, ठीक है. सो वी फाइंड जो 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 डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट के अंदर आपको आगरा का एक आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा इन द पीरियड ऑफ सिकंदर लोधी, ठीक है. सिकंदर 1570 तक पावर में रहता है, 1517 तक. 1517 के बाद उसी के ही डायनेस्टी से आपको इब्राहिम मिलेगा. अब देखो इब्राहिम लोधी की कहानी क्या है. इब्राहिम लोधी वॉज क्वाइट एरोगेंट इन नेचर. एक्चुअली इब्राहिम लोधी चाहता था कि वो एम्पायर को एक्सपांड करे. इब्राहिम लोधी, अगर आप देखेगा ये मैप से ही आपको समझाता हूँ, इब्राहिम लोधी वॉन्टेड कि मैं पावर को एक्सपांड करूँ, आई वॉन्ट मोर पावर. अब जब वो पावर को एक्सपांड करेगा तो दिक्कत क्या हो रही थी, वॉट वॉज द प्रॉब्लम. उसकी दिक्कत यहाँ पे आ रही थी मेवाड़ के अंदर. क्यों? क्योंकि मेवाड़ के अंदर अगर आप देखोगे तो राणा संगा हुआ करते थे. राणा संगा वॉज द राजपूत किंग एट द टाइम हु वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द लोधीज, ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखोगे तो उसका पंजाब का गवर्नर था, ये लाहौर मुल्तान के अंदर उसका गवर्नर हुआ करता था. उसका गवर्नर का नाम था दौलत खान लोधी. अब देखिए बहलोल लोधी वॉज अ वेरी जेन्यून किंग ऑन इंडिया. बाबर का जो अटैक भारत के ऊपर होता है, बाबर ने जब पानीपत के ऊपर लड़ाई की और उसने जब लड़ाई जीत ली तो दैट वॉज द एंड ऑफ द टर्को अफगान रूल. टर्को अफगान रूल क्यों? क्योंकि बहुत सारे किंग टर्किश ओरिजिन के थे. ओनली द लोधीज वर ऑफ द अफगान ओरिजिन. इनको ख़त्म किया जाता है और बाबर उसके बाद मुगल डायनेस्टी की शुरुआत करेगा. ये मुगल्स के अंदर पांच इंपॉर्टेंट मुगल्स आपको पता होने चाहिए, छः वाले. पहले बाबर हुआ करता था, 1526 से लेके 1530 तक रूल करेगा. बाबर के बाद आपको दूसरा कौन मिलेगा, तो आपको मिलेगा हुमायूं. हुमायूं विल बी द किंग हु विल बी रूलिंग फ्रॉम 1530 टू 1540. हुमायूं के बाद तीसरा आपको किंग मिलेगा, कौन मिलेगा पर्टिकुलरली, वी फाइंड द किंग अकबर विल बी रूलिंग फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1556 से लेके 1605. हुमायूं 1540 में हार जाता है. 1550 से लेके 1555 तक आपको सूरी डायनेस्टी मिलेगी जो अफगानिस्तान के अंदर से ही ओरिजिन हुआ था. उसके बाद आपको अकबर मिलेगा 1556 से लेके 1605. अकबर के बाद आपको जहांगीर मिलेगा. जहांगीर विल बी रूलिंग फ्रॉम 1605 टू 1627. उसके बाद आपको शाहजहां मिलेगा. शाहजहां विल बी रूलिंग फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1628 टू 1658, 1628 टू 1658. एंड फाइनली वी फाइंड द औरंगजेब कमिंग टू पावर. जो औरंगजेब रूल करेगा 1658 से लेके 1707 तक का पीरियड में, ठीक है. तो इतने मुगल्स आपको मिलेंगे. ये आपके दिल्ली के सुल्तानत की हिस्ट्री थी.
अब हिस्ट्री के ऊपर से लास्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि दिल्ली के सुल्तान्स की जो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट थी वो कैसी थी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिया के ऊपर जो टर्कीज इन्वेजन हुआ, उसकी इम्पैक्ट क्या पड़ी, तो याद रखिएगा कि पहले पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ेगी और एक यूनिफाइड एम्पायर की शुरुआत होगी। यूनिफाइड एम्पायर का मतलब है कि बड़ा साम्राज्य बनेगा, दिल्ली का जो किंग है वो पावर सेंटर के रूप में आएगा और दिल्ली बिकेम द मोर पावर सेंटर इन दिस एरा ओनली। दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट पावर सेंटर के रूप में एस्टैब्लिश होता है। तीसरा, ये जो आक्रमण हुए 1206 से लेके 1526 तक का, इसमें तीसरी इम्पैक्ट अगर आप देखने की कोशिश करो, द थर्ड इम्पैक्ट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो आपको क्या मिलती है, तो आपको मिलेगी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के रूप में। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के रूप में इंडिया के अंदर जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी नया नया डेवलप होगा। तो अभी आपको समझाता हूँ कैसे डेवलपमेंट हुआ, आई डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, तो ये भी पॉइंट मिलेगी, इंक्लूडिंग आपको इक्का सिस्टम मिला, इक्तादारी सिस्टम मैंने अभी आपको बताया कि कैसे शुरुआत होता है। तीसरा, मिलिट्री का यूज़ होना शुरू हुआ, मिलिट्री में इंपॉर्टेंट क्या था, तो हॉर्सेस का इंपॉर्टेंस मिलेगा, मिलिट्री रिफॉर्म्स की शुरुआत होगी। मिलिट्री में भी अगर आप देखोगे तो डाग एंड चेहरा सिस्टम की शुरुआत होगी। डाग एंड चेहरा किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। इंक्लूडिंग आपको मिलिट्री का डिपार्टमेंट मिलेगा, दीवान-ए-हरीस। और इसके साथ साथ आपको और क्या मिलता है, इसके साथ साथ आपको इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस मिलेगा, स्पाई सिस्टम, ये भी एक नया पॉइंट है। सोशियो कल्चरल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आर्किटेक्चर हमने देखा, और आर्किटेक्चर के अंदर क्या बनता है, मेनली अगर आप देखोगे तो आपको मॉस्क बिल्डिंग की शुरुआत होगी, फोर्ट बनने की शुरुआत हो गई, टॉम बिल्डिंग की शुरुआत हो गई, और आपका जो आर्क्यूएट आर्किटेक्चर है, क्या नाम है, आर्क्यूएट आर्किटेक्चर है, उसकी शुरुआत होगी। ब्रिक्स एंड मोर्टार का यूज काफी सारा यूज किया गया था। ब्रिक्स एंड मोर्टार का मतलब है ईंटों का उपयोग किया जाता था विद सीमेंट एंड द एग्रीगेट्स एंड द स्टोन्स, सो दैट आप ईंटों को ज्वाइन कर पाओ, यू कैन ज्वाइन द ब्रिक्स एज वेल। ठीक है, तो ये भी एक आपको इम्पैक्ट मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा, आपको इस्लामिक सोसाइटी की शुरुआत होगी, और सोसाइटी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था, एक द मुस्लिम और दूसरे थे नॉन मुस्लिम्स। नॉन मुस्लिम्स को कहा गया था कि आपको क्या करना है, जजिया वजिया देना है, गेटिंग माई पॉइंट, इंक्लूडिंग और भी टैक्सेस लिए जाते थे इनके ऊपर से। आपको और भी सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटी के अंदर मिलेगा, एक टैक्स मिलेगा जिसका नाम है जकात। जकात वॉज द टैक्स विच वॉज प्लेड बाय द मुस्लिम्स ओनली, ये भी आपको शुरुआत मिलेगी। वी ऑल्सो फाइंड पर्टिकुलरली कि जो स्टेट था, जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी, वो पॉलिटिक्स के अंदर राजा जो है वो राजा अलग अलग रोल प्ले करेगा। कभी कभी राजा खलीफा के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा, कैलीफ जो बगदाद के अंदर बैठता था, इल्तुतमिश उसे वो लेके आया था, पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया था मंसूर लेके आया था, खुतबा पड़ता है उसके नाम का। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको टर्किश इन्वेजन के अंदर मिलेगा, दिस वॉज ऑल्सो द पॉइंट दैट वी फाइंड इन द टर्किश इन्वेजन। तीसरा पॉइंट क्या हुआ, इकोनॉमी काफ़ी डेवलप होती है। अब क्यों डेवलप होती है इकोनॉमी, तो आपको वो समझा देता हूँ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वाई इकोनॉमी विल बी डेवलप इन दिस पीरियड, वाई इकोनॉमी विल बी डेवलप इन दिस पीरियड, याद रखेगा, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो अर्बनाइजेशन की शुरुआत होगी, समझ में आया आपको। तो वी फाइंड मल्टीपल सिटीज विच वर डेवलपिंग एज अ पार्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। तो ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत बढ़ेगा, आपको बहुत सारी कम्युनिटीज मिलेगी, गुजराती, मारवाड़ी, देन आपको मुल्तानी, आपको खोखरी लोग मिलेंगे जो अलग अलग व्यापार कर रहे हैं इस दौरान। ठीक है, तो ये चार पांच चीज़ों से हमको ये समझ में आता है कि ये जो टर्किज इन्वेजन इंडिया के ऊपर हुए बिटवीन द पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 320 ईयर्स, क्योंकि 1526 से लेके या 1206 से लेके 1526 तक का जो पीरियड अगर आप देखो तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए, लैंड रेवेन्यू के अंदर रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म्स आए। तो ये सब चीज़ों से हमको समझ में आता है कि इंडिया के ऊपर जो फॉरेन इन्वेजन हुए उसकी फाइनल इम्पैक्ट क्या होती है। ठीक है, फाइनल इम्पैक्ट फिर मुगल्स की होगी 1526 में, जब मुगल्स आएंगे, वेन द मुगल्स विल बी कमिंग टू इंडिया। तो मुगल्स का जब इम्पैक्ट होगा तो तब मुगल्स को पढ़ाऊंगा, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं आज के सेशन के ऊपर और उसके बाद कंक्लूड करेंगे, वो है एडमिनिस्ट्रेशन। अब दिल्ली सुल्तान्स के अंदर याद रखेगा बहुत सारे आपको एडमिनिस्ट्रेशन के कीवर्ड्स मिलेंगे। तो राजा ने बहुत सारे सुल्तान्स को अपॉइंट किया था, राजा ने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए थे। ये डिपार्टमेंट के ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क यू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कौन से डिपार्टमेंट हुआ करते थे। जैसे एक था दीवान ए रिसालत, ये अपील्स के लिए भी था, ये कभी कभी फॉरेन अफेयर्स के लिए भी यूज होता था, तो आपको ये भी मिलेगा। दीवान ए अर्ज वॉज द डिपार्टमेंट जहाँ पे मिलिट्री का हेड रखा जाता था, राजा ने उसको अपॉइंट किया था।
दीवाने बंदगा, बंदगा का मतलब है स्लेव्स, तो स्लेव्स के लिए उसको यूज किया जाता था, याद रखेगा हम लोग कहते हैं ना बंदा है अपना, ठीक है। उसके बाद आपको काजी या मामलिक मिलेगा। काजी या मामलिक बेसिकली क्या काम करता है, जस्टिस का। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत का जो स्टेट है, दिल्ली सल्तनत का जो स्टेट है, दिल्ली सल्तनत के स्टेट की खासियत क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेट, ये थियोक्रेटिक स्टेट था। थियोक्रेटिक का मतलब है कि इसमें जो राजा है, इसमें जो राजा है वो रिलीजियस लॉ के ऊपर चलेगा। तो रिलीजियस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको काजी मिल जाएंगे। काजी मतलब वही आपके जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे वो मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दीवान इश्तका मिलेगा, जो पेंशन का डिपार्टमेंट था। वी ऑल्सो फाइंड दीवान मुस्तखराज, याद रखेगा मुस्तखराज वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ द एरियर्स जो मेनली रेवेन्यू के साथ जुड़ा हुआ था, दैट वॉज मेनली रिलेटेड टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और ये लोग देखते थे कि लैंड रेवेन्यू कैसे चलती है। वी ऑल्सो फाइंड दीवान खैरात, दैट वॉज नोन एज द चैरिटी। ये दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक वॉज दी वन हु एस्टैब्लिश्ड दीवाने खैरात। उसी तौर के ऊपर दीवाने अर्ज किसने बनाया था, याद रखेगा दीवाने अर्ज वॉज द वन विच वॉज एस्टैब्लिश्ड पर्टिकुलरली बाय दी आई वुड से बलबन, बलबन वॉज द किंग जो इसको एस्टैब्लिश करता है। उसके बाद दीवाने कोही मिलता है। दीवाने कोही वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इफ यू कैन सी ओवर हियर, दीवाने कोही वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये मोहम्मद बिन तुगलक बनाएगा, ठीक है। तो वी फाइंड मोहम्मद बिन तुगलक विल बी एस्टैब्लिशिंग दिस डिपार्टमेंट। ये अलग अलग डिपार्टमेंट से इनका व्यवस्था चलता था। इससे हमको समझ में आता है कि जब मुगल्स पावर के ऊपर आए, व्हेन मुगल्स विल बी कमिंग टू पावर, मुगल्स यही इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स रखेंगे, और ये डिपार्टमेंट्स को हेड करने वाला एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं दीवान, समझे आप लोग। इफ यू कैन सी एवरीवेयर द डिपार्टमेंट इज हैविंग द दीवान, तो दीवाने कोहरा, दीवाने कोही, दीवाने इंशा, दीवाने रिसाला, ठीक है। ये आपको अलग अलग प्रकार के दीवान मिलते रहेंगे। ये दीवान का इम्पोर्टेंस ही ये था कि इनको अपॉइंट किया जाता था राजा के द्वारा, और ये लोग राजा के लिए काम करते थे, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, राजा को मदद किया करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये वेरियस डिपार्टमेंट आपको पता होने चाहिए। उसके बाद और भी ऑफिशियल्स थे, जैसे आपको वजीर मिलेगा। वजीर वॉज द मेन ऑफिशियल जो राजा के लिए काम करता था। वजीर वॉज द मेन ऑफिशियल, वजीर वॉज द मेन ऑफिशियल यूज टू वर्क फॉर द किंग, जो रेवेन्यू का काम करता था, फाइनेंस का काम करता था। फिर आपको एक ऑफिशियल मिलेगा जिसका नाम है अरीज ममलिक, जो मिलिट्री हेड हुआ करता था। काजी मिलता था जो शरिया का कानून इंप्लीमेंट करता था। मैंने आपको बताया कि शरीयत का कानून का इंपॉर्टेंस क्या था, सब धर्म के ऊपर मिलेगा। वी ऑल्सो फाइंड वकीलेदार जो रॉयल हाउस होल्ड्स को चलाता था। अब देखो यहाँ से ना क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैथ द फॉलोइंग के बनेंगे, दे विल आस्क यू द मैथ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। वी ऑल्सो फाइंड बरीद, बरीद ए ममलिक, बरीद ए ममलिक को इंपॉर्टेंट किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी वॉज द वन जिसने बरीद को अपॉइंट किया था, जहाँ पे पर्टिकुलरली इंटेलिजेंस का काम करते थे और न्यूज़ का भी काम करते थे, ठीक है। वी ऑल्सो फाइंड अ पर्सन कॉल्ड एज आमिर ए मजलिस, जो रॉयल फेस्टिवल्स को ध्यान में रखता था। एक और पॉइंट आपको मिलेगा, मजलिस ए आम, मजलिस ए आम वॉज द पर्सन जो हाउस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट अफेयर्स है उसकी बात करेगा। We'll also find a person called as दाहिर ममलिक। दाहिर का मतलब ये था कि ये रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखता था। रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है पर्टिकुलरली कि राजा को किसी को लेटर लिखना है तो कैसे दिखेगा, ठीक है। वी ऑल्सो फाइंड अ सदर जो काजी के साथ काम करता था। सदर वॉज द पर्सन हुज टू वर्क विद द काजी एट टाइम्स, जो रिलीजियस मैटर्स को लेके ये डिसीजन दिया करता था कि किसको लैंड ग्रांट देनी है, किसको जमीन नहीं देना है। राजा ने बहुत सारे लैंड ग्रांट दिया था, राजा ने बहुत सारे लैंड ग्रांट दिया था, उसका काम करेगा, ठीक है। वी ऑल्सो फाइंड सदर ए जहान, सदर ए जहान जो भी रिलीजियस मैटर है मैंने आपको बता दिया। आमिर ए दाद वॉज दी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर किसी को कोर्ट वर्ड के अंदर हाजिर किया जाता है और उसकी पिटाई की जाती है तो वो उसको जाके बचाने की काम करेगा, उसको पनिश करने का काम करेगा। वी ऑल्सो फाइंड नायब वजीर, कभी कभी वजीर भी होता था और आपको नायब वजीर भी मिल जाएगा, ये भी ऑफिशियल्स मिलते रहेंगे। मुशरिफ ए ममलिक पर्टिकुलरली जो अकाउंट का काम करता था, क्या नाम था, मुशरिफ ए ममलिक वॉज द अकाउंटेंट जनरल, याद रखेगा जो अकाउंटिंग का काम करते थे। आपको अमीर हिजाब मिलेगा जो रॉयल हाउस कोर्ट के अंदर काम करेगा। काजी चीफ जस्टिस हुआ करते थे, डिपार्टमेंट के अंदर हुआ करते थे। इस तरह से आपको बहुत सारे ऑफिशियल्स मिलेंगे जो घोड़े से लेके हाथी से लेके अलग अलग डिपार्टमेंट को हेड करते थे, ठीक है। तो ये ऑफिशियल्स को आप पढ़ लीजिएगा, यू प्लीज़ रीड फ्रॉम द ऑफिशियल्स। यहाँ से मैच द फॉलोइंग आने की शक्यता है, दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन फ्रॉम द मैच द फॉलोइंग। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सर इनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तीसरा, इनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था, याद रखेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, पूरा जो स्टेट है, पूरा जो एम्पायर था, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू इक्ता, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू इक्ता। ये इक्ता के जो हेड हुआ करता था उसको हम लोग इक्तेदार कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्तेदार। कुछ कुछ जगह के ऊपर इक्तेदार को वली भी कहा गया है, कुछ कुछ जगह के ऊपर इक्तेदार को वली भी कहा गया है, कुछ कुछ जगह के ऊपर आपको आमिर भी मिल जाएगा, समझे आप लोग।
आमिर वॉज द मेन हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इनके जो भी दिल्ली के सुल्तान्स के जो किंगडम हुआ करते थे, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई किंग है जो दिल्ली के ऊपर रूल कर रहा है, उसने यहाँ राजस्थान के अंदर एक छोटा सा रीजन कैप्चर किया है, तो यहाँ पे एक गवर्नर को अपॉइंट करेगा, वो गवर्नर को आमिर कहा जाएगा, वही गवर्नर को वली कहा जाएगा, वही गवर्नर को इकता कहा जाएगा। ठीक है, तो वी फाइंड वली, इकता, आमिर, ठीक है, इक्तेदार के रूप में आपको मिलेगा। वी ऑल्सो फाइंड मुक्ति और वली, जो लोअर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करते थे, जो आमिर को मदद करते थे इन द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड द टैक्सेस कलेक्शन। तो आमिर जो था, ही वॉज द मेन पर्सन, हु वॉज द हेड ऑफ द स्टेट रीजन एट दैट टाइम, और उनके नीचे मुक्ति और वली आया करते थे। मुक्ति का लॉ एंड ऑर्डर का काम था, याद रखेगा, वली का जो कामकाज था वो कभी कभी आपको टैक्सेस के अंदर भी मिलेगा। वी ऑल्सो फाइंड ऑफिशियल्स कॉल्ड एज द नजीर एंड द वकफ, नजीर एंड द वकूफ, ये लोग बेसिकली छोटे लेवल के ऊपर लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। वी ऑल्सो फाइंड इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कॉल्ड एज द साहिब दीवान, ये साहिब दीवान के अंदर के जो ऑफिशियल्स है, साहिब दीवान के अंदर जो ऑफिशियल हुआ करते थे, वो पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो अकाउंट्स का जो कामकाज है वो किया करते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते थे। एंड फाइनली वी फाइंड द शिकदार। अब शिकदार कौन थे, याद रखेगा, शिकदार वर द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स, शिकदार वर द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स, क्योंकि याद रखेगा दिल्ली सल्तनत के अंदर शिक वॉज द वर्ड विच वॉज यूज फॉर द डिस्ट्रिक्ट, समझे आप लोग, ठीक है। तो वो जिले के अंदर जब वो पूरा का पूरा एम्पायर को डिवाइड करते थे इकता को, तो द इकता वॉज डिवाइडेड एट टाइम्स इन द फॉर्म ऑफ द शिक, और शिक का बॉस कौन हुआ करता था, शिकदार था, ठीक है। तो इतना पॉइंट दोस्त आपको समझ में आ गया कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। दिल्ली के सुल्तान्स लोधी के दौरान कमजोर हो गए, लोधी डायनेस्टी को टॉपल करके बाबर पावर के ऊपर आया। बाबर जब पावर के ऊपर आता है 1526 में, तब नीचे साउथ इंडिया के अंदर, नीचे साउथ इंडिया के अंदर बहमनी स्टेट और विजयनगर किंगडम की शुरुआत हो चुकी थी। ये बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम की शुरुआत तो मोहम्मद बिन तुगलक से ही हुई थी, बट जब बाबर दिल्ली के ऊपर आता है, जब बाबर दिल्ली के ऊपर आएगा, तब विजयनगर काफ़ी फ्लरिश कर रहा था। तो बाबर इसके बारे में लिखता है, बट बाबर के इन्वेजन की जो रीजनल कंडीशंस इंडिया के ऊपर थी और मुगल्स की जो हिस्ट्री है उसको हम लोग आज नहीं करते हैं, आज यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। लेट अस स्टॉप द क्लास ओवर द क्लास टुडे एंड फाइनली वी कैन कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे। हम लोग बाबर को नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर डायनेस्टी के बारे में, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि ऊपर आपका बहमनी किंगडम हुआ करता था, नीचे अगर आप देखोगे तो साउथ के अंदर आपको विजयनगर किंगडम की शुरुआत मिलेगी, और उस दौरान आपको बाबर की भी एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेट मी गिव यू द पॉलिटिकल मैप एट द टाइम ऑफ बाबर। बाबर जब इंडिया के अंदर आया तो क्या कंडीशन थी उसको समझाता हूँ, उसके बाद कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। तो पॉलिटिकल कंडीशंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाबर वो समझा देता हूँ पर्टिकुलरली, और उसके बाद हम लोग कंक्लूड करते हैं। बाबर जब इंडिया के अंदर आएगा तब क्या कंडीशन थी। तो बाबर केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट रीजन, वो नॉर्थ वेस्ट से आया। तो उसने जब मुल्तान से लाहौर, लाहौर से पर्टिकुलरली फिर वो पानीपत करता है और दिल्ली के ऊपर एस्टेब्लिश किया। जब 1526 में उसने दिल्ली में अपने आप को एस्टेब्लिश किया, तो कैसी कंडीशन थी इंडिया में, याद रखिएगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बाबर इंडिया वॉज गोइंग थ्रू मल्टीपल पॉलिटिकल चेंजेस, एंड वी फाइंड उसने लोधीज को टॉपल कर दिया, लोधीज को उसने हरा दिया था, लोधीज वर ऑलरेडी डिफीटेड इन द बाबर। उसी के कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर अगर आप देखिए तो यहाँ गुजरात के अंदर आपको जो लोकल डायनेस्टी मुजफ्फरी डायनेस्टी मिलेगी। कौन सी डायनेस्टी? मुजफ्फरी डायनेस्टी। क्यों? क्योंकि मुजफ्फर शाह करके राजा थे, उसने गुजरात को इंडिपेंडेंट किया था अराउंड अर्ली 1400s, और उसके बाद अपनी खुद की डायनेस्टी मिलेगी। यहाँ आपको डेक्कन के अंदर, अगर आप डेक्कन की बात करते हो, इफ यू विल सी द डेक्कन, तो डेक्कन के अंदर आपको बहमनी किंगडम मिलेगा, बहमनी स्टेट मिलेगा, और ये स्टेट भी डिक्लाइन में जा रहा है, और इसकी जगह आपको डेक्कनी सल्तनत का भी शुरुआत मिलेगा। किसका मिलेगा? डेक्कनी सल्तनत की भी शुरुआत मिलेगी। ये जब डेवलप हो रहा था उस दौरान आपको विजयनगर का भी डेवलपमेंट मिलेगा, और बाबर के कंटेम्प्ररी हुआ करते थे कृष्णदेव राय, द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द विजयनगर डायनेस्टी। वी ऑल्सो फाइंड बाबर जब दिल्ली के ऊपर आया, तो उसने देखा कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ईस्ट इंडिया के अंदर जो आज का बिहार बंगाल वाला जो रीजन है, वहाँ पे उसको नाक में दम होने की शुरुआत थी, क्योंकि यहाँ पे आपको अफगान्स मिलेंगे जो पर्टिकुलरली रूल कर रहे थे, और बाबर की इसके साथ भी कन्फ्लिक्ट होती। सेंट्रल इंडिया की बात करूंगा मैं, मालवा की बात करता हूँ, तो मालवा के अंदर आपको खिलजीज मिलेंगे। ये दूसरे खिलजी थे, पर्टिकुलरली अलाउद्दीन खिलजी वाले नहीं थे,
आपको खिलजी डायनेस्टी मिल जाएगी जो बाबर के सामने फाइट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ राजस्थान की जब मैं बात करता हूँ, व्हेन आई टॉक अबाउट राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर आपको राजपूत किंग्स मिलेंगे, राजस्थान के अंदर आपको राजपूत किंग्स मिलेंगे। एंड वी फाइंड कि इस तरह से बाबर के सामने बहुत सारे पॉलिटिकल क्राइसिस थे जब वो इंडिया के अंदर आता है, तो कहीं राजपूत किंगडम्स थे, कहीं खिलजी डायनेस्टी थी, कहीं बिहार बंगाल के अंदर अफगान्स हुआ करते थे, गुजरात वॉज इंडिपेंडेंट, नीचे बहमनी किंगडम्स था और विजयनगर का डेवलपमेंट हो रहा था, कृष्णदेव राय अभी भी जिंदा थे। तो बाबर जब दिल्ली के ऊपर आएगा ना, जब बाबर दिल्ली के ऊपर आएगा तो बाबर का पावर बहुत लिमिटेड रहेगा, तो विल बी रूलिंग फॉर 4 ईयर्स ओनली, वो 4 साल तक ही रूल करता है, और उसके बाद फिर हुमायूं और फिर अकबर तक आते आते इन सब का कंसोलिडेशन होगा। अब कंसोलिडेशन कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कैसा फर्दर डेवलपमेंट होता है, उसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे ही कंक्लूड करेंगे। बट इतना पॉइंट आपको दोस्त समझ में आना चाहिए कि व्हाट वी हैव डिस्कस इन टुडेज क्लास, ठीक है। तो आज के सेशन को थोड़ा सा रिकैप करते हैं और फाइनली हम लोग कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। और मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा सेशन है वहाँ पे दिल्ली सल्तनत के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आज के सेशन के अंदर हम लोग दिल्ली सल्तनत के ऊपर बात करेंगे। तो हमने अभी तक गोरी के इन्वेजन को पढ़ा, हमने गोरी के इन्वेजन को पढ़ा, दिल्ली के सुल्तान्स की पाँचों डायनेस्टीज के बारे में भी पढ़ लिया है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप किया जाता है बाय द खिलजीज। ये खिलजी में आपको दो किंग इंपॉर्टेंट मिलेंगे या एक ही मिलेगा, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश एन ऑल इंडिया एम्पायर, क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर कहता है। अलाउद्दीन कहता है कि मैं सिकंदर एसानी हूँ, मैं एक ऐसा राजा हूँ पर्टिकुलरली जो सिकंदर को रेप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई वॉन्टेड टू गेट बैक द पावर एंड द डायनेस्टी ऑफ द सिकंदर, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट आपको अलाउद्दीन खिलजी के अंदर मिलेगा। तुगलक तक आते आते आपको पगला राजा मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आपको फिरोज शाह तुगलक मिलेगा, फिरोज शाह तुगलक के बाद इनका डिक्लाइन की शुरुआत हो गई, क्यों? क्योंकि तैमूर का आक्रमण हुआ, तैमूर का ही सेनापति था खिजर खान, ये खिजर खान ने सैयद डायनेस्टी की शुरुआत की एंड सैयद डायनेस्टी को टॉपल किया जाता है बाय द लोदीज। लोदीज अपने कारण ही हार जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये एरोगेंट हुआ करते थे। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर और सिकंदर के बाद इब्राहिम इतना एरोगेंट हुआ, बाबर ने उसको टॉपल कर दिया, फाइनली कंक्लूजन हो जाता है, समझे आप लोग, ठीक है। लोदीज में एक पॉइंट खास याद रखेगा कि लोदीज जब नॉर्थ में रूल कर रहे थे, तब इंडिया के अंदर यूरोपियंस की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। व्हेन द लोदीज विल बी रूलिंग इन द नॉर्थ इंडिया, वी फाइंड द पोर्चुगीज विल बी कमिंग टू इंडिया इन द ईयर 1498 का टाइम था, मतलब सिकंदर लोदी का टाइम था जब वो दिल्ली के ऊपर रूल कर रहा था, तब पोर्चुगीज कैलिकट के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट दोस्त आपको पता होना चाहिए, इतना पॉइंट हमने डिस्कस किया है। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन, हमने आज के सेशन में इतना पॉइंट डिस्कस किया है। होपफुली आपको अभी भी थोड़ा बहुत लग रहा है कि सर मिडिवल इंडिया में हमको समझ में नहीं आता है, तो आई वेलकम यू टू ज्वाइन माई कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस के ऊपर मैंने आपको अभी भी बताया, थोड़ी देर पहले भी बताया था, मैं मिडिवल इंडिया का कोर्स ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस मिस हो गए हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस जितनी बार देखना है देख सकते हो, इंक्लूडिंग आपको क्विज मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, यहाँ मैराथन है वहाँ पर डिस्कशन के साथ होता है, इंक्लूडिंग अनलिमिटेड बार देख सकते हो। और फ़ायदा यही है कि आप एक साल में मल्टीपल टाइम उसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपने आज सब्सक्राइब किया है तो फॉर द नेक्स्ट वन ईयर आप जितने भी सब्जेक्ट है ना, जितने भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट्स, इट्स नॉट द केस ऑफ वन सब्जेक्ट, याद रखेगा, ऑल द सब्जेक्ट्स यू कैन सी, आप जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब सब्जेक्ट्स को एक्सेस कर पाओगे। मतलब मेरे से हिस्ट्री पढ़ना है, किसी और से पॉलिटी पढ़ो, किसी और से इकोनॉमिक्स पढ़ो, यू कैन फॉलो ऑल दी सब्जेक्ट्स, ओके, एज पर योर टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई दिक्कत नहीं है। 12 मंथ्स का 40,000 है, 40,000 का अंदर अगर आपने PN लाइव कोड यूज़ किया तो 36,000 हो जाएगा, बट अगर आप 24 मंथ्स का ले रहे हो, मतलब 2 साल का, तो 48,000 रुपीज़ के अंदर आपको 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और उसमें भी अगर आपने PN लाइव यूज़ किया तो 43,200, दैट इज़ वेरी लेस आई वुड से, और उसमें आप आराम से घर पर बैठे बैठे दो साल तक शांतिप्रिय रूप से तैयारी कर सकते हो। मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हूँ, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पढ़ाता हूँ हिस्ट्री के अंदर। इसके साथ साथ आई एम प्रोफिशिएंट इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक IR, इंटरनल सिक्योरिटी, उसके भी क्लासेज मैं शुरू करूँगा धीरे धीरे धीरे। तो आई वेलकम यू ऑल, आप जुड़िए हमारे साथ, मेरे कोर्सेज में ही आप 6-8 महीना तो आपका निकल जाएगा, साइमल्टेनियसली दूसरे क्लासेस को भी अटेंड करिए एंड घर पे बैठे बैठे तैयारी कीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे,
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। सब्सक्रिप्शन के लिए प्लीज यूज माई कोड पी एन लाइव इफ यू आर प्लानिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन, और डेफिनेटली आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बोल देता हूँ, वो है अन अकेडमी चैंपियनशिप के बारे में। अन अकेडमी चैंपियनशिप सीरीज की शुरुआत हो गई है, जहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो। यू कैन गिव अप द टेस्ट, इट्स अ फ्री टेस्ट जहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंकिंग मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप देइए आप ये टेस्ट को, एंड यू प्लीज इवेल्यूएट योर सेल्फ कि कैसे तैयारी घर पे बैठे बैठे आप कर सकते हो। लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट मैराथन सेशन। थैंक यू वेरी मच। टिल देन कीप स्टडिंग।